नमस्कार स्टडी आई क्यू आई एस हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं वीरद दुबे और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सब इतनी देर रात जुड़े यहां पर और अभी और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे क्लास शुरू हो चुकी है आगे कुछ भी चर्चा करूं उससे पहले मैं आप लोगों से कन्फर्म कर लेना चाहता हूँ कि क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज़ ठीक तरह से सुनाई पड़ रही है यानी एक बार जल्दी से बताइए कि आप सब हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं जल्दी से बताइए क्या गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग संख्या को अब लगातार बढ़ाना आपकी बारी है हो ओ हो मेरे कॉर्न वॉलिस <laughs> कैसे कैसे ना बिल्कुल <laughs> आज शेयर का बटन एकदम बेफिक्र होकर दबाइए लोगों को शेयर करिए शानदार सेशन चलेगा अब रात जगह आज यहाँ से शुरू होने वाला है आ, सभी लोगों को राम राम नमस्कार 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 सभी लोगों को बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं कुरैशी जी निकता जी मोहन ब्रजेश अरुण अंशुमन निकिता है ना बहुत सारे लोग यहाँ पे नाम बहुत तेजी से चले जा रहे हैं आकाश है ना इतने सारे लोग यहाँ पर हैं तो फटाफट -फड़ से जुड़ चुके हैं बहुत सारे लोग हरमिंदर आशीष आदर्श हिमांश आवशीष आकाश अभी ममता ओके बॉस बाय ओके अभी रितिका अच्युत बहुत सारे लोग मतलब नाम इतनी तेजी से निकल रहे हैं कि भाई मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम और सभी लोग मिलजुल करके आज के सेशन की करते हैं शुरुआत ठीक है तो एक बार क्योंकि आप लोगों ने बता दिया है आवाज क्लियर आ रही है दोनों लोगों पर वॉइस क्लियर है नो वॉइस सर आ, क्या आवाज़ नहीं आ रही है कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है एक बार फिर से कंफर्म करें कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है क्योंकि बगैर आवाज के तो कैसे चलेगा ये सेशन नमस्ते नमस्ते भाई जय हिंद ओके नमस्ते महादेव जल्दी जल्दी से बताइए जल्दी जल्दी से गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग एक बार फिर से बता दीजिए क्या आवाज सबको सुनाई दे रही है क्लियर है सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आज रात में हम लोग यहाँ पर जगह करने आए हैं और आ, आ, मतलब आप लोगों ने बहुत सारे सेशन हमसे हिस्ट्री के किए होंगे पढ़े होंगे हमारे साथ में जुड़े रहे होंगे लेकिन आज का जो सेशन है डेफिनेटली वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है और क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हैं ओपन कर रखा है हमने छुपाया नहीं है कुछ भारत के गवर्नर जनरल और वायस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कल से आप लोग थंबनेल में भी देख रहे हैं कि इनके ऊपर चर्चा होने वाली है और बड़े उत्साहित हैं बहुत सारे लोग और इस चीज़ को देख करके मैं भी अति उत्साहित हूँ कि आप लोग इतने उत्साहित हैं तो भाई सेशन के अंत तक सब लोग बने रहेंगे कि नहीं पहले तो ये बताइए ऐसा तो नहीं हाजिरी लगा के चले जाएंगे क्योंकि सर तो यहाँ पर आ गए हैं तो जब तक क्लास चलेगी तब तक हम तो रहेंगे ही रहेंगे हम अपना कर्तव्य तो पूरा करेंगे ही आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारे साथ बने रहेंगे जब तक यह सेशन चलेगा और क्या ऐसा कर पाने में आप सक्षम हैं बताइए सभी लोग हाँ या नहीं बने रहेंगे ना अंत तक चाहे सुबह ही क्यों ना हो जाए हालांकि देखते हैं कि कितनी देर तक चलती है रस जगह तो होगा आज आज मॉडर्न का जगराता है आ जाओ भाई सभी लोग वेरी गुड अच्छे अच्छे कोटेशन हैं बहुत अच्छे बहुत शानदार और इतनी रात में भी इतने सारे लोग आप सब जुड़े हैं ये तो मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी आप इतने सारे लोग जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है भाई आप लोगों का तो अब देखिए रात में रखने का एक विचार मेरे मन में ए, क्यों आया उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी फिर आगे बढ़ेंगे सेशन में सेशन तो पूरा करना ही है बहुत देर तक का सेशन चलेगा थोड़ी बहुत बातचीत आपसे कर लेते हैं इजाजत हो तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं मैंने मतलब आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं अभी हाल ही में 2023 का प्रिलिम जो है वो आने वाला है बहुत सारे लोग रात रात भर जग के पढ़ाई कर रहे हैं और मतलब जब मैं भी अपनी सिविल्स की तैयारी किया करता था तो ये जो रात का एक ऐसा समय मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे अपनाइए मतलब सिंपल सी बात ये है सबके पढ़ने का अपना अपना टाइम होता है बहुत सारे लोगों का पढ़ने का रात का टाइम होता है उन बहुत सारों में एक मैं भी था कि देर रात मुझे मतलब जगना पड़ता था पढ़ना पड़ता था चीज़ें करनी पड़ती थी उसके पीछे एक तार्किक कारण ये भी था कि कितना भी कर लिया जाए क्योंकि जब हम लोग थोड़ा सा कंबाइंड फैमिली में रहते थे सारी चीज़ें होती थी तो मतलब कितना भी कर लिया जाए किसी को मौका उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता था दिन में पढ़ने का जितना अच्छे से रात में मिलता था तो मेरे मन में विचार आया कि आप में से बहुत सारे लोग जो यूपीएससी पी प्रिपरेशन करते हैं आप में से अधिकतर लोग या बहुत सारे लोग रात में प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको हम जगा के आपकी कोई नींद खराब करेंगे ऑलमोस्ट आप जगते ही हैं तो चलिए आज रात में सेशन कर लेते हैं ऐसा वाला हुआ देखो दस मिनट हम लेट नहीं हुए हुए हैं हम चार से पांच मिनट लेट और जो पांच मिनट लेट हुए हैं ये हम हुए जानबूझ करके क्योंकि देर से आना पांच मिनट देर से आने से ये होता है कि आपके अंदर भी कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इंतजार करें तो मैं इंतजार कर रहा था ठीक है तो बस यही आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए मैं चार पांच मिनट लेट आया ओहो थ्री हंड्रेड क्रॉस कर चुकी है अब इस समय हमारी व्यूअरशिप और आई होप कि आज तो लग रहा है कि थाउजेंड का भी आंकड़ा निश्चित रूप से यहां पे टूटेगा ऐसा मुझे अति उत्साह में दिख रहा है टूट जाए तो बहुत अच्छी बात है ओके वैसाइज और गवर्नर जनरल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे आ, पढ़ने के अलावा बहुत सारी चीजें हमको इसमें जाननी समझनी है देखिए शुरुआत कर रहे हैं शुरुआत में आप सब लोग देखिए पहली बात तो ये समझ जाइए कि सभी लोग यहां पर जितने भी लोग उपस्थित हैं बहुत धैर्यपूर्वक पढ़िएगा हर एक चीज जैसे मैं लिखा लिखा के समझा समझा के आप लोगों को बता बता करके चीजें लिखाता हूं उसी प्रकार से ही मैं यहां पर पढ़ाऊंगा आप हर चीज लिखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज आ, मतलब आप समझिए कि गवर्नर जनरल एंड वॉयसरायस का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन्हीं में गूंजती है इन्हीं में गुजरती है आप बस उतना पोर्शन छोड़ दीजिए कि जब यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ वो वाला पोर्शन छोड़ दीजिए आप जब रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करेंगे बंगाल के गवर्नर से तब से लेकर के सी राजगोपालचार्य तक जाएंगे तो यही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है इन्हीं के समय में अलग अलग समय में अलग अलग काम होते रहे ठीक है अलग अलग समय में अलग अलग काम होते रहे और अलग अलग गवर्नर जनरल योगदान होता रहा तो कहने का मतलब यह है कि कही न कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फेज हम कवर करने वाले हैं और आप सब लोगों को मालूम है कि शाम को साढ़े पांच बजे सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अलग से पढ़ाते भी हैं आपको तो कुछ तो रिवीजन होगा उसका रिवीजन का मतलब अब उनके समय में जो जो गवर्नर जनरल आए थे उन्होंने जो जो काम किए वो आपने पढ़े हैं तो उनका नाम भी आएगा और कुछ नए गवर्नर जनरल जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा उनके काम नहीं पढ़े तो उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे तो कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है सभी लोगों को धैर्यपूर्वक लिखना है ऐसा नहीं है कि मैराथन क्लास है तो बस आराम से तकिया पे हाथ रख करके सो रहे हैं और सुन रहे हैं राम कथा और इधर से चल रही उधर कुछ पूरा नोट करना है मुझे सबके नोट्स चाहिए होंगे एट द एंड ठीक है मुझे सभी के नोट्स चाहिए होंगे अंत में इसलिए सभी लोग ध्यान पूर्वक जरूर पढ़िएगा वादा करिए इस चीज का तो चलिए करते हैं शुरुआत तो इस शुरुआत में सबसे पहले गवर्नर जनरल और वायसराय की अगर हम बात करें तो इनकी शुरुआत होती है बंगाल के गवर्नर जनरल से इसको हम तीन चार फेजेज में तोड़ेंगे सबसे पहले ब्रेक करेंगे देखिए पीडीएफ वगैरह सब लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा सब कुछ आपको लास्ट में मिल जाएगा लेकिन जो चीज है पढ़ने की वो आप अगर अपने हाथ से अपने खुद की मेहनत से बनाओगे यकीन मानो कि आपको निश्चित तौर पर लंबे समय तक याद रहेगा ठीक है थीके? पेन कॉपी एकदम ले करके बैठ जाओ कितने लोगों ने पेन कॉपी ले लिया है बैठ गए एकदम बढ़िया से जल्दी से बताइए अक्षय शुकांत सुख शुकांता बरिक कभी कभी नाम पढ़ने में थोड़ा अटपटा हो जाता है क्योंकि नाम तेजी से स्क्रोल हो जाते हैं तो उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते कितने बजे तक पढ़ाते अभी कितने बजे तक पढ़ाएंगे कितने बजे तक चलेगी क्लास ये तो मुझे मालूम है नहीं लेकिन बस चलेगी क्लास हाँ अगर आप वहां पूछना चाह रहे हैं कि जो स्टडी आई क्यू हिंदी पे मैं कितने बजे क्लास लेता हूं तो डेली शाम को साढ़े पांच बजे क्लास होती है फाइव थर्टी पीएम ठीक है डेली शाम को साढ़े पांच बजे क्लास होती है हिंदी भाषा में होती है हिंदी माध्यम में होती है यहां पर भी हिंदी माध्यम में ही रहेगी ठीक है और ये क्लास मंडे से लेकर के आपका थर्सडे तक रहती है यानी कि सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक रहती है तो ये उसके लिए शेड्यूल बता दिया बहरहाल गवर्नर जनरल और वाइसरायज के बारे में अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल और जो है उनको हम लोग तीन से चार भागों में बांट सकते हैं कैसे बांट सकते हैं सबसे पहला भाग देखिए जरा बंगाल के गवर्नर ठीक है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में हमको देखने को मिलेगा दूसरा जो भा, भाग है वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में देखने को मिलेगा तीसरा जो भाग है वो हमको भारत के वाइसराइज के रूप में देखने को मिलेगा और चौथा जो भाग है उसको हम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में डिवाइड कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें एक पोर्शन और जोड़ सकते हैं इसके पहले बंगाल के गवर्नर जनरल से पहले एक पार्ट आप यहां पर और जोड़ सकते हैं और वो एक पार्ट है यहां पर चाहें तो सबसे पहले जोड़ सकते हैं बंगाल के बंगाल के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर के बाद में आप बंगाल के गवर्नर जनरल फिर भारत के गवर्नर जनरल फिर भारत के वायसराय और फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तक आएंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे भारत के राष्ट्रपति में और जैसे ही भारत के राष्ट्रपति में कदम रखा भारत आपका आजाद हो चुका है और सब चीजें जो है आगे बढ़ चुकी होंगी है ना नमस्ते भाई नमस्ते थोड़ा सा नमस्ते लेट लेट हो रहा है ठीक है तो यह चीज हमको इसी फ्रैक्शन में पढ़नी है इसी तोड़ में पढ़नी है ठीक है मतलब हम सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के बारे में जानकारी लेंगे फिर गवर्नर जनरल के बारे में जानकारी लेंगे फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में जानकारी लेने के बाद भारत के गवर्नर जनरल के बारे में जानकारी लेंगे फिर भारत के वायस और लास्ट में स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के ऊपर हम चर्चा करके इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे हमारी ऑप्शनल की क्लास कब शुरू होगी रवि ऑप्शनल की क्लास का अभी शेड्यूल नहीं है अभी हम लोग फाउंडेशन बैच का शेड्यूल रखे हुए हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है

तो ये चीज हम लोगों को यहां पर पढ़नी है जो मैंने आपको यहां पर बताई समझाई अब जरा देखिए इनको अब यहां से रिप्लेस कर दिया जाए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ जो है आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं विरध दुबे जीरो वन विदाउट एनी स्पेस वृद्ध दुबे जीरो वन के नाम से आप हमें टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम के लिए इसको स्कैन कर लीजिए तो आप टेलीग्राम में सीधे जुड़ सकोगे और ये दोनों बाकी जगहों पर भी मैं विरध दुबे जीरो नाम से ही मिलता हूँ तो आप मुझे कहीं पर भी इसी नाम से कनेक्ट कर सकते हो लाइव फाउंडेशन बैच जो है भाई वो शुरू हो चुका है आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइव फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया है और आज जो है आपको मालूम है कि सब उन्नीस तारीख है 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 ना आ, आज तारीख ही है, मुझे कंफ्यूजन हुआ <laughs> आज उन्नीस तारीख है और तेईस तारीख इस बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है ट्वेंटी थर्ड जो है इसमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट है अंतिम तिथि है जैसा कि आप नीचे भी देख पा रहे होंगे स्क्रॉल करते हुए आपको लगातार दिख रहा है शाम को छह बजे ये बैच शुरू हुआ है चौदह फरवरी से तो ज्यादा कुछ छूटा नहीं है आप इसमें एडमिशन लेने के लिए इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं विरद लाइव ये बैच आपको में पड़ जाएगा तो भाई फटाफट अभी के अभी एडमिशन लेना चाहो तो ले सकते हो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं देखना चाहूंगा मतलब मैं सेशन के बाद देखूंगा कि मैं जब मेरा सेशन ओवर हुआ तो क्या इस सेशन के दौरान किसी ने एडमिशन लिया डेफिनेटली मुझे मालूम है आप सब मेरे ऊपर भरोसा करते हैं मुझे आपके ऊपर पूरी उम्मीद है आप सब भी एडमिशन जरूर लेंगे चलिए शुरुआत करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल से पहले हम बंगाल के गवर्नर को ही ब्रेक करते हैं बंगाल के गवर्नर तक ही बात रखते हैं फिर गवर्नर जनरल को लेकर के आएंगे ठीक है चलिए से पहले की भी बात हम करेंगे अभी वॉरन हेस्टिंग्स की हेडिंग थोड़ी यहां गलत हो गई है बीच में आ गई है बाद में लेकर के आएंगे वॉरन हेस्टिंग्स को अभी नहीं सो सब लोग अगर रेडी हैं तो एक बार लाइक और लाइव के बटन फटाफट से दबा दीजिए अगर सब लोग रेडी हैं तो फटाफट फड़। यस लिख दीजिए कि हाँ सर शुरुआत कर दी जाए जल्दी से फटाफट फड़ से शुरुआत कर दी जाए एक बार सब लोग लिख दीजिए बिना देर किए हुए जल्दी से जल्दी सभी लोग शुरुआत कर दी जाए इसको लिख देंगे और हम शुरुआत कर देंगे ओके चलिए देखिए अब बहुत सारी चीजें सुननी है बहुत सारी सारी चीजें लिखनी है मैं आपको बता दे रहा हूं कुछ चीजें ऐसा है कि भारत में अंग्रेजी प्रशासन या शासन की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है इसका जो फाउंडेशन है वो आप सब लोगों को मालूम है एक विशेष युद्ध के माध्यम से होती है और क्या आप बता सकते हैं कि उस युद्ध का क्या नाम है या उस आप उसे आप किस युद्ध के नाम से जानेंगे जल्दी से बताइए पांच थीम वाली क्लास छूट जाती है क्यों छूट जाती है छह बजे क्लास लाइव चल रही है इसलिए छूट जाती है। ओहो। अच्छा ऐसा है क्या चलो मैं देखता हूं इस पे क्या हो सकता है पहले अभी बताइए कि, कि किस युद्ध के साथ में हम मान सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी प्रशासन की शुरुआत हुई कुछ चीजें मैं पूछता जा रहा हूं आप बताते चलेंगे यस लेट स्टार्ट बिल्कुल हो चुका है मनीष ने बताया है प्लासी और इधर जैक ने बताया है प्लासी बक्सर नहीं कुलदीप बक्सर को अभी हम नहीं लेकर के आएंगे प्लासी को लेकर के आएंगे हालांकि बक्सर भी ठीक ठाक तरीके से हम मान सकते हैं देखिए सबसे पहले आप सब लोगों को मालूम है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ जो प्लासी का युद्ध हुआ यह युद्ध अंग्रेजों ने छल कपट करके जीता था छल कपट इन द सेंस ये है कि बंगाल में बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपनी तरफ मिलाया और मिलाकर के आंतरिक कह सकते हैं कि रूप से कमजोर करके सिराजुद्दौला को और प्लासी के युद्ध युद्ध में उसे पराजित किया था उस समय जिस समय हुआ था उस उस समय समय जिस हुआ समय इस युद्ध का नेतृत्व जिसने किया या फिर, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स में जो प्रमुख था वो था ड्रेक प्लासी के युद्ध में अच्छा प्लासी के युद्ध के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो जितने लोग नए स्टूडेंट हैं वो प्लासी के युद्ध के बारे में प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट ठीक है उस प्लेलिस्ट में जाकर के शाम को साढ़े पांच बजे मॉडर्न यूनिवर्सिट्री स्पेक्ट्रम के नाम से प्ले बनी है स्टडी आईक्यू आई एस हिंदी चैनल पर स्टडी आईक्यू आई एस हिंदी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के प्लासी का युद्ध वाला वीडियो देख लीजिएगा पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ क्योंकि मैं यहाँ प्लासी का युद्ध नहीं पढ़ाने जा रहा हूं आपको बी क्लियर कि हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि हम लोग वायसराय के इर्द गिर्द ही घूमेंगे गवर्नर जनरल वायसराय इस तरह के इर्द गिर्द ही घूमेंगे उनके प्रमुख कार्यों को समझने का काम प्रयास करेंगे ठीक है एकदम अलग चीज है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था उस समय बिल्कुल सही बात है अरे वाह चार सौ का आंकड़ा छू चुका है स्टडी और दो सौ तीस से ऊपर हम लोग हो चुके हैं स्टडी आई क्यू मेन में बहुत अच्छी बात है शाबाश मुझे लगता है कि आज हम हजार तक तो जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि हम जाएंगे बहरहल मैं आपसे कह रहा था कि प्लासी के युद्ध में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की वो शुरू हुई ठीक है मतलब कहने का कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना एक तरीके से शुरू हुई ड्रेक उस समय था लेकिन युद्ध की जो सफलता है उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम योगदान जो दिया जाता है किसकी वजह से प्लासी का युद्ध जीता गया अगर नाम लिया जाए तो कोई और नाम नहीं आएगा रॉबर्ट क्लाइव का आएगा किसका आएगा रॉबर्ट क्लाइव आप लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में सुना होगा रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को खरीद लिया था बिल्कुल सही बात है साहिल आपने सही लिखा पेट्रोल पंप <laughs> अच्छा वसीम करण अच्छा ठीक है तो मैं आपको यही बोल रहा था कि भाई रॉबर्ट क्लाइव जो है उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपको इसमें दिखती है और जैसे ही ये विजय हुई मतलब प्लासी का जब विजय हुआ तो प्लासी के विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया या पहला गवर्नर बनाया गया तो यही जो क्लाइव है इसी प्लासी युद्ध के, के बाद बंगाल का क्या बना बंगाल का गवर्नर बना अब गवर्नर हाँ कुछ गलत लिख गया क्या बंगाल का गवर्नर ठीक है अब ये बंगाल का गवर्नर बना अब एक पीढ़ी जरा सीढ़ी जरा समझ लो आप वर्तमान समय में जो भारत में राष्ट्रपति पढ़ते हो ना राष्ट्रपति अब ये है कौन ये है जो हमारा भारत संघ है भारत जो तमाम सारे राज्यों का जो संघ है इस संघ का प्रधान है प्रथम व्यक्ति है और जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, जितनी भी कार्यकालिका कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो सारी की सारी शक्तियां इस एक व्यक्ति में निहित होती हैं और ये अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी कि बांटता है तमाम सारे लोगों के बीच और वो उस पावर का इस्तेमाल करके इस देश का शासन चलाते हैं यही है ना लेकिन इसकी सबसे पहली भूमिका जहां से शुरू होती है इस पद की जो भूमिका है इसकी भूमिका जहां से शुरू होती है वो जगह पर आज रॉबर्ट क्लाइव यहां पर बैठा हुआ है और बंगाल में ये उसी तरह से काम करना शुरू करेगा जिस तरीके से आज भारत में प्रधान राष्ट्रपति करते हैं ठीक है बक्सर के बाद बने हैं ठीक है मैं अभी लेकर के आता हूं बक्सर के बाद बने हैं तो मैं लेकर के आता हूं अभी उनको बक्सर के बाद में आगे तक लेकर के आता हूं कैसे यहां पर कैसे यहाँ पर सारी चीजें हुई बिल्कुल सही बात है बक्सर का युद्ध तो बेटा सत्रह में हुआ ना सत्रह में हुआ उससे पहले रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में है ठीक है अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिए तो रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर है गवर्नर ध्यान रखेंगे बंगाल का गवर्नर तो इस सेशन में आपको यही देखने को मिलेगा कि रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड माउंट बेटन तक और सी राजगोपालाचारी तक लेके जाने की जितनी भी चीजें हैं उनको हम लेकर के आने का प्रयास करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए बंगाल के गवर्नर यही वाली हेडिंग डाल दीजिए फटाफट से जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाइए और हेडिंग डाल दीजिए बंगाल का गवर्नर अब ये हेडिंग डालने के बाद अगली हेडिंग आप तुरंत डालेंगे रॉबर्ट क्लाइव डालेंगे रॉबर्ट क्लाइव ठीक है रॉबर्ट क्लाइव और देखो दो तीन चीजों के चक्कर में बिल्कुल परेशान ना होना कि सर पेन का कलर बदल दीजिए बड़ा लिख दीजिए मोटा लिख दीजिए ये सब दुनिया अपने स्क्रीन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो और क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव कर लो बिल्कुल बेहतरीन दिखेगा क्योंकि मैं जिस स्क्रीन में देख रहा हूं मेरा भी मोबाइल इधर चल रहा है मैं जिसमें देख रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं हां बिल्कुल तो यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड सबसे पहले तो लिखे सत्रह से सत्रह सो से सत्रह सो ये एक टाइम पीरियड लिखी रॉबर्ट क्लाइव के दो टाइम पीरियड आपको याद रखने होंगे ठीक है एक तो सत्रह से सत्रह है दूसरा जो है वो सत्रह से सत्रह है 67 ठीक है ये दो टाइम पीरियड हैं जो रॉबर्ट क्लाइव के लिए आपको जो रॉबर्ट क्लाइव के लिए आपको याद रखने हैं याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड क्या रखेंगे सत्रह सो से 1760, 1760 में वापस चला गया उसके बाद 1765 में ये फिर आया सत्रह तक ये रहा ठीक है ये दो टाइम पीरियड आपको याद रखने हैं ध्यान रखना कंफ्यूजन बहुत होता है चलिए वास्तविक रूप में अगर हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में चर्चा करें तो आज जिस रॉबर्ट क्लाइव को हम जानते हैं हमें लगता है कि वो इतिहास में बहुत बड़ी हस्ती रहा होगा या फिर आ, अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत आ, कह सकते हैं कि बहुत योग्य रहा होगा या फिर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहा होगा तभी वो भारत आया तभी उसने भारत में इतने युद्ध लड़े इतना नाम कमाया ऐसा कुछ नहीं था सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जन्म जो है सेवनटीन में हुआ था इंग्लैंड में और बेहद साधारण परिवार से ये व्यक्ति था बिल्कुल साधारण परिवार से आ, फातिमा पूछ रही हैं कि बीच बीच में पीवाई क्यू भी हैं क्या फातिमा ये पीवाई क्यूज हम लेकर के आएंगे लेकिन मैं आपको मतलब कोरी डाढ़ नहीं बता सकता हूं आज के सेशन में हम पीवाई क्यू नहीं लेकर के आए जिसे मैं मानता हूं कि एक प्रकार की चूक है अगली बार जब हम सेशन लेकर के आएंगे तो आपके इस बात का आपके इस सुझाव का ख्याल रखेंगे और जब भी नया सेशन इस तरीके का लेकर के आएंगे मैराथन वगैरह तो बीच बीच में आपके लिए एमसी क्यूज भी लेकर के आएंगे डन ठीक है फातिमा स्वर्ग से उतर अरे बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपने लिखा है रॉय जी जी कह रहे हैं स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक हाँ, तो, uh, okay. तो यहां पर जरा देखिए इसके बारे में इसका जन्म होता है और ये जन्म कहा होता है इंग्लैंड में इंग्लैंड में हालांकि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेहद ही साधारण परिवार से और शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी ईस्ट उस, इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए जो आई थी उसको भारत में व्यापार करने का अधिकार कब मिला था कोई बता सकता है भारत में आने वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको उसको कब जो है अधिकार मिला बता सकते हैं आप एक क्लास बस पीवाई की करा दें भैया देखो की क्लास जो है ना डेली दोपहर बारह बजे चलती है डेली दोपहर बारह बजे स्टडी आई क्यू हिंदी आएक पर

बहुत ही साधारण सा क्लर्क और उस समय क्लर्क की कोई बहुत ज्यादा हैसियत नहीं थी लेकिन उसने अपने कार्यों से भारत में एक ब्रिटिश साम्राज्य को करने में जो योगदान दिया है वो मील के पत्थर की तरह गिना जाता है गिना जा सकता है सोलह आठ जो लोग बोल रहे हैं वो गलत हैं मैंने पूछा है कि भारत में आने के लिए इस परमिशन मिली वो डेट आप बता सकते हैं प्रवीण जी इधर सही बता रहे हैं मोहन जी इधर सही

ठीक है तो पॉजिटिव चीजें हम लोग को सीखते चलना है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले खंड की सत्रह से सत्रह तक की प्रथम खंड प्रथम खंड जो है ये कभ से कभ तक रहेगा? प्रथम खंड रहेगा हमारा। सत्रह से कब तक ठीक है ये पहला खंड रहेगा हमारा सत्रह से सत्रह और इस दौरान उसके उसके जो प्रमुख कार्य हुए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे देखिए अकबर के समय अकबर कहां से आगे भैया देखिए अगर इसकी प्रमुख घटनाओं की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को आरकाट के घेराव के बारे में पढ़ना पड़ेगा आरकाट का घेराव अरकाट का घेराव अब यही वो जगह है जहां से इसने नाम कमाना शुरू किया क्या आप बता सकते हैं आरकाट किसकी राजधानी थी और किसका घेराव किया गया था बता सकते हैं इसका घेराव कब किया गया था जल्दी से बताइए आरकाट किसकी राजधानी थी ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा मुझे खुशी है कि इन सब चीजों के बारे में आप जानकारी रखते हैं जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आरकाट काट कहां पर है जल्दी से बताइए आरकाट के बारे में सभी लोग हम्म दुनिया में खरबों लोग है मेरे जैसा कोई नहीं अच्छा जी कर्नाटक 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 सही जवाब आ रहा है बिल्कुल सही बात है कर्नाटक तो आपको मालूम होगा कि कर्नाटक में कर्नाटक में नवाब जो है नवाब को लेकर के थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रही थी मैंने आप लोगों को हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में बताया हुआ है किसके बारे में हैदराबाद हैदराबाद और कर्नाटक ये दो ऐसे राज्य थे जिसमें नवाबी को लेकर के नवाबी को लेकर के या फिर नवाब के उत्तराधिकारी को लेकर के आपस में कुछ झगड़े हुए मोहम्मद अली का नाम यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मोहम्मद अली जो है वो कर्नाटक का नवाब बना अरकाट का घेराव का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है और मोहम्मद अली जो है उसको कर्नाटक का नवाब बनाया जा रहा है अब मोहम्मद अली जो है वो नवाब कैसे बना आप जब इसकी कहानी को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि रॉबर्ट क्लाइव का क्या योगदान है इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग सत्रह से और उस समय से होती है जब मद्रास में नए गवर्नर थॉमस सांडर्स को भेजा गया था थॉमस सांडर्स तकरीबन 1750 से लेकर के 1755 तक मद्रास के गवर्नर के तौर पर रहा नियुक्त रहा हालांकि वो बहुत दूरदर्शी था लेकिन अः उसको उसका जो मेन काम है वो कहीं ना कहीं अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करके वो चाहता था कि हैदराबाद और कर्नाटक जैसे राज्यों में वो अपने किन्हीं पसंदीदा नवाब को बैठाए इसी क्रम में मोहम्मद अली जो है उसकी सहायता करना इसका एक उद्देश्य हुआ और मोहम्मद अली की कहानी अगर हम बतानी शुरू करेंगे तो काफी पीछे हमको जाना पड़ जाएगा थोड़ा सा इंग्लिश में बीच बीच में बोल दूंगा जरूरत पड़ेगी बेटा रॉय जी तो मैं बोलने का प्रयास करूंगा बहरहाल तो मोहम्मद अली की सहायता के उद्देश्य से उसने एक सेना जो है वो त्रिचना भेज दी तो जरा कहानी को यहीं से कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा वरना हमें हैदराबाद पूरा लेकर के आना पड़ेगा पूरा कर्नाटक लेकर के आना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आपने हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा होगा अगर पढ़ा है तो आपने मोहम्मद अली का नाम भी सुना होगा मोहम्मद अली का नाम भी आप लोगों ने निश्चित तौर पर सुना होगा तो ये जो मोहम्मद अली है इसकी सहायता करने के उद्देश्य से सांडर्स ने मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक नाम बताया थॉमस सांडर्स का थॉमस जो था ये कौन था थॉमस ये कौन था ये मद्रास का गवर्नर था मद्रास का गवर्नर बन के आया था और नया नया गवर्नर था ये अपनी आपको एस्टैब्लिश करने के लिए ये चाहता था कि वो सहायता करे मोहम्मद अली की मोहम्मद अली की सहायता करना चाहते थे और मोहम्मद अली की सहायता के लिए यानी कि इनकी हेल्प के लिए थॉमस सैंडर्स ने मोहम्मद अली की सहायता के लिए सेना भेजी ठीक है और सेना भेज करके साउथ में एक जगह है जिसका नाम है त्रिचनापल्ली। कहां भेजी त्रिचना पल्ली अब यहीं से आपको चीजों को समझना है इसके पहले की कहानी अगर आपको मालूम है तो और अच्छे से समझ में आएगा नहीं मालूम है तो इसके आगे कनेक्ट कर दूंगा मैं जो, पल्ली जो है इसने सेना भेज दी और बहुत दिन तक त्रिचना का घेराव किया रहा अब आप कहेंगे सर आप बात कर रहे थे कि यहां पर अरकाट का घेराव कार जाना है और अभी आपने यहां पर आप जगह त्रिचना पल्ली की लिख दी और ये नाम आपने थॉमस सौंडर्स का लिखा जबकि आप कहानी जो है वो रॉबर्ट क्लाइव की बता रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा मिला जुला लग रहा होगा ऐसा है नहीं समझने का प्रयास कीजिए कि पहले क्या हो रहा है पहले इन्होंने इनकी सहायता करने के लिए यहां पर सेना भेजी है पहले यह है और जब यहां पर सेना भेजी त्रित्वपल्ली का घेराव किया तो घेराव काफी लंबा हो गया और जब घेराव बहुत लंबा हो गया अच्छा उस समय डुपले है फ्रांसीसी गवर्नर है डुपले ब्रिटिश गवर्नर थॉमस है बेसिकली अगर देखा जाए तो कर्नाटक में फ्रांसीसी भी अपना स्थापत्य करना चाहते हैं तो डुबले जो है वो इतना मजबूत जो घेरा है उसको किसी तरीके से अः मतलब इन ये अपना घेराव कस नहीं पाए और डुबले जो है इनकी बराबरी करता चला गया डुबले बराबरी करता चला गया लेकिन अंग्रेजों के पास में सहायता आई कुछ लोगों से तंजौर के शासक थे महाराष्ट्र के एक सरदार थे जिनका नाम था मुरारी राव मैसूर के एक शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से आकर के मिल लिए वो भी और इस तरीके से अंग्रेजों का जो पलड़ा था वो थोड़ा सा भारी हो गया लेकिन डुपले जो था जो फ्रांसीसी था वो अभी भी हार नहीं माना तो कुल सिचुएशन ये थी ओवरऑल वो थी कि सॉन्डर्स जो है यानी कि थॉमस जो है वो इनकी सहायता करने के लिए त्रिचना का घेराव करता है एक्स्ट्रा सहायता मिलने के बावजूद भी वो पल्ली को विजय नहीं कर पाता और बहुत लंबे समय तक सेना यहां इन्वॉल्व रहती है और इसी जगह पर इसी जगह पर रोल आता है रॉबर्ट क्लाइव का रॉबर्ट क्लाइव साहसी नवयुवक था और यह सांडर्स के पास जाकर के सैंडर्स को बताता है कि तुम एक काम करो यहां पर जो घेराव डाले हो इसकी बजाय आपको अर्काट पर घेराव डालना चाहिए अर्काट पर घेराव डालना चाहिए वहां पर आक्रमण करना चाहिए अगर आप वहां पर आक्रमण करेंगे तो फ्रांसीसियों का जो जो कह सकते हैं कि दृष्टि है वो भटकेगी और वो अरकाट को बचाने के लिए जाएंगे ये बात जो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको बताई रॉबर्ट क्लाइव की ये बात इसको पसंद आई यानी इसने इसके सलाह को मंजूर किया और मंजूर करके तकरीबन अगस्त सत्रह इक्यावन के आसपास उसने आरकाट के ऊपर जाकर के डेला डाल दिया और आरकाट के ऊपर डेला डाल करके आरकाट को जीत लिया एक तरीके से आरकाट को विजय कर लिया अब आरकाट पर विजय तो प्राप्त कर ली लेकिन यहां पर एक और करेक्टर है चांदा चांदा को जब यह पता चला चांदा साहब को जब यह पता चला कि आरकाट के ऊपर विजय कर ली गई है तो वो आरकाट को कंट्रोल में लेने के लिए अपने बेटे को भेज देता है तो यहां पे चांदा साहब का एक नाम आपको याद रखना है चांदा साहब चांदा साहब का बेटा है रजा खां रजा खां रजा खां जो है जो आरकाट का घेराव हुआ है आरकाट का घेराव जो हुआ है और ये घेराव कब हुआ है सत्रह में इस घेराव को तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए के लिए आगे बढ़ा आगे बढ़ा मतलब इसका मतलब यह हुआ कि थॉमस सैंडर्स और जो रॉबर्ट लाइव जिन्होंने आरकाट पर घेराव कर रखा है त्रिचनापल्ली के बाद में वहां पर चांदा साहब का बेटा अब जो है वो युद्ध लड़ने आया है रजा खां बहुत लंबे समय तक आरकाट का घेराव रहता है और आरकाट का जब वो घेराव करे रहता है तो इधर रॉबर्ट क्लाइव भी जुटा रहा तकरीबन 53 डेज तिरपन दिन तक 53 डेज तक चांदा साहब के बेटे रजा खान ने रॉबर्ट क्लाइव को आरकाट में घेरे रखा ठीक है तो आरकाट के घेराव में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो फंस गया एक तरीके से रॉबर्ट क्लाइव लेकिन इस रॉबर्ट क्लाइव ने भी जिद नहीं छोड़ी और तकरीबन त्रेपन दिनों तक तकरीबन तिरपन दिनों तक भूखे रह करके भूखा भूखा इसलिए रहा क्योंकि घेराव हो चुका है तो बाहर से रशद वगैरह आ जा नहीं सकते थे तो इतना घेराव करके रॉबर्ट क्लाइव तिरपन दिनों तक भूखा वगैरह रहा इसके सेनानी भूखे रहे लेकिन किला नहीं छोड़ा इसने अंततः रॉबर्ट क्लाइव की सहायता यहां पर आई एक ब्रिटिश अधिकारी थे मेजर लॉरेंस क्या नाम था उनका मेजर लॉरेंस तो मेजर लॉरेंस की जब सहायता आई तो मेजर की लॉरेंस की सहायता के साथ में रॉबर्ट क्लाइव ने आरकाट के ऊपर मजबूती बना ली और रजा खां को यह घेराव छोड़ना पड़ा और यहां से जाना पड़ा अब इस चीज को एक बार फिर से अब इस चीज को एक बार फिर से जरा यहां पर रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए हुआ ये कि रॉबर्ट क्लाइव की जो फेम है वो आरकार्ड के घेराव से होती है अब वो आरकाट का घेराव कैसे कर रहा है ये बात है सत्रह की जब सांडर्स ने थॉमस सांडर्स ने मद्रास का जो गवर्नर था उसने मोहम्मद अली की सहायता के लिए त्रिचनापल्ली का घेराव किया त्रिचनापल्ली का घेराव लंबा हुआ और कोई फायदा जब नहीं मिला तब रॉबर्ट क्लाइव ने इनसे कहा कि आप हमें आरकाट पर घेराव करने के लिए कहना चाहिए इनकी बात को सॉन्डर्स मान जाता है और आरकार्ड का घेराव करके उसे जीत लिया जाता है आरकाट हाथ से जब निकलता है चांदा साहब के तो चांदा साहब अपने बेटे रजा खां को आरकाट का घेराव करने के लिए कहते हैं और इसमें रॉबर्ट क्लाइव फंस जाता है रॉबर्ट क्लाइव की सहायता के लिए मेजर लॉरेंस आता है और मेजर लॉरेंस और रॉबर्ट क्लाइव इन दोनों ने मिलकर के रजा खां को एक तरीके से पराजित किया और यहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया और जब रजा खां यहां से चला गया तो ये रॉबर्ट क्लाइव की ही योग्यता थी या रॉबर्ट लाइव की ही यह चाल थी या सजेशन था जिसकी वजह से आरकार को जीत लिया गया और यह वो पहली चीज थी जब रॉबर्ट लाइव का नाम अंग्रेजों के बीच में बड़ी तेजी से उछला यहां तक आपको स्टोरी समझ में आ गई या नहीं जल्दी से बताइए यहां तक आपको अरे वाह कॉन्ग्रेट सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद 500 का यहां पर शतक लगा दिया है स्टडी आई क्यू हिंदी ने और ऐसा नहीं है मतलब स्टडी आई का जो दूसरा चैनल है वो भी लगातार हमारा साथ दे रहे हैं वहां के स्टूडेंट भी मोर देन टू भाई सब लोग एक बार इसके लिए ऐसे लाइक करके अंगूठा दिखा दो मैं तो बड़ा खुश हुआ भाई बहुत सही शाबाश मोर देन 500 स्टूडेंट और ये रात में 11 बज रहे हैं आप लोग हमें बहुत खुशी हो रही है मतलब इस तरीके का साथ मिलेगा ना मैं सुबह छह बजे तक पढ़ाने को तैयार हूं मुझे कोई काम ही नहीं है मुझे यहाँ पे खड़े होकर सारी कहानी बतानी है पढ़ानी है आपको पढ़ाना है आप पढ़ोगे मैं दिन भर क्या रात भर पढ़ा सकता हूं इस तरीके का प्रेम अगर आपको मिलता रहा तो भाई मजा आ गया एकदम दिल खुश हो गया मेरी रात बन गई समझ लो ऐसे मेरा रात में आना सफल हो गया बहरहाल अब देखिए खुशी है कुछ भी निकल रहा है मेरे मुंह से आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और इसके आगे समझने का प्रयास करते हैं भाई दोनों चैनल्स पे मैं चाहूंगा कि फटाफट से सभी लोग सभी लोग इस पे जो है लाइक कर दीजिए अंगूठा ठोंक दीजिए एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी सभी लोग इस पर एक बार लाइक करके अंगूठा ठोक दीजिए फाइव हंड्रेड प्लस आज तो सीना चौड़ा हो गया हमारा है एक हजार से ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे चलो मौज करते हैं आज रॉबर्ट और अगर वन थाउजेंड प्लस चला गया ना मैं आपके लिए मतलब मैं अलग से मैं वादा तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि हर चीज हमें मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती है फिर डेफिनेटली मैनेजमेंट आपके लिए बहुत सोचता है अमृतसर तो आपके लिए बहुत सोचते हैं मैं उनसे जरूर कहूंगा कि एक प्रोग्राम आपके लिए जरूर लाया जाए जल्दी से जल्दी आज अगर आपने ये कर दिया तो बहरहाल चलिए बढ़ते हैं आगे यहां तक बात सबको मेरी ख्याल से समझ में आ गई है रॉबर्ट क्लाइव जो है उसकी सहायता से अरकाट को का घेराव जो है वो कर दिया गया है अब इसके बाद तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम चल पड़ा जैसे आप लोगों का नाम चल पड़ा पांच सौ से ऊपर चले गए है ना अच्छा सालवी आप मुझसे पहले पढ़ी हैं या फर्स्ट टाइम यहां पर पढ़ रही हैं चलिए अरे वाह भाई रवि प्रताप सेम सेम यही मेरी भी फीलिंग है कि अगर आप लोग रात भर पढ़ने के लिए तैयार है तो मैं रात भर पढ़ाऊंगा विजय कांग्रेट्स कर रहे हैं धन्यवाद आपका ठीक है बहरल इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और लॉरेंस जो थे ये जो रॉबर्ट क्लाइव और लॉरेंस थे ये दोनों ये दोनों की जोड़ी चल पड़ी भाई बढ़िया से करके जैसे हमारी आपकी जोड़ी चल पड़ी है तो ऐसे ही रॉबर्ट क्लाइव और लॉरेंस की जोड़ी जो है वो चल पड़ी आगे बढ़ गई और चांदा साहब जो थे आगे बढ़ करके उन्होंने चांदा साहब और फ्रांसीसी एक फ्रांसीसी था जो उनकी सहायता कर रहा था चांदा साहब की उन दोनों लोगों को घेर लिया सत्रह सौ इक्यावन में एथिक्स की क्लास अच्छा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप तो ठीक है अगर आप हमसे रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी आई क्यू आई एस हिंदी चैनल पे हम रेगुलर पढ़ाते हैं साढ़े पांच बजे शाम को लेक्चर चलता है मॉडर्न हिस्ट्री उसमें हम कवर कर रहे हैं बहरहाल आप देखिए रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव और लॉरेंस लॉरेंस वही है भाई

कि आगे बढ़कर के चांदा साहब चांदा साहब और चांदा साहब की सहायता कर रहा था एक फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम था एक कमांडर था ये, एक फ्रांसीसी कमांडर था जिसका नाम था लॉ फ्रांसीसी कमांडर का नाम क्या था लॉ अच्छा जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके उनका तो ये रिवीजन हो रहा होगा नहीं कुछ लोग से हमसे यहां पर पहले पढ़ चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर हमसे पहले पढ़ चुके हैं थैंक यू भाई okay. uh, चलिए अब ये लॉ और इन लोगों ने मिलकर के 1751 में सत्रह में सारी चीजें मैं लिखता चल रहा हूं आप लोग भी लिखते चलेगा लास्ट में मुझे नोट चाहिए होंगे सबके खबरदार कर दे रहा हूं कि मक्कारी मत करना कोई भी भाई बड़ी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं बड़ी मेहनत से आप भी पढ़ रहे हैं यकीनन लेकिन इस मेहनत को सिर्फ सुनने में मत बर्बाद करना थोड़ा सा आलस छोड़ो मुंह पे छपका मारो और बढ़िया से लिख करके एकदम बढ़िया बहुत काम आएंगे और युद्ध में फाइनली जो त्रिचरा जो पहले जीत नहीं पाए थे उस त्रिचिरा को त्रिचिरा पल्ली जो है उसको जीत लिया को जीत लिया अब जब त्रिचरापल्ली को जीता तो ये जो है ना चांदा साहब ये युद्ध छोड़ करके भाग गया ये तो भाग गया और जो कमांडर लॉ है इसे बंदी बना लिया गया बंदी बना लिया पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं एक, एक एक पॉइंट सारे कनेक्ट होने चाहिए तभी आपको समझ में आएगी हाँ नहीं टेलीग्राम पे कुछ नहीं सेंड करेंगे हम पांच दिन बाद सेंड करेंगे बता दे रहा हूं अभी सब बनाओ खुद स्पेक्ट्रम क्लास तो लगातार चल रहा है अमर स्पेक्ट्रम क्लास चल रहा है भाई हो सकता है कि अभी कल का मुझे मालूम नहीं है कल साढ़े पांच बजे तक अब मैं जाऊंगा सुबह तो सोऊंगा साढ़े पांच बजे तक उठ जाऊंगा हालांकि लेकिन आपके सामने कल शाम को साढ़े पांच बजे हाजिर होगा तो बंदी बना लिया है भाई कमांडर लॉ को और त्रिचला पल्ली इधर जीत लिया गया है तो ये जो कमांडर लॉ है इसका तो खेल खत्म हुआ चांदा साहब भाग गया था इसको बाद में पकड़ लिया गया पकड़ लिया और पकड़ लिया गया तो इसको क्या किया जाएगा इसकी हत्या कर दी गई हत्या कर दी गई तो भाई कहानी जो है इनकी यहां पर दाइंड हो गई इनकी तो कहानी, दाइंड हो गई, लेकिन इनकी कहानी निकल पड़ी चांदा साहब मारा गया और चांदा साहब के मारे जाने के बाद ही अनवरुद्दीन का बेटा जो मोहम्मद अली है वो गद्दी पर बैठ गया तो इनके मारे जाने के बाद में अनवरुद्दीन जो है अनवरुद्दीन का बेटा कौन है अनवरुद्दीन का बेटा वही मोहम्मद ठीक है ये जो चंदा साहब जो है उसकी हत्या होने के बाद में जो मोहम्मद अली है उसको यहां पर गद्दी पर बिठाया गया समझ में आ गया कि नहीं अब मोहम्मद अली कौन है ये आपको मालूम ही है कि ये अनवरुद्दीन का बेटा है इस तरीके से ये कर्नाटक का नवाब बना मोहम्मद अली नवाब कहां का बन गया कर्नाटक का कर्नाटक का नवाब बना अब कर्नाटक के नवाब के बनने में एक आम सिपाही का जो योगदान यहां पर आया है इस आम सिपाही को इस घटना ने आम से खास बना दिया है खास बना दिया है भाई बहुत खास बना दिया है इसको मोहम्मद अली को और इतना खास बना दिया है कि अब आगे इसके पास मौके पे मौके आते चले जाएंगे बहुत सारे मौके आएंगे सत्रह में जो प्लासी का युद्ध हुआ है इसी वजह से इसकी भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसकी रणनीति पहले भी कामयाब हुई है सत्रह में समझ में आया कि नहीं आया यहां तक यहां तक सबको क्लियर ठीक है अब जरा देखिए आगे की कहानी क्या है तुरंत आगे बढ़ते हैं ज्यादा देर रुकना नहीं है क्योंकि क्लास बहुत लंबी जाएगी बहुत सारे इवेंट्स अभी बाकी हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी बाकी हैं तो इसी पे ही हमें नहीं अटकना है थोड़ा आगे बढ़ते हैं ठीक है थोड़ा सा और तेजी से करते हैं आगे काम ऐसा हुआ हाँ ठीक है अभी कर्नाटक युद्ध की तरफ हम नहीं चल रहे हैं मनीष ये सिर्फ मैं इन्हीं के इर्द गिर्द घुमा रहा हूं बात को बहरहाल आपने इंफॉर्मेशन सही दी है सत्रह में क्लाइव ने प्लासी का युद्ध में जो है विजय प्राप्त करी ये आप सब लोगों को मालूम है और सतर सत्त, सत्रह सत्तावन में प्लासी पर विजय इसके पहले आपने देखा कि अरकाट पर विजय करके वहां पे कर्नाटक के नवाब को बैठाना तो जो प्लासी का युद्ध हुआ बेसिकली वहां से ब्रिटिश साम्राज्य का उसने बीजा रोपण कर दिया और युद्ध के अंत में आपको मालूम है कि जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला उसको हरा करके उसकी जगह पर जिसको बैठाया वो उसका पिट्ठू नवाब हुआ उसका नाम हुआ मीर्जाफर मीर्जाफर वहां पर नवाब बना तो ये घटना भी आपको याद रखनी है तो एक घटना तो यह हो गई दूसरी घटना जो है आपकी किसकी है रॉबर्ट क्लाइव की विजयों पर अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव की दूसरी जो इंपॉर्टेंस है वो किस पे भाई एक तो इंपॉर्टेंस ये हो गई कि उसने जो है कर्नाटक का नवाब बनाया इसको इसलिए याद किया जाएगा दूसरा इसलिए याद किया जाएगा कि इसने प्लासी का युद्ध लड़ा प्लासी का युद्ध और मजे की बात तो यह है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने कोई युद्ध लड़ा ही नहीं बगैर लड़े ही जीत गए वो आपस में ही लड़वा करके विजय प्राप्त करी बगैर लड़ाई और ब्रिटिश साम्राज्य का प्लासी का युद्ध जो है वो एक तरीके से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का साम्राज्य का बीजारोपण करता है बीजारोपण बीजारोपण का मतलब क्या हो गया फाउंडेशन डालना ठीक है बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि ब्लड बैटल ऑफ प्लासी जो है इसको हम एक फाउंडेशन की तरह देख सकते हैं कि भारत में किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है उसके फाउंडिंग मेंबर के रूप में हम इसको देख सकते हैं इस घटना को फाउंडेशन के रूप में देख सकते हैं और इस युद्ध के अंत में आप सब लोगों को मालूम है अंत में नवाब जो है वो पराजित हुआ नवाब सिराजुद्दौला था ये पराजित हुआ सिराजुद्दौला ये क्या हुआ पराजित और इसको पराजित करके इसको हरा करके इसकी जगह पर जिसे गद्दी पर बैठाया गया वो कौन हुआ नवाब मीर जाफर हुआ क्या नाम हुआ उसका मीर जाफर वास्तविक रूप में अगर हम मीर जाफर की बात करें तो मीर जाफर जो है वो सिराजुद्दौला का सेनापति था और इस सेनापति ने गद्दारी करी बंगाल में प्लासी के युद्ध का कारण जो है अगर हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो हम लोगों को मालूम है कि काल कोठरी की घटना हुई थी किसी को मालूम है काल कोठरी की घटना किसी को काल कोठरी की घटना मालूम है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको काल कोठरी की घटना मालूम हो क्या है ब्लैक होल, ब्लैक होल की घटना हुई काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को हुई थी 20 जून 1756 के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने बदला लिया मतलब अंग्रेजों ने बदला लिया क्या नाम है इससे नवाब सिराजुद्दौला से और नवाब सिराजुद्दौला को कलकत्ता से हरा करके भगा दिया थोड़ी सी कहानी में कनेक्ट करना चाहता हूँ काल कोठरी वाली ऐसी घटना थी कि बंगाल में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का बहुत ज्यादा वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था तो अंग्रेज फ्रांसीसियों को पीछे करना चाहते थे फ्रांसीसी अंग्रेजों को पीछे करना चाहते थे तो उन्होंने कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया किलेबंदी दोनों लोगों ने करनी शुरू कर दी फ्रांसीसियों ने भी और ब्रिटिशर्स ने भी सिराजुद्दौला ने दोनों को मना किया कि भाई ऐसा मत करो फ्रांसीसी मान गए लेकिन अहंकारी अंग्रेज जो थे ये नहीं माने जब अंग्रेज नहीं माने तो जो नवाब सिराजुद्दौला था वो यंग था तेईस चौबीस साल का लड़का था वो वो गुस्सा में आ गया कि नवाब की नाफरमानगी करी जा रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा भी विदेशियों के द्वारा तो उसने हमला करके आ, कासिम बाजार वगैरह जो है उस, उसको खाली करवा लिया उसको जीत लिया और कलकत्ता वगैरह को सबको कैप्चर कर लिया वहां पर कलकत्ता का नाम बदल करके अली नगर कर दिया उसके बाद अंग्रेज वहां से भाग खड़े हुए कुछ अंग्रेजों को पकड़ लिया गया और उन्हें पकड़ करके 20 जून सत्रह को एक कोठरी में बंद कर दिया गया वहीं रात में क्योंकि जून का समय था वहीं रात में बहुत सारे जो अंग्रेज थे वो मर गए उनकी मृत्यु हो गई और इस घटना का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने बाद में अली नगर पर यानी कि कलकत्ता के ऊपर आक्रमण किया और कलकत्ता को अपने कैप्चर कर लिया वापस जीत लिया तो दो जनवरी सत्रह को क्लाइव ने कलकत्ता को फिर से जीत लिया यानी कि आपको यहां पर यह ध्यान रखना है काल कोठरी की घटना के बाद काल कोठरी की घटना के बाद घटना के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने रॉबर्ट क्लाइव ने 2 जनवरी सत्रह को ठीक है 17 57 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया पुनः अधिकार कर लिया रिक्चर कर लिया कलकत्ता को और इससे पहले इस कलकत्ता को जब आ, आ, मतलब अपने कब्जे में कर लिया था सिराजुद्दौला ने तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का ही नाम अली नगर किया था कलकत्ता का नाम क्या कर दिया था अलीनगर कर दिया था तो जब दोबारा यहां पर ये जीता रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव क्लाइव तो ने अलीनगर को जीत लिया सही बात हुई नहीं कलकत्ता यानी अली नगर एक ही बात हो गई मैं थोड़ा ज्यादा नीचे लिख दिया हूं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं यहां पर देख सकता हूं यहां पर तो जब कलकत्ता को जीता मतलब अली नगर को जीत लिया अब अलीनगर को जीतने का मतलब यही हुआ कि एक तरीके से ये कलकत्ता उसके हाथ में चला गया रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में चला गया अब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ में कलकत्ता की संधि करी या जिसको कह सकते हैं अलीनगर की संधि करी अब मुझे कोई बताएगा कि अलीनगर की संधि कब हुई मानिक चंद ऑफ कलकत्ता मानिक चंद को कलकत्ता दे दिया हाँ बिल्कुल सही बात है मनीष बिल्कुल सही लिखा आपने बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए कि ये जो आ, अली अलीनगर की संधि हुई है ये कब हुई बहुत अच्छी बात है मनीष ने आंसर दिया है यहां पर अलीनगर की संधि जो है 9 अगस्त सत्रह सो सत्तावन को हुई नौ अगस्त सत्रह सत्तावन <laughs> मार्च सत्रह सो सत्रह अरे वही क्या कर क्या कर क्या रहे हो तुम लोग नौ जून सत्रह सत्तावन नौ जनवरी सत्रह सत्तावन हम्म नौ फरवरी सत्रह सत्तावन पवन सिंह ने यहां पर आंसर दिया है नौ फरवरी नौ फरवरी नौ फरवरी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है भाई है ना हम्म तो नौ फरवरी सत्रह सत्तावन को क्या हुआ अली नगर की संधि अब जरा अलीनगर की संधि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित होने वाली है अली नगर की संधि अली नगर की संधि किसके किसके बीच में हुई है अगर हम ये पूछें अली नगर की संधि किसके किसके बीच में हुई है तो आप क्या जवाब देंगे अली नगर की संधि हुई है नवाब सिराजुद्दौला नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ठीक है अंग्रेज इनके बीच में हुई है अब इस संधि में क्या क्या कहा गया जरा देख देखिए अली नगर की जो संधि हुई अली नगर की संधि में अ, मतलब बहुत सारी चीजें थी जिसको यहां पर रखा गया और इसमें खास बात यह थी कि कलकत्ता इनके हाथ से ले लिया गया ठीक है किसका हैप्पी बर्थडे हो रहा भाई अब ये आपस में हैप्पी बर्थडे वाला काम ना करो ठीक क्लियर हो गई बात तो अब देखो इसमें क्या हुआ ये जो अली नगर की संधि हुई इस अली नगर की संधि में आ, बंगाल क्या नाम है कलकत्ता जो है इनके हाथ से निकल गया और बहुत सारे अच्छा ऐसा नहीं है कि जो नवाब सिराजुद्दौला है ये दोबारा से कम नहीं करना चाहता है दोबारा से उसको हराना ही नहीं चाहता है हराना चाहता है लेकिन दिक्कत यह है कि जाफर जो कि इनका सेनापति था राय दुर्लभ मीर जाफर इसके अलावा राय दुर्लभ ये दो कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं जो बड़े सेनापति के तौर पर जाने जाते थे इसके अलावा अमी चंद सेठ अमी चंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने है ना अमीचंद हुए मानिक चंद हुए जगत सेठ हुए मानिक चंद जगत सेठ ये सब जो लोग थे इनको ब्रिटिशर्स ने अंदर ही अंदर क्या कर लिया अंदर ही अंदर अंग्रेजों ने या फिर सिराजुद्दौला ने अपनी तरफ कर लिया और जब अपनी तरफ खादिम खां का भी एक नाम आता है बिल्कुल सही बात है इनको लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और लालच देकर के जब अपनी ओर मिला लिया इनको रॉबर्ट ने अपनी ओर मिलाया अपनी ओर लालच दिया सबको कुछ ना कुछ लालच दिया गया और जब यह तय हुआ कि ये सब लोग बगावत करने के लिए तैयार हैं किसके खिलाफ इस नवाब के खिलाफ तब जाकर के बड़ी ही चतुराई के साथ में स, आ, ये जो अपना रॉबर्ट क्लाइव है इस रॉबर्ट क्लाइव ने घोषणा कर दी आरोप लगाते हुए सिराजुद्दौला पर कि तुमने अली नगर की संधि को ब्रेक किया है सिराजुद्दौला के ऊपर आरोप लगाया सिराजुद्दौला पे आरोप क्या लगाया सिराज पर अली नगर संधि का अली नगर जो संधि है के तोड़ने का आरोप लगाया। तोड़ने का का आरोप 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 लगाया 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 और जब ये आरोप लगाया, तो इस आरोप को लगा करके उसने सेना जो है वो भेज दी मुर्शिदाबाद की तरफ कि भाई जाओ युद्ध करके आओ तो प्लासी नामक स्थान पे उधर से सिराजुद्दौला भी तैयार होकर के आया और 23 जून सत्रह को 23 जून सत्रह सौ सत्तावन को प्लासी नामक जगह पर यह युद्ध हुआ इसलिए इसको हम बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं प्लासी का युद्ध हुआ अब क्योंकि इस युद्ध में यह सब लोग खड़े के खड़े रह गए सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया तो सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा इस प्लासी के युद्ध के बाद में सारा का सारा जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया अंग्रेजों के हाथ में आ गया सारा का सारा कंट्रोल जो है किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया और सत्रह में मुगल सम्राट है उसका बड़ा बेटा था अली गौहर जिसे शाह आलम द्वितीय के नाम से जानते हैं उसको अवध का नवाब शुजाउदौला की सहायता से बंगाल पर उसने जो है एक बार फिर से आक्रमण कर दिया तो ये युद्ध होने के बाद हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है कि शायद जो है हम रॉबर्ट क्लाइव को हरा सके लेकिन रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में भी जीत गया मतलब ना सिर्फ वो प्लासी के युद्ध हाँ मोहन और मदान जो था वो इनकी तरफ से लड़ा था लेकिन वो बाद में मारे गए इसलिए वो युद्ध छोड़ करके भाग गया तो प्लासी के युद्ध में हार हुई अब आप जरा देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हो कि रॉबर्ट क्लाइव की एक बार यहां पर विजय हुई है रॉबर्ट क्लाइव की एक बार प्लासी के युद्ध में विजय हुई है और रॉबर्ट क्लाइव की एक विजय सत्रह में और आपको दिखाऊंगा मैं और आपको बता रहा हूं जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी सत्रह में 1757 में एक और विजय आपको रॉबर्ट क्लाइव की मैं दिखाने जा रहा हूं इसमें क्या हुआ मुगल सम्राट थे एक मुगल सम्राट और अवध के नवाब अवध के नवाब मुगल सम्राट और अवध के नवाब इन दोनों लोगों ने सत्रह में एक युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ लड़ा तो मुगल नवाब उस समय कौन थे आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट कौन थे आलमगीर सेकंड और अवध का नवाब कौन था शाह आलम द्वितीय शाह आलम शाह आलम द्वितीय जिसे आप अली गौहर के नाम से जानते हैं किसके नाम से अली गौहर के नाम से जानते हैं। और ये जो है, इस को अजीजुद्दीन, इसका नाम जो था, अजीजुद्दीन था। अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन उपाधि आल, इसलिए इनको द्वितीय कहा गया और ये शाह द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठे तो इन दोनों लोगों ने भी इन दोनों ने कंबाइंडली है सत्रह में एक बार आक्रमण किया किसके ऊपर क्लाइव के ऊपर क्लाइव पर ठीक है क्लाइव इसमें क्या हो गया विजयी हो गया फिर से तो अब देखिए तीसरी विजय एक तरीके से ये रॉबर्ट क्लाइव की हुई तो दो दो तीन तीन करके दो दो तीन तीन चार चार करके ये विजय जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और जो रॉबर्ट क्लाइव है उसकी हिस्सेदारी में विजय जो है वो बढ़ती चली जा रही है, 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 है. स्वाभाविक सी बात है किसका नाम बढ़ रहा होगा इससे है ना ये सारी विजय जो मैंने आपको यहाँ पर लिखाई ये सब करते हुए इसका नाम यहाँ पर बढ़ गया अब बताइए यहां तक सारी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई यहां तक कोई दिक्कत किसी को यहां तक किसी को किसी चीज को समझने में कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए क्लियर है सब हाँ या नहीं? अब एक विजय हम रॉबर्ट लाइव की आपको और दिखाएंगे एक विजय और समझाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हाँ एक विजय हम और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे नमस्ते भाई नमस्ते हाँ, मीर मदान और मोहन वो तो हमने बता दिया तक की कहानी सबको में आ गई कि नहीं जोश तो नहीं ठंडा हो रहा है बिल्कुल समझ में आया एक बार सब लोग लाइक कर दो बताइए अभी तक सेशन ही लाइक नहीं किया जितने लोग लाइव हैं उतना लाइक भी नहीं किया पहले से भी ये नोट्स नहीं बने होंगे विजय ये नोट्स अलग हैं इसको अलग से बनाओ ये तो मैंने आप लोगों को तब पढ़ाया था जब प्लासी का युद्ध पढ़ाया था यहां के युद्ध को इंपॉर्टेंस में नहीं बता रहा हूं यहां इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि रॉबर्ट क्लाइव ने कौन कौन से युद्ध जीते इसलिए बीच में बताया अब देखिए आगे एक और घटना घटित होती है इसी क्लाइव के ही समय में एक और घटना घटित होगी 25 नवंबर सत्रह को 25 नवंबर पच्चीस नवंबर सत्रह सौ उनसठ यानी कि सेवनटीन फिफ्टी नाइन को एक घटना और घटित होने वाली है अंग्रेजों ने क्या किया डचों अंग्रेजों और डचों में चंद्रनगर और चिंसुरा एक जगह है उसके बीच में एक युद्ध हुआ किसका किसका अंग्रेजों और डचों का तो एक बैटल होने वाला है अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स वर्सेस डच और ये युद्ध जो होगा इस युद्ध का जो स्थान है उस स्थान का नाम है बेदरा और यह बेदरा जो है जगह ये कहां पड़ेगी इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया चंद्रनगर और चिंसुरा के बीच में है चंद्रनगर और चिंसुरा के बीच ये बंगाल में जगह है इनके बीच में एक युद्ध होता है जगह का नाम है बेदरा मसालों को लेकर के आपस में अंग्रेजी और जो डच थे उनके बीच में एक युद्ध हुआ ब्रिटिशर्स के बीच में और अंग्रेजों के बीच में अंग्रेज और ये जो डच थे इनके बीच में एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में युद्ध में जो डच थे वो पराजित हुए और जब डच पराजित हुए तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर भी बोलबाला किसका हो गया रॉबर्ट क्लाइव का हो गया इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव का ही योगदान दिया जाएगा डच पराजित हो गया इसमें इसमें पराजित कौन हुआ इसमें पराजित हुए पराजित हुए डच कौन पराजित हुआ डच इसमें जो है वो पराजित हुए ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे 25 फरवरी को 25 फरवरी 1760 को क्लाइव जो है इसके बाद इन सब विजयों के बाद इंग्लैंड वापस चला गया 25 फरवरी 1760 को रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट इंग्लैंड वापस चला गया तो ये है इसके पहले पार्ट की कहानी बताइए सब लोगों को पहला पार्ट समझ में आ गया कि नहीं ये पहला पार्ट है जरा देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था सत्रह से लेकर 1760 तक का सत्रह से 1760 सबको क्लियर है हाँ या नहीं जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए सत्रह से 1760 तक सबको क्लियर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है और ये जो संख्या है इसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास आप चाहें तो कर सकते हैं एक बार शेयर कर दीजिए इस चीज को इस लिंक को अपने अपने ग्रुप में एक दोबारा से शेयर कर दीजिए आपके मित्र यदि अगर जग रहे होंगे तो वो पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे ठीक है बहुत ही शानदार तरीके से इसको पढ़ना है तो सत्रह से लेकर सत्रह तक का इसका पहला कार्यकाल था अब दूसरा कार्यकाल आप देखोगे तो सत्रह से सत्रह तक का मिलेगा तो आप सत्रह से सत्रह की ओर बढ़ते हैं ये जब 1765 में आएगा तो आप सोच के देखिए कि उस समय बैटल ऑफ बक्सर हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा जल्दी से बताइए अगला जो कार्यकाल है द्वितीय कार्यकाल द्वितीय कार्यकाल यह कब से शुरू हो रहा है 1765 से शुरू हो रहा है और सड़सठ तक चलेगा तो जब सत्रह में शुरू हो रहा है तो बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है ना बैटल ऑफ बक्सर जो है बैटल ऑफ बक्सर जो है वो क्या हो चुका है वो तो किया जा चुका है सत्रह में बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है सत्रह में बक्सर का युद्ध हो गया है बक्सर के युद्ध के बाद इसे फिर से बुलाया गया ये फिर से भारत आया और इस समय इसका जो नाम होगा वो होगा द्वैध शासन के लिए द्वैध शासन डायर की यहीं से शुरू होता है और द्वैध शासन की जो शुरुआत आती है वो एक संधि से आती है जिसे कहा गया है इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि आप मुझे जब तक जल्दी से ये बताइए कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ किन किन लोगों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ देखें कितना आप लोगों को याद है जल्दी से बताइए बक्सर के युद्ध नहीं नहीं वो इलाहाबाद की संधि नहीं हुई है करण अभी इलाहाबाद की संधि यहां पर होगी वहां पर नहीं हो रही इलाहाबाद की संधि यहां पर होगी जल्दी से मुझे बताइए कि इसके इसका आंसर आप लोगों को मालूम है मुझे बताइए बक्सर का युद्ध जो है वो किनके किनके बीच में हुआ जल्दी से बताइए जल्दी से जल्दी से अंग्रेज शाह आलमती और मीर कासिम के बीच में हुआ अच्छा मीर जाफर का नाम यहां पर कैसे आ रहा है भाई मीर जाफर को बीच में क्यों कर, लेकर के आ रहे हैं मीर जाफर की यहां पे कोई जरूरत नहीं भैया मीर जाफर की जरूरत नहीं है ठीक है तो अब देखो ऐसा हुआ कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो है दूसरी बार गवर्नर बनकर के भारत लौटा तकरीबन अप्रैल सोलह अप्रैल पैंसठ में अप्रैल सोलह सो पैंसठ में अप्रैल सत्रह पैंसठ में, में दोबारा आया दोबारा और जब अप्रैल सत्रह सो पैंसठ में जब ये दोबारा आया तो उस समय जैसा कि मैंने आपको कहा कि आगे चल करके बक्सर का युद्ध हो चुका है और ये संधियां करते हैं संधि किसके किसके साथ कर रहे हैं मुगल सम्राट हैं उस समय शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट कौन है मुगल सम्राट हैं उस समय शाह आलम शाह आलम द्वितीय ठीक है ये मुगल सम्राट हैं शाह आलम द्वितीय और इसके अलावा जो अवध है बारह और 16 अगस्त सत्रह को हां दो बार यह संधि अलग अलग तरीके से होगी शाह आलम दुती के साथ में जब कंपनी ने शासन किया या फिर संधि करी तो उसमें बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है ले ली गई ठीक है तो अवध के एक नवाब थे शुजाउदौला अवध के नवाब कौन है उस समय अवध के नवाब हैं शुजाउदौलाउ दौला ठीक है तो शुजाउदौला से आपको मालूम है इलाहाबाद और कड़ा को लेकर के इनको दे दिया गया था शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था या मुगल बादशाह को दे दिया गया था ऐसा कुछ संधि में इलाहाबाद की संधि में हुआ था और यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जो, जो जो बंगाल के नवाब हैं उनसे अगर देखा जाए तो बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई इस संधि के बाद में बंगाल बिहार और उड़ीसा जो था उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई दीवानी ठीक है यानी राजस्व वसूलने का जो अधिकार था वो इनको यहां पर मिल गया अब दिक्कत ये था कि बंगाल बंगाल के नवाब से न सिर्फ बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई है बल्कि नवाब से निजामत जो है वो भी प्राप्त हुई है अब निजामत क्या है निजामत भी प्राप्त हुआ है कोई बता सकता है निजामत क्या होता है निजामत भी प्राप्त हुआ अब निजामत क्या होता है यह मालूम है किसी को निजामत का मतलब होता है सुरक्षा व्यवस्था ठीक है शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था तो जब आपने यह सारी चीजें कैप्चर कर ली हैं तो इसका रेवेन्यू के साथ साथ वहां के शासन व्यवस्था वहां की सुव्यवस्था वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आपके पास में आई लेकिन दिक्कत यह थी कि उस समय कंपनी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं थी कंपनी जो है उस समय उस काम को करने के लिए तैयार नहीं थी और बंगाल में एक नवजात नवजात क्या मतलब अनएक्सपीरियंस्ड एक व्यक्ति बैठाया गया था नवाब के तौर पर जो मीर जाफर का बेटा था जिसका नाम था नजमुद्दौला तो नजमुद्दौला जो थे उन उनको वहां पर बंगाल का नवाब बनाया गया था लेकिन कंपनी के पास में जो दायित्व आया वो इनकी दीवानी के साथ साथ इनकी निजामत का भी आया और कंपनी जो थी वो अभी इस तरीके का ओवरबर्डन लेने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन थोड़ा सिचुएशन को समझने की बात कीजिए करिए ये जो थे वास्तविक रूप में इस कंपनी के कर्मचारी थे व्यापारी थे तो इन्हें तो व्यवसाय चाहिए था इन्हें तो ट्रेड चाहिए था ट्रेड में मुनाफा चाहिए था अधिक से अधिक चीजें चाहिए थी ये यहाँ पर आपने कभी सुना कि भारत में कभी भी किसी भी अंग्रेज ने आकर के ताजपोशी करी हो अपनी बंगाल का कोई राजा बना हो कभी ऐसा किसी ने किया किसी राजा को अगर हराया तो हराने के बाद उसका उसका साम्राज्य सौंप करके उससे किसी न किसी प्रकार की पेनल्टी उसके ऊपर लगा करके उससे पैसा वसूलने का काम किया है तो हमेशा ये लोग पैसा वसूलते हैं अब यहां पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए थोड़ी आए थे अब क्योंकि सारी चीजें मिली तो इनको यह भी संभालना था और ये काम इनके बस की थी नहीं तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहां पर एक काम किया रॉबर्ट क्लाइव ने यह जो निजामत का कार्य है ये वाला जो कार्य है ये वाला जो कार्य है इस कार्य का संपूर्ण दायित्व जो है वो बंगाल के नवाब को दे दिया इसका दायित्व तो किसको दिया बंगाल के बंगाल के नवाब को दे दिया जो कि कंपनी के पास था दायित्व इस दायित्व को उठा करके उन्होंने बंगाल के नवाब को तो दे दिया और बंगाल का जो नवाब था उस समय कौन था नजीबुद्दौला था उस, उस समय नजमुद्दौला सॉरी नजमुद्दौला तो नजमुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई तो एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तो उनके हाथ में आ गई और जो राजस्व वसूलने का काम है राजस्व वसूलना ये वाला जो काम है ये कंपनी ने अपने हाथ में रखा ये कंपनी के हाथ में हो गया तो आप देखिए इधर से कंपनी भी कंट्रोल कर रही है और इधर से आप देखिए निजामत भी कंट्रोल हो रहा है और ये नवाब कर रहा है तो इस तरीके से सैन्य सुरक्षा और मालगुजारी राजस्व ये सब कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया और इधर जो है शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी नजमुद्दौला को दे दी गई तो बंगाल में यह भी शासन हो गया और यह भी शासन हो गया तो इस प्रकार से बंगाल में द्वैध शासन चला ठीक है ठीक बंगाल में बंगाल में यह द्वैध शासन चला द्वैध शासन समझ में आ रही बात हाँ यानी अब यह द्वैध शासन कब तक चला द्वैध शासन चला और किसने चलवाया रॉबर्ट क्लाइव नहीं चलवाया रॉबर्ट क्लाइव नहीं चलवाया ठीक है यह चीज समझ में आ गई रॉबर्ट क्लाइव कौन है अंग्रेज है स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटिशर्स के पास में मैंने बताया कि जो मालगुजारी है मालगुजारी राजस्व जिसको कह सकते हैं आप राजस्व और जो सैन्य सुरक्षा है सैन्य सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी रखी उसने की जिम्मेदारी यह जिम्मेदारी अपने पास रखी है और नज़मुद्दौला को क्या दिया हुआ है नजमुद्दौला को क्या दिया है नजमुद्दौला को निजामत के कार्य दिए गए हैं निजामत के कार्य यह दिए गए इन्हीं दोनों का एक साथ जो शासन है इसी को हम लोग बोल रहे हैं द्वैध शासन और यह द्व शासन तब तक चलता रहा जब तक कि सत्रह में सत्रह में वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं आ गया वॉरेन हेस्टिंग्स जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया का बंगाल का नवाब बनकर के बंगाल का नवाब बनकर तब जाकर के इसने क्या किया इस व्यवस्था को हटाया यहां से समझ में आई बात हाँ यानी सत्रह तक ये चलता रहा और सत्रह के बाद में इसको इसको हटाने का काम किसने किया इसको हटाने का काम वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ठीक है यहां से ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सभी के किसी को कोई दिक्कत तो नहीं जल्दी से बताइए अब इसके आगे कहानी और हम सुनाने जा रहे हैं लेकिन यहां तक की सारी की चीजों को एक बार आप बताएंगे कि हां स्पष्ट हो गई है या नहीं हो गई है किसी को कोई समस्या आ रही हो तो बताइए देखिए ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स क्या नाम है रॉबर्ट क्लाइव की कसीदों में ही सारी चीजें लिखी जाएंगी ये सब रॉबर्ट रौ, क्लाइव के ही कहीं ना कहीं बंगाल का जो नवाब है उसके ही गुणगान में है नॉट नवाब ऑफ बंगाल क्या क्या रिमूव हो गया हाँ सत्रह सौ बहत्तर में वॉरन हेस्टिंग्स आया तब देखते हैं उसके बारे में वॉरन हेस्टिंग्स के बारे में बात बात करेंगे तो ये तो कुछ नीतियां थी जो सेकेंड कार्यकाल में उसने लागू करी अच्छा अब कुछ और चीजें हैं जो सेकंड कार्यकाल में लागू होंगी अब वो क्या है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने एक व्यापार समिति भी बनाई रॉबर्ट क्लाइव को एक काम के लिए जाना जाता है जो है व्यापार समिति ठीक है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो व्यापार समिति के लिए भी जाना जाता है व्यापार समिति की स्थापना किया उसने ठीक है सोसाइटी फॉर ट्रेड बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है सोसाइटी फॉर ट्रेड इसको भी स्टैब्लिश किया है अब इसको स्टैब्लिश उसने क्यों किया है जरा इसको देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए पता नहीं अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा से बंगाल नॉट नवाब ऑफ बंगाल वॉर हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ बंगाल नॉट नवाब ऑफ बंगाल अच्छा नवाब बोल दिया था क्या मैंने ये तो मतलब अंडरस्टूड है कोई बात नहीं कभी कभी ठीक <laughs> है टंग स्लिप हो जाती है इस तरीके से क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं आगे क्या बोलना है तो कई बार आगे की चीज पहले ही बोल जाती है समझ में आई बात यहां तक सबको अब देखिए कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने इस बीच क्योंकि सब जगह अंग्रेजों की विजय हो रही थी अंग्रेज ही हर जगह जीत रहे थे जहां देखो वहां अंग्रेज जीत रहे हैं चाहे दक्षिण भारत की बात हो चाहे अब बंगाल की बात हो चाहे अवध वगैरह की हर जगह की बात हो तो वो उनको मतलब बड़े उत्साहित हो गए थे वो अपनी विजय से हर जगह पर तो जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने व्यक्तिगत व्यापार जो है वो करना शुरू कर दिया था जिसको कंट्रोल करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों पर व्यक्तिगत व्यापार के प्रतिबंध लगा दिए गए और जब व्यक्तिगत व्यक्तिगत व्यापार यानी कि पर्सनल जो ट्रेड वो करते थे जब पर्सनल ट्रेड के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के अंग्रेजों को नुकसान होने लगा होगा अब उस नुकसान को पूरा करने के लिए उसने ये व्यापार समिति का गठन किया है ठीक है ये व्यापार समिति का गठन किया है इसने कैसे किया है इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो ऐसे मान के चलिए कि तकरीबन अगस्त सत्रह के आसपास इसने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को मिला करके एक 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 समिति का गठन किया और इस समिति को ही क्या बोला गया इस समिति को ही बोला गया सिक्योरिटी सोसाइटी ऑफ ट्रेड क्योंकि एक सोसाइटी जो है वो तैयार की गई इसी को बोला गया सोसाइटी ऑफ ट्रेड अब इसमें नमक सुपाड़ी और तंबाकू किसका किसका नमक नमक सुपारी और तंबाकू नमक सुपारी और तंबाकू इसका जो है एक तरीके से व्यापारिक एकाधिकार दिया गया व्यापारिक एकाधिकार किन चीजों का नमक सुपारी और तंबाकू का इसका जो है व्यापारिक एकाधिकार दिया गया किसको दिया गया इस समिति के मेंबर्स को या इस समिति को किसका ट्रेड ये करेंगे और ये जो व्यापारिक एक अधिकार आया इसने समिति ने यह भी बताया कि समिति को जो भी आय होगी इन चीज़ों के व्यापार से इस कमेटी को जो भी जो कह सकते हैं कि इस समिति को जो भी इनके बिकावले से या इनके बेचने से जो भी आय होगी जो भी इनकम होगी उसका जो लाभांश है उसका जो प्रॉफिट है उसका प्रॉफिट कंपनी के कर्मचारियों में बांटा जाएगा और बंटवारा जो है वो पद के अनुसार होगा मतलब जो बड़े पद पर होगा उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा जो छोटे पद पर होगा उसको कम मिलेगा सिंपल सी बात है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें तो इसका बंटवारा इस तरीके से हुआ कि जो गवर्नर था जैसे बंगाल का जो गवर्नर था जैसे रॉबर्ट क्लाइव भी थे इनको सत्रह हजार पांच सौ पौंड जो है वो मिलने थे ठीक है सत्रह हजार पांच सौ पौंड जो है ये लाभांश में से मिलने थे लाभांश में से ये तय था लाभांश से सत्रह हजार पांच सौ पौंड जो है वो गवर्नर को मिलते थे गवर्नर अब गवर्नर भी तो कंपनी का ही कर्मचारी है ना तो कंपनी के कर्मचारियों में बंटवारा होना था ठीक है इसी तरीके से जैसे सेना का जो कर्नल था उसको सात हजार रुपए सात हजार पौंड सात हजार पौंड जो है जो कर्नल रैंक का होगा कर्नल रैंक का जो व्यक्ति होगा सेना में उसको जो है सात हजार और जो मेजर रैंक का है उसको तकरीबन 2000, 2000 दो हजार, दो हजार जो मेजर रैंक का है और इससे नीचे के जो रैंक हैं उसी प्रकार से इनका बंटवाना होता होता रहता था तो कहने का मतलब तो कहने का मतलब यह है कि यह जो व्यक्ति है इसने एक नया तरीका कहीं ना कहीं निकाल लिया कि इस तरीके से हम मतलब नमक सुपाड़ी और तंबाकू से जो व्यापार आएगा उसको हम पर्सनली बांटेंगे तो जो कर्मचारियों का जो व्यक्तिगत व्यापार था उसका प्रतिबंध का कोई खास असर नहीं रहा तो यह इसके समय की एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके समय में एक व्यापार समिति का गठन किया गया था इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव के समय में एक विद्रोह भी हुआ और मजे की बात तो यह है कि वो विद्रोह स्वयं अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजों के समय में रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो विद्रोह हुआ है उसे कहा गया श्वेत विद्रोह व्हाइट रिवोल्ट श्वेत विद्रोह ठीक है अब ये श्वेत कौन है ये श्वेत मतलब है कौन ये श्वेत तो ये खुद ही है ना मतलब अंग्रेजी है ना श्वेत इनके समय में एक विद्रोह हुआ है अब इस विद्रोह को थोड़ा सा ध्यान रखना है सैन्य सुधार ये बहुत तेजी से करना चाहता था रॉबर्ट लाइव कुछ सैन्य सुधार करना चाहता था तो उस समय एक, एक, एक प्रचलन था एक सिस्टम था कि जो सिपाही हुआ करते थे बैटल टाइम में यानी युद्ध काल में उनको जो वेतन भत्ता मिलता था जब युद्ध होता था तो उनको अब वेतन दुगना हो जाता था दोहरा कर दिया जाता था मतलब उस समय एक नियम था प्रचलन था प्रचलन क्या था प्रचलन क्या था प्रचलन यह था कि दुगना कर दिया जाता था क्या दुगना कर दिया जाता था युद्ध काल के दौरान युद्ध काल के दौरान वेतन दोगुना वेतन या भत्ता जो था वो दोगुना कर दिया जाता था कर दिया जाता था अच्छा ये जान रहे हो क्या लिखा है बड़े काम की चीज लिखी है इस्तेमाल कर लेना इसका बहुत ही मतलब जब हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होंगी तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा बहुत ही बेहतरीन डिफरेंट तरीके से एकदम ठीक है हिस्ट्री आपके लिए आएगी धन्यवाद तो हिस्ट्री जो है आपको मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं उसमें कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए अगर अभी तक नहीं लिया है और एडमिशन लेने के लिए पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो तेईस फरवरी है भैया और कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप विरद लाइव अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता हो तो या फिर जिस टीचर का भी आपको पढ़ाया हो पसंद आता है आप उनका ये कोड लगा करके आप एडमिशन ले सकते हैं एडमिशन लेने में कोई तकलीफ हो कोई दिक्कत हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वी आई आर ए डी डी यू बी ई वाई वीर दुबे जीरो वन ये हमारा टेलीग्राम भी है और ये हमारा इंस्टाग्राम भी है इस पर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बता सकेंगे बहरहाल बढ़ते हैं आगे आ, बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब देखिए आपके साथ में हम रात में यहाँ पर आपके लिए क्लास ले रहे हैं आ, और ये भी अपने आप में कितनी यूनिक चीज़ है स्टडी आईक्यू का ये प्लेटफॉर्म है आप स्टडी आईक्यू पे पढ़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही सेलेक्टिव मटेरियल्स मिलते होंगे और बहुत ही अच्छे मटेरियल आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलते होंगे बड़ा ख्याल रखा जाता है बड़ा ख्याल रखना होता है स्वयं का तो आपकी क्लास देख के लगता है जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ लेकिन ये वाले पॉइंट्स तो स्पेक्ट्रम में आ, हो सक मतलब होंगे ही इतिहास है तो होंगे ही लेकिन ति, तितर बितर हैं लाइक टच कर दो सब लोग ये गुजारिश है विनय पाठक की और ये गुजारिश मेरी भी है भाई सिंपल सी बात है और व्यूज जो हैं वो थोड़ा सा बढ़ाए जा सकते हैं हम लोगों ने 500 का आंकड़ा पार किया था तो मैं चाहता हूं कि हम जब बंद करें तो उस समय भी हम 500 से प्लस ही रहें तो भाई आ, भाई कोर्स में कोर्स में तो और अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी ना यूट्यूब में तो हमारी और आपके कुछ बंदिशें हैं अमर मतलब अगर आपको मेरी यूट्यूब की क्लास पसंद आ रही है तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इससे बेहतरीन ही आपको वहां पर मिलेगा क्योंकि हमारे आपके कुछ पर्सनल चीज़ें भी वहाँ पर डिस्कशन हो सकेंगी आपके डाउट्स बिल्कुल सामने हमारे आपके सामने रख सकेंगे हम आपके नोट्स देख सकेंगे आपको जहां कहीं परेशानी होगी आप उस परेशानी के लिए आप हमको बुला सकते हैं बुला सकते हैं मतलब याद कर सकते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं नो डाउट नो वे कि हम इससे खराब तो मतलब नहीं पढ़ाते होंगे वहां पर और अच्छा पढ़ा रहे होंगे सिंपल सी बात यह है तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए ठीक है ओ माय गॉड नाइन नाइन सेवन नाइन नाइन सेवन जो है लाइक्स like हो चुके हैं ठीक है धन्यवाद अनु मिश्रा जी आपके इस अप्रिशिएशन के लिए एंड 998 काउंटडाउन बिगन हो चुका है दो और हो जाएं थाउजेंड हो जाएंगे फिर हम आगे पढ़ाएंगे अभी और नहीं पढ़ाएंगे मेरा मन नहीं कर रहा है जब तक हज़ार में देख नहीं लूँगा हज़ार लाइक दिखा दो भाई 999 हो गया है और एक एक लाइक की के केवल ज़रूरत है और ये थाउजेंड लाइक हो जाएंगे थाउजेंड लाइक वाई गॉट वन के वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया रात में इस मोटिवेशन के लिए इस प्रकार से हमारे साथ मोटिवेटेड रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को एक हजार प्लस लाइक हो चुके हैं बड़ा बेहतर होता बड़ा अच्छा होता मुझे देख करके कि यहाँ पर और इस तरीके से संख्या बहुत अच्छी संख्या आप लोगों ने मेंटेन करी हुई है शुरू से अंत तक पढ़ रहे हैं बहरहाल चलिए वापस आते हैं जल्दी से अपनी चीजों को खत्म भी करना है पढ़ना भी है श्वेत विद्रोह क्या था इसके समय में श्वेत विद्रोह हुआ अब ये क्या था सैन्य सुधारों का इसने ध्यान देना चाहा और मैंने आपको बताया कि इनके समय में एक, एक प्रचलन था और प्रचलन यह था कि यह प्रचलन यह था कि युद्धकाल के दौरान जो सैनिक हुआ करते थे तो उनको दुगना वेतन दिया जाता था जनवरी 1766 में इसने एक नया नियम जो है वो जारी किया जनवरी 1766 में और यह कहा कि भत्ता जो है सैनिकों को जो एक्स्ट्रा दिया जाता है युद्धकाल के दौरान वो नहीं दिया जाएगा केवल उन सैनिकों को दिया जाएगा जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्यरत है ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने जनवरी सत्रह को जनवरी सत्रह को ऐप पर भी बहुत अच्छी क्लास होती है हाँ रवि क्योंकि हम मतलब हमारे यहाँ सभी टीचर मुझे यकीन है कि मतलब मेरे से भी बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं सारे टीचर्स तो स्वाभाविक सी बात है कि क्लासेस तो सारी अच्छी हो ही रही है तो जनवरी सत्रह को क्लाइव ने क्लाइव ने घोषणा की घोषणा की कि बंगाल दो जगहों का नाम इसमें याद रखना जरूरी है दो जगहों का नाम याद याद रखना जरूरी है एक नाम है बंगाल और एक नाम है बिहार बंगाल और बिहार की सीमा इन दोनों की बाउंड्री इसके बाहर की अगर हम बात करें अगर कोई है तो उसे ही केवल बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर के जो सैनिक हैं बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर नियुक्त सैनिकों को सैनिकों को ही को ही यह दोहरा भत्ता दिया जाएगा दोहरा भत्ता दिया जाएगा ठीक है यह बात रॉबर्ट क्लाइव ने कही यह फैसला हुआ कि जो बंगाल और बिहार की सीमा के अंतर्गत रह रहा है उसको ये नहीं दिया जाएगा सिंपल सी बात है उसको ये नहीं दिया जाएगा हाँ बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो भी बिल्कुल अच्छी बात है मेरे सार सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ये तो बात बिल्कुल क्लियर है ये बात बिल्कुल तय है सब अच्छे से पढ़ाते हैं सब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं सो so, मैं आप लोगों के साथ में बीच में थोड़ी थोड़ी सी चायस की चुस्की लेता जा रहा हूं और क्योंकि ये वर्चुअल क्लास है तो आपके साथ हम चाय शेयर नहीं कर सकते हैं बट इसलिए चाय पी रहे हैं कि गला जो है वो सूखे ना आपको भी नींद उंद आ रही हो तो चाय बना करके रख सकते हो बढ़िया से ठीक है ठीक दोहरे वेतन मिलेंगे दोहरे वेतन जो बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर होंगे उन्हें मिलेंगे अंदर जो होंगे उन्हें नहीं मिलेंगे ये चीज हमें ध्यान रखना है तो एक तरीके से कटो पहले इनको भी मिलते थे अब इनको नहीं मिलेंगे ये कह दिया गया अब इस चीज को लेकर के सेना में असंतोष हो गया और मुंगेर और इलाहाबाद के अंग्रेजों ने इस बात से इस बात से क्या हुआ असंतोष फैल गया और मुंगेर या मुंगेर कह सकते हैं मुंगेर और इलाहाबाद इलाहाबाद के आ, अधिकारियों ने अधिकारियों ने अधिकारी मतलब ब्रिटिश अधिकारी श्वेत अधिकारी श्वेत अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया विद्रोह कर दिया अब इन्होंने जो है क्या कर दिया विद्रोह कर दिया और क्योंकि जब ये विद्रोह हुआ तो इन्हें लगा कि इसको छुपा दिया जाएगा इसको दबा दिया जाएगा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ हाँ हजार कप लाने पड़ेंगे हजार कप अरे क्या दिक्कत है आ जाएंगे जब कभी आप लोगों को बुलाएंगे तब आएंगे चाय पीने का मन करता रहता है बनाने का नहीं करता है ये ये बहुत अच्छी बात है बाय द वे चलिए तो ये ऐसा हुआ कि भाई विद्रोह यहां पर इन्होंने किया लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो था वो अपनी जगह पर बहुत ज्यादा दृढ़ रहा और दृढ़ रहते हुए उसने इस विद्रोह को क्या कर दिया दबा दिया तो बेसिकली ये जो विद्रोह है इसी विद्रोह विद्रो को हम किस नाम से जानते हैं श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं विद्रोह को इसने क्या कर दिया विद्रोह को दबा दिया विद्रोह को विद्रोह को दबा दिया विद्रोह को दबा दिया और जब विद्रोह को दबा दिया तो काम खत्म मतलब इसमें भी इसकी जय जयकार हो गई एक तरीके से तो ये है रॉबर्ट क्लाइव के विषय में रॉबर्ट क्लाइव के जीवन में जो उन्होंने काम किया चाय को आप फील कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है शाबाश बहुत अच्छी बात है तो आप चाय फील कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है भाई धन्यवाद ठीक है तो ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने बताया अब अगर हम रॉबर्ट क्लाइव का छोटा सा मूल्यांकन करें अगर हम ये बताने का प्रयास करें रॉबर्ट क्लाइव कैसा था तो भारत में रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं क्या कहते हैं भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो समय समय की गति को बहुत अच्छी तरीके से समझता था ठीक दिशा में आगे बढ़ना जानता था और यही कारण हुआ कि उसने अपने प्रतिद्वंदी डुबले को जो कि उससे भी ज्यादा चालाक था उसे भी मात दे दिया बंगाल के संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए और कैसे उसका प्रयोग करके दक्षिण भारत में विजय दिलाई है ये फ्रांसीसियों को हराने का काम किया है ये सब उसकी प्रतिभा के बारे में गुणगान करते हैं ये सारे गुण बंगाल में भूमि जो है आ, उसको कहा जाए कि उसको भूमि के ऊपर जो बंदोबस्त लगाने का प्रयास किया गया या भूमि कर वगैरह जो था उसको रेगुलेट करने का इसने प्रयास किया हालांकि उसमें बहुत ज्यादा वो सफल नहीं हुआ लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो बंगाल में कई सारे राजाओं और सम्राटों को बनाने का काम इसने किया है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बिल्कुल इसको, इसको कह सकते हैं ठीक है थीके? और एक बार फिर से बंगाल में आकर के दोबारा से बंगाल में आकर के उसने बंगाल को दोबारा से सुदृढ़ बनाया है तो पहले तो बंगाल में उसने जो क्राउनशिप है उसको मेंटेन किया जिसको चाहा उसको उसने राजा बनाया जिसको चाहा उसको राजा से पद से हटाया मीर जाफर हो मीर कासिम हो फिर से मीर जाफर को लाना हो फिर से मीर जाफर के बेटे को लाना हो कुछ भी हो इस तरीके की चीजें तो सबको रेगुलेट करता है ये ठीक है ये अपनी जो शासन व्यवस्था उसको रेगुलेट करने का काम करता है तो कुल मिलाकर के ये सारे गुण उसके अंदर अच्छी तरह से मौजूद हैं बेहतरीन तरीके से उसके पास में ये सारे गुण जो है वो मौजूद हैं ठीक है तो ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो क्लाइव जो है वो काफी आ, मतलब हम कह सकते हैं कि इसको अगर ये कोई कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्टेब्लिशर उसको बोला जाए या भारत में आ, अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक उसको बोला जाए तो कुछ भी कठिन नहीं है उसमें कुछ भी कठिन नहीं है ठीक है बिल्कुल सही है क्लाइव जो है वो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का नींव जो है रखते रक, हुए दिखाई देता है इसके अलावा उसे भविष्य के अग्र अग्रदूत के तौर पर भी देखा जा सकता है कई सारे इतिहासकारों ने उसे भारत में अंग्रेजी भविष्य का अग्रदूत कहा है कई सारे इतिहासकारों ने कहा है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रदूत साम्राज्य को बहुत अच्छी तरीके से सजोया है उसने नए नए प्रयोग किए हैं नए नई कह सकते हैं कि खोज करने का प्रयास किया है नए नए साधन जुटाने का प्रयास किया है तमाम सारी जो इसके समय में जो जो संभावनाएं थी उसको उसको जगाने का कार्य किया है तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाइव निश्चित तौर पर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी था हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ लोगों ने या कुछ ब्रिटिशर्स ने क्लाइव के ऊपर कुछ आरोप भी लगाए हैं और वो आरोप जो हैं वो धन लोलुपता के हैं कुटिलता के आरोप लगाए गए हैं अंग्रेजी संसद जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में से कुछ लोगों ने इसके ऊपर लालच का आरोप लगाया है अवैध ढंग से आ, बंगाल का शोषण करने का आरोप लगाया है सोसाइटी ऑफ ट्रेड को जिसने स्टैब्लिश जो इसने स्टैब्लिश किया था मैंने आपको बताया कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड को आ, को इस्टैब्लिश किया था इसने तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड को बना करके कहीं ना कहीं बंगाल को लूटने की योजना बनाई और इसकी जांच जो है कराना चाहते थे कुछ अंग्रेज अधिकारी दोहरी शासन प्रणाली की निंदा करी गई है इतिहासकारों ने कहा कि दोहरी शासन प्रणाली लागू करके कहीं ना कहीं इसने जनता के ऊपर भयंकर तरीके के कठोर कुठाराघात किए हुए हैं एक तरीके से बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी की जागीर बना करके रख दिया इसने के एम पणिक्कर एक इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि सत्रह से लेकर के सत्रह तक कंपनी में कंपनी ने बंगाल में एकदम डकैतों का राज जो है वो कराया और उस राज को स्टैब्लिश करने का काम इस वॉरन इस रॉबर्ट क्लाइव का था तो नो डाउट था अधिकाधिक उसने बंगाल को लूटा प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह ये राजनीतिज्ञ ये नहीं था अगर राजनीतिज्ञ होता तो जिस समय बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी इसके हाथ में आई तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी इसने राजा को दे दी नवाब को वापस दे दी उसे लगा कि एक्स्ट्रा बर्डन है परंतु उसे यह नहीं समझ में आया कि उसी के माध्यम से वो प्रशासनिक कार्यों में राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप भी कर सकता था तो हम ये कह सकते हैं कि वह अंतरदर्शी तो है लेकिन दूरदर्शी नहीं है प्रशासनिक सुधार उसने किए हैं लेकिन इसके प्रशासनिक सुधारों से आगे आने वाले लोगों को खासी दिक्कतें ही हुई हैं और सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस द्वैध शासन ने पैदा करी थी और यही तो कारण हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया जो द्वैध शासन है वो अंततः जो है है वो हटा देता है। भी तो बंगाल को लूटने आया था अगर ये इतनी अच्छी चीज थी तो उसने लागू क्यों नहीं किया कंटिन्यू क्यों नहीं किया तो हम प्राय ये बात कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का श्रेय जो है उद्देश्य जो है या श्रेय जो है वो वॉर वो रॉबर्ट क्लाइव को जरूर जा सकता है लेकिन ब्रिटिश राज के स्टैब्लिशमेंट से वो शांति और व्यवस्था, कर व्यवस्था कायम करी हो तो फैली है उससे अंग्रेजों को विशुद्ध रूप से लाभ जरूर हुआ है लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल में अफरा तफरी जो है वो इसने इसके कार्यों से फैली हुई है यह बात निस्ंदेह है ठीक है तो यह चीज हमको यहां पर समझ में आ जाती है कि भाई रॉबर्ट क्लाइव किसी काम के है नहीं हालांकि इससे अंग्रेजों को फायदा ज्यादा हुआ है ठीक है अंग्रेजों को इससे फायदा काफी ज्यादा हुआ है लेकिन किसी काम के ये, आ, मतलब अगर हम अंग्रेजी राज्य की स्टैब्लिशमेंट की बात करें कुछ समय और रहते तो शायद ये लूट खसोट होती और फिर कोई बड़ा सा विद्रोह होता और अंततः इसे और इसकी पॉलिसीज को हारना पड़ता चलिए अब इनका काम हो गया तमाम अब हम अगले नवाब की बात करेंगे अगले गवर्नर की बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स डाल दीजिए हेडिंग सब लोग वॉरेन हेस्टिंग्स अब हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है हाँ बंगाल की जनता को ये बिल्कुल बर्बाद कर दिया इंपीचमेंट चला ब्रिटेन में वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट चला था वो तो रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ बात उठी लेकिन वहां पर इंपीचमेंट जैसी चीज नहीं हुई बेटा वहां इंपीचमेंट नहीं बोलेंगे आप उसको ओके अतुलनीय और काबिल तारीफ उम्दा विश्लेषण गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्वितीय शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेहतरीन चलिए तो आ, और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ा जाए वॉरन हेस्टिंग्स के समय में कोई बता सकता है वॉरन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड कितना रहा एज अ गवर्नर या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जल्दी से बताइए फटाफट जल्दी से बताएं क्या हो गया नहीं ये सेशन रोज रात में नहीं होता है ये सेशन आज रात में हो रहा है ये सेशन आज रात में हो रहा है चलिए समझते हैं सत्रह में बहत्तर हैं 1772 से, 1772 से इनके टाइम पीरियड को हम लोग काउंट करेंगे और 1785 तक लेके जाएंगे परंतु जब अब देखिए 1772 में क्या हुआ सत्रह में ये बंगाल का गवर्नर बना बंगाल का क्या बना गवर्नर बना ध्यान रखेंगे इस चीज का यह बंगाल का गवर्नर बना सत्रह में लेकिन सत्रह में यह बंगाल का गवर्नर जनरल बना बंगाल का क्या बना गवर्नर जनरल यह 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना है और सत्रह में बंगाल का गवर्नर बना था यह दो अलग अलग चीजें हैं गवर्नर उसी तरीके से जैसे रॉबर्ट क्लाइव था लेकिन सत्रह में रेगुलेटिंग एक्ट के आने के पश्चात बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया अब हम लोग इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में ही पढ़ेंगे सारी के सारे ठीक है जैसे आपने कॉर्नवॉलिस का नाम सुना होगा तो वो कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल था ठीक है तो वॉरेन हेस्टिंग जो है उसका बंगाल के गवर्नर जनरल की तरह अगर कार्यकाल देखेंगे तो वो सत्रह से सत्रह तक हुआ और बंगाल के गवर्नर की तरह कार्यकाल देखेंगे तो सत्रह तक ही रहा लेकिन इसके टोटल जो टाइम की बात करें तो सत्रह से सत्रह तक ये रहता है ठीक है फरवरी 1767 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लैंड वापस चला गया 1767 में ठीक है सत्रह में सत्रह में इसके पहले जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव यह बंगाल वापस चला गया बंगाल वापस चला गया जब ये रॉबर्ट क्लाइव बंगाल वापस गया तो इसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी आया जिसका नाम था वेरेल्स्ट इसका जो उत्तराधिकारी हुआ इसका जो उत्तराधिकारी था वो वॉरन हेस्टिंग्स नहीं था वो था वेरेल्स्ट क्या नाम था उसका ये बना 67 से लेकर के 69 तक क्योंकि आप जरा देखो आपको मालूम है कि 67 तक रॉबर्ट क्लाइव था और यहां पे 72 लिखा हुआ है तो बीच के टाइम में कौन रहा बीच के टाइम में एक तो वेरेल्स रहे थे और एक थे कर्टियर एक इसके बाद वेरेल्स के बाद में जो अगला बना वो था कार्टियर कार्टियर और कार्टियर जो है वो 69 से लेकर के 72 तक बना रहा और 72 से ये बंगाल के गवर्नर बने वॉरेन हेस्टिंग्स तो इन दोनों का नाम इसलिए नहीं आता है क्योंकि इन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किए मुख्य तौर पर इसी वजह से इनका नाम बीच में आ जाता है तो वेरल्स और कार्टलिस का नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है हाँ, regulating act के बारे में कुछ stories of, stories for aspirant ने कुछ ने लिखा है। है। बाकी लोग भी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ये ये पहले बंगाल का गवर्नर भी बना। हाँ, बंगाल का का बना, पहला गवर्नर ये कहलाएगा। no doubt इसे हम बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहेंगे ठीक है इसे हम बंगाल का पहला गवर्नर जनरल निश्चित तौर पर कहेंगे ठीक है तो ये रॉबर्ट क्लाइव है जो सत्रह में रॉबर्ट क्लाइव जो है उसके जाने के बाद में वेरेस्ट आया है फिर कर्टियर आया है और इसके बाद में ये गवर्नर जनरल बंगाल का बना वॉरेन हेस्टिंग्स ठीक है पर इनके शासन जो है वो कमजोर थे और इन दोनों के समय में जो बंगाल राज्य था वो भ्रष्टाचार अत्याचार और बहुत सारे कष्ट के बोझ से जो है वो कराहने लगा सत्रह में वॉरन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति दी गई और सत्रह में उसे गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई और इसी गवर्नर जनरल ने ये जो विषम परिस्थिति के समय में जो आया है इन लोगों ने तो बिल्कुल अधेड़ धर दिया था इन्होंने जो बर्बादी करी थी उस बर्बादी को इन दोनों लोगों ने और बढ़ाया और जब वॉरन नेस्टिंग्स आया तो बुरी तरीके से बंगाल लुटा पिटा था और किसी तरीके से वो कंपनी के शासन का विस्तार करना चाहता था ये वॉरन नेस्टिंग्स तो इसने क्रमिक कुछ कुछ सुधार किए कुछ क्रमिक सुधार किए और क्रमिक सुधार में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके प्रशासकीय सुधार वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासकीय सुधार आप हेडिंग डाल दीजिए वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासकीय सुधार प्रशासकीय सुधार ठीक है अब जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ना इसके बारे में तो डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर हमें वॉरेन हेस्टिंग्स को लेकर के कनेक्ट करते हुए चलना है इसके इर्द गिर्द ही रहना है बंगाल की जो व्यवस्था है उसके इधर उधर नहीं जाना है और जैसे आप सत्रह में इसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो हम रेगुलेटिंग एक्ट भी नहीं पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट अगर आपको पढ़ना है तो अभी जो जैसे बैच शुरू हुआ है तो अभी सर शुरुआत में रेगुलेटिंग एक्ट थोड़ी देर में पढ़ाने वाले होंगे क्योंकि जब आप पॉलिटी से शुरुआत हुई है और पॉलिटी से जब शुरुआत हुई है तो उन्होंने शुरुआत में मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी जैसे कि संविधान का विकास कैसे हुआ वगैरह वगैरह उसी दौरान जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट भी बताया जाएगा या बताया गया होगा हो सकता है तो आप वहाँ जाकर के बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा लेकिन यहां पर आप इस, इसको आप देखिए सत्रह में रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह में वॉरेंट हेस्टिंग्स क्लाइव के द्वैध शासन को सबसे पहले समाप्त करता है तो यह प्रशासकीय सुधार में सबसे पहला पॉइंट है सबसे पहला प्रशासकीय क्या लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट लिखिए प्रशासकीय सुधारों में सबसे पहला पॉइंट द्वैध शासन का द्वैध शासन का अंत और द्वैध शासन लेकर के कौन आया था द्वैध शासन लेकर के आए थे वॉरन रॉबर्ट क्लाइव ठीक है रॉबर्ट क्लाइव के रॉबर्ट क्लाइव के द्वैध शासन का द्वैध शासन का अंत ठीक है भाई द्वैध शासन का अंत द्वैध शासन का अंत सबसे पहले तो ये इसने किया समाप्त कर दिया द्वैध शासन को और समाप्त करके क्या व्यवस्था करी व्यवस्था यह करी कि बंगाल और बिहार के जो नवाब नायब थे बंगाल और बिहार के नायब बंगाल और बिहार के नायब सूबेदार नायब सूबेदार दोनों जगहों पर अलग अलग नायब सूबेदार जो है बैठाए गए थे एक जगह पे मोहम्मद रजा खां था और एक जगह पे सिताब राय था मोहम्मद रजा खान और सिताब राय सिताब राय अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये नायब सूबेदार क्या है तो आप याद करिए याद करिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहां पर जब द्वैध शासन बताया था तब कुछ पॉइंट बताए थे कहां गया द्वैध, द्वैध शासन द्वैध शासन कहां गया ये है द्वैत शासन में निजामत का कार्य मैंने आपको बताया था निजामत का जो कार्य था वो दिया गया नवाब के हाथों में और नवाब कौन था नजमोद्दौला और नजमुद्दौला नजमुद जो थे वो अल्पवयस्क थे तो ये सारा काम खुद नहीं कर सकते थे तो इनके इनकी इन्हीं इन, के डिपार्टमेंट में कह सकते हैं कि नायब सूबेदार का एक पद बनाया गया जो सुरक्षा व्यवस्था को देखेगा तो बंगाल और बिहार में इस तरीके के नायब सूबेदार थे मोहम्मद रजा खां और सिताब सिताब राय ठीक है

मुर्शिदाबाद से राजकोष कलकत्ता ले आया कलकत्ता ले आया ठीक है जो ट्रेजरी हुआ करती थी उसको ट्रांसफर कर लिया कलकत्ता की तरफ क्योंकि ये कलकत्ता में ही थे इनकी काउंसिल कलकत्ता में थी और इसी कलकत्ता में पहले जो है कलेक्शन करने के लिए दो अलग अलग रेवेन्यू बोर्ड्स हुआ करते थे इन दोनों रेवेन्यू बोर्ड्स को मर्ज करके इसने एक रेवेन्यू बोर्ड के स्टेब्लिशमेंट कर दिया एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कर दी प्रशासन का जितना भी काम था उसमें ये वाला जो इंक्लूडेड है इनके जो काम है वो सब मतलब चाहे वो सैन्य व्यवस्था हो चाहे वो राजस्व की व्यवस्था हो चाहे शांति व्यवस्था हो चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो ये सारे जितने भी प्रशासन के कार्य थे ये सारे के सारे प्रशासन के कार्य कंपनी ने अपने हाथ में ले लिए समस्त प्रशासन के कार्य समस्त प्रशासन के कार्य के कार्य कंपनी ने अपने हाथ में ले लिए अपने हाथ में ले लिए पहले क्या था पहले बटा हुआ था पहले बटा हुआ था जो आ, आ, जो कह सकते हैं कि राजस्व वसूली का जो कार्य है और जो सैन्य सुरक्षा कार्य है वो कंपनी के पास में था बाकी सारे काम राजा के पास में थे या राजा के बंदों के पास में थे वो सारी चीजें हटा दी गई ठीक है ये बात समझ में आ गई अब नवाब जो था वो हालांकि स्वायत्त था नवाब के ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं था लेकिन फिर भी बंगाल में उसका जो जो उसका जो मेंटेनेंस था वो देखने का काम जो है इन्होंने करना शुरू कर दिया उसमें इंटरफ़ेयर करना शुरू कर दिया मतलब यूं कह सकते हैं कि बंगाल में जो राज प्रणाली चल रही है राज्य व्यवस्था जो चल रही है उस राजव्यवस्था में उसने दखलंदाजी करी और दखलंदाजी कैसे करी मीर जाफर की जो विधवा पत्नी थी इसका नाम था मुन्नी बेगम उसके अंडर में एक नया नवाब बनाया गया वो भी एक अल्पवयस्क था जिसका नाम था मुबारिक उद्दौला तो इसने क्या किया मुबारिक उद्दौला मुबारिक उद्दौला ये नवाब था इस नवाब की संरक्षिका इस नवाब की संरक्षिका अपॉइंट करा किसको अपॉइंट किया जो कि मैंने आपको बताया कि जो मीर ज़ाफ़र था उसकी विधवा थी उसका नाम था मुन्नी बेगम मुन्नी बेगम ये मीर जाफर की बेगम मीर जाफर की पत्नी है मीर ज़ाफ़र की विधवा क्योंकि मिर्जाफर की तो डेथ हो चुकी है तो इसको जो है ये मुबारिक मुबारिक दौला की संरक्षिका नियुक्त किया गया और इसके लिए उसे भत्ता दिया गया बत्तीस लाख रुपए पहले बत्तीस लाख रुपए दिया जाता था बत्तीस लाख रुपए से घटाकर सोलह लाख ,00 कर दिया गया इसके लिए भत्ता कितना कर दिया गया सोलह लाख रुपए ठीक है सोलह लाख रुपए जो है बत्तीस लाख ,00 से घटा करके सोलह लाख रुपए इसका जो है भत्ता तय कर दिया गया चीज ध्यान रखेंगे और सोलह से एक सोलह में जो संधि हुई थी इलाहाबाद वाली जो संधि हुई थी उसमें 26 लाख रुपए जो है वो सालाना वार्षिक पेंशन जो है वो दी जाती थी वो वार्षिक पेंशन जो 26 लाख रुपए वाली थी उसको बंद कर दिया और आपने देखा होगा कि इलाहाबाद की संधि में इलाहाबाद और कड़ा ये दो जगह जो है वो नवाब को दी गई थी आ, मुगल बादशाह को दी गई थी और इलाहाबाद और कड़ा जो है उनसे लेकर के वो अवध के नवाब को वापस इसने बेच दिया पचास हजार पचास लाख रुपए में तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है पचास लाख रुपए में अगला पॉइंट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पचास लाख रुपए में रुपए में नवाब से नवाब मतलब मुगल बादशाह से मुगल बादशाह से अब मुगल बादशाह नाम के हैं क्या मुगल बादशाह हैं मुवारजह ठीक है तो मुगल बादशाह से इलाहाबाद इलाहाबाद और करा या कारा लेकर अवध के अवध के नवाब को बेच दिया और ये देखते ही रहेंगे ये कुछ कर नहीं पाए पचास लाख रुपए जो है इनसे पचास लाख रुपए में अवध अब सोचिए कितना घुमा फिरा के काम हुआ रॉबर्ट क्लाइव के समय में अवध के नवाब से इसको लिया गया था ठीक है अवध के नवाब से लेकर के उसको जो है दे दिया गया था क्या नाम है आ, जो आ, मुगल बादशाह है उसको ठीक है और अब यहां पर दोबारा वही काम है अब यहां पे दोबारा वही काम है कि मुगल बादशाह से लेकर के वापस किया जा रहा है अवध को और उसके बदले अवध से पचास लाख रुपए लिए जा रहे हैं तो रेवेन्यू मतलब पैसा कहीं से भी आ जाए ले लो पैसा कहीं से भी आ जाए ले लो बस केवल ये पॉइंट चल रहा है यहां पर भाई के लाइक्स हो चुके हैं और बहुत अच्छी बात है मध्यरात्रि से ऊपर जा चुका है ये सेशन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए पचास लाख में बेच दिया हाँ पचास लाख में बेच दिया ठीक है ये बात सबको समझ में आ गई हाँ या नहीं यहां तक सबको क्लियर हो गया किसी कोई डाउट किसी कोई दिक्कत अभी बता दो गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग अरे कल सुबह जल्दी हमें भी उठना है थोड़ा हमारे साथ आप लोग भी मेहनत कर लीजिए पहले ही मैंने कहा था पहले ही कहा था कि आसान नहीं है रात में पढ़ना और रात में पढ़ाना भी आसान नहीं है चाय धीरे धीरे रखे रखे ठंडी हो गई मेरी चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखो जिसे पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही ही और जिसे सोना है है वो तो तो सोएगा उसका कुछ नहीं किया सकता है। तो, खैर आप लोग इतनी देर तक जुड़े रहे ऐसा नहीं है कि ये ये धन्यवाद धन्यवाद का का विषय विषय नहीं है का है है ठीक तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से वॉरन वगैरह जो है उनके समय के ये कुछ सुधार थे जो मैंने आपको यहां पर गिनाए जो मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया अब हम वॉर हेस्टिंग्स के कुछ व्यापारिक सुधार के बारे में चर्चा कर लेते हैं ठीक है व्यापारिक सुधार इस पर थोड़ी सी फोकस कर लें इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें हां तो जागरण है ही है और क्या कपर कप लिखा कोट बताइए कपर कुछ कोट लिखा है और बता रहे पूछने के सर क्या लिखा है इस पे लिखा हुआ है इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन और ये आज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है मैं दिखा दूं पूरा मैं पूरा कप ही दिखा दे रहा हूँ चलो आप लोगों को मैं पूरा कप जो है आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ तो देखो ढंग से पढ़ लो क्या लिखा है इसमें और ये आपके लिए बहुत जरूरी है ये देखो देखिए क्या लिखा है हालांकि जब तक कोई काम आप नया करने चलते हैं और जब तक हो नहीं जाता है तब तक आपको इम्पॉसिबल लगता है जैसे जब आज मैराथन सेशन चल रहा था ना या जब मेरासन सेशन की मैंने बात बताई जिन लोगों को कि आज तो मुझे रात में पढ़ाना है पूरी रात में पढ़ाऊँगा काफ़ी लंबी क्लास चलेगी तो लोगों ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है अच्छा मेरे को नींद बहुत जल्दी आती है मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा पर्सनल हो जा रहा हूँ आपसे कि मुझे नींद बहुत जल्दी आती है नो no डाउट मुझे नींद बहुत जल्दी आती है लेकिन लोगों ने कहा कि सर आप मतलब सो जाएंगे आप कहाँ इतनी जल्दी पढ़ा पाएंगे इतनी देर तक कहाँ पढ़ा पाएंगे तो मैंने कहा करके देखते हैं आप स्टूडेंट्स का सहयोग मिलता रहेगा तो मैं करता रहूँगा तो उसके लिए बिल्कुल सही लिखा है पर ये बिल्कुल सही लिखा है इसमें लिखा हुआ है कि भाई जब तक कोई काम कर नहीं लिया जाता है ये हमेशा लगता है जब तक कि कोई चीज़ हो ना जाए आप अब की तैयारी कर रहे हैं अभी आपको लग रहा है कि यार यूपीएससी यूपीएससी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा तो भाई आपको अभी इंपॉसिबल लग रहा है लेकिन जब आप यूपीएससी लोगे ना कहोगे क्या था ये क्या था बस तैयारी करनी थी फोकस रखना था थोड़ा सा और तैयारी और फोकस रखते हुए ध्यान से और हम इसको कर सकते थे बहुत अच्छी तरीके से और मैंने कर लिया ऐसे करते हुए आप बोलेंगे तो डेफिनेटली इट इज लाइक दैट इसमें कुछ नहीं है हाँ तो मेरे लिए भी आज मतलब मैंने भी, मैंने भी पहली बार मैंने भी पहली बार मैराथन ली है आपको मालूम है कि इससे पहले मेरी मैराथन रात में इस तरीके की नहीं हुई दिन में एक बार मैराथन आई थी तो आप लोगों ने देखा होगा वो 11 घंटे की मैराथन थी 11 घंटे वाली मैराथन आपने से कितने कितने लोगों ने देखी है वो वाली जो ग्यारह घंटे वाली मैराथन थी वो कितने लोगों ने देखी है जल्दी बताइए ये पहले बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना हाँ हाँ वो तो बन चुका ठीक है अब जरा देखिए व्यापारिक सुधार में क्या क्या चीजें लेकर क्या आता है वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने व्यापारिक सुधार में सबसे पहला काम यह किया कि जो दस्तक जिसको हम फ्री पास बोलते थे जिसको लेकर के पहले बहुत सारे झगड़े हुए ठीक है तो वो वो जो चीज थी ना उसको उसने बंद करा दिया और उसको बंद करा करके बंगाल के व्यापार को सर्वसाधारण के लिए खोल दिया सभी लोगों के लिए खोल दिया कि सब लोग बंगाल में व्यापार कर सकते हो और घुमशते हुआ करते थे व्यापारिक व्यापारिक गुमश्ते समझते हैं गुमश्ते मतलब एजेंट तो व्यापारिक जो एजेंट हुआ करते थे उनको हटा करके बंगाल में एक स्वतंत्र व्यापार की एक नई प्रथा उसने चला दी और इस काम के लिए उसने कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट नाम के एक नए पद का सृजन भी किया तो क्या क्या किया सबसे पहली बात तो उसने जो फ्री ट्रेड था या फ्री पास की जो प्रणाली हुआ करती थी दस्तक प्रणाली जिसको कहते हैं दस्तक प्रणाली को समाप्त किया दस्तक प्रथा इसको क्या कर दिया समाप्त कर दिया इसने इसी तरीके से कुछ गुमाश्त हुआ करते थे गुमाश्त गुमाश्त जो है जिनको हम एजेंट बोलते हैं एजेंट एजेंट व्यापारिक एजेंट होते हैं एक तरीके से इनको हटा दिया गुमाश्तों को हटाया गुमाश्तों को हटाया बंगाल से ठीक है बंगाल से उसने क्या कर दिया गुमाश्तों को हटाया मतलब ये बिचौलिए हुआ करते थे सस्ते में खरीद करके महंगे में बेचना महंगे में खरीद करके सस्ते में बेचना चीजों को उपलब्ध कराना व्यापारी और कच्चे माल के संपर्क कराने वाले जो लोग थे उनको सब मतलब ये सारी प्रथा उसने खत्म कर दी और इन चीज को कंट्रोल करने के लिए कि ये चीज बनी रहे ये चीजें खत्म रहें इस पर निगरानी बनी रहे इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट बताया बनाया जिसको बोला गया कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या बोला गया कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ठीक है तो ये पद का सृजन किया पद बनाया जो इस पर जो है क्या करेगा इस तरीके की चीजों पर एक निगरानी रखेगा व्यापार से संबंधित जो चीजें हैं वो उस पर निगरानी रखेगा बहुत अच्छी बात है जय जी अगर आपको आनंद आ रहा है तो दस्तक प्रणाली दस्तक प्रणाली का मतलब फ्री पास होता है फ्री पास का मतलब अगर मेरे पास में एक फ्री पास है तो अगर जैसे मैं कहीं पर व्यापार करने जाता हूं किसी बाजार में या किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता हूं तो उस जगह पर जाने पर व्यापार कर देना पड़ता है हमको तो अगर मैं दस्तक दिखा दूंगा तो मुझे वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा एक तरीके का लाइसेंस था फ्री ट्रेड करने के लिए उसको दस्तक प्रणाली बोलते थे बेटे ठीक है किसी ने पूछा था दस्तक क्या होता है अनु समझ में आ गया आपने पूछा था हाँ ईयरली पेंशन तो बंद करवा दिया छब्बीस लाख रुपए पहले ही बंद करवा दिया उसने ठीक है अब देखो दूसरी बात क्या हुआ व्यापारिक क्षेत्र में कंपनी ने जो यूरोपीय और जो भारतीय व्यापारी हैं उनके साथ भेदभाव हटा दिया पहले जो यूरोपीय जो व्यापारी हुआ करते थे उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता था उसने ये वाली जो भेदभाव है वो खत्म कर दिया और एक प्रथा चला करती थी जिसको बोलते थे ददली ददनी ददनी प्रथा ददनी प्रथा का भी इसने अंत करा दिया जैसे ये प्रथा है ये प्रथा इसी तरीके से एक प्रथा है ददनी प्रथा ददनी प्रथा का अंत ददनी प्रथा क्या थी ददनी प्रथा एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि कुछ मामूली सी रकम देकर के किसानों से या काश्तकारों से अग्रिम करार ले लिया जाता था और यह बहुत मामूली सी रकम होती थी इस मामूली सी रकम को देकर के एक अग्रिम करार कर लिया जाता था कि इसकी खेती तुम करोगे जैसे जैसे मान लेते हैं कि नील की खेती के प्रोडक्शन के लिए बाद में इसका बहुत इस्तेमाल किया गया मेरे खेत में आलू की खेती होती है लेकिन उन्होंने कहा कि तुमको नील की खेती करनी है इसके लिए मैं हम अग्रिम तुमको जो है क्या दे दे रहा हूं कुछ रकम दे दे रहा हूं अब ये खेत हमारा हुआ अब इसमें तुम किसानी की लेखी चीज कर सकते हो नील की खेती की तो ऐसी चीजें हुआ करती इसको दद, ददनी प्रथा बोलते थे तो ये जो ददनी प्रथा थी इसको भी इसने क्या कर दिया समाप्त कर दिया और कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल जो है स्थापित किया सरकारी सरकारी टकसाल सरकारी टकसाल स्थापित किया ठीक है इसने कलकत्ता में क्या किया एक सरकारी टक्साल जो है वो स्थापित कर दिया ठीक है मजा आ रहा है यहां तक बात समझ में आ रही है देखो जिन्होंने ध्यान से पढ़ना है लिखना है उनको तो सब चीज समझ में आ रही होगी मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी होगी हमारा रात भर साथ देने की लेकिन कई बार जब आप बिस्तर में बैठे होते हैं नींद आती है तो आ ही जाती है तो जिन लोगों ने क्लास मिस कर दिए जो जो क्लास छोड़ गए शुरुआत में मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए अभी काफ़ी देर तक जुड़े भी रहे अभी थोड़ी सी संख्या डाउन हो गई हमें लगता है फिर से वापस आ जाएंगे जैसे ही उनकी नींद खुलेगी लेकिन अगर वो मिस हो गई तो मैं उनको दोषी नहीं मानता हूँ क्योंकि हो सकता है कि उनकी रात में जगने की आदत ना हो मेरी भी नहीं आदत है लेकिन क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरी नींद चल रही है हो सकता है कि आप अच्छा हिस्ट्री को पढ़ने से बड़ी नींद आती है कुछ लोगों को हिस्ट्री को पढ़ने से नींद बहुत आती है ज्योग्राफी को पढ़ने से नींद बहुत आती है हाँ लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ी ऐसी कहानी रखी जाए जिससे कि आपको नींद ना आए प्रयास मेरा यही है बाकी चीजें मैं नहीं कर सकता हूँ थोड़ा मतलब उल काम में नहीं करता पढ़ाने में ही रहता हूं तो वो दिक्कत है टकसाल का मतलब होता है जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसको टकसाल बोलते हैं मिंटिंग होती है जहाँ पर सिक्के ढा धा, जहां पर ढाले जाते हैं वहां टकसाल होता है टकसाल का मतलब अरे भाई टकसाल अरे इतने सारे लोगों को टक्साल नहीं मालूम है कोई बात नहीं टकसाल ऐसी जगह होती है जहां पर टका ढाला टकाशाला टकाशाला का, का नाम सुना होगा टंकाशाला तो का नाम सुना होगा टंकाशाला से ही शब्द बनाए टंकाशाला नाम सुना है टंकाशाला की स्थापना करी गई थी खैर ये तो हो गया इसके कुछ व्यापारिक सुधार अब कुछ इसके राजस्व सुधारों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कौन से सुधार राजस्व सुधार राजस्व सुधार किसके वॉरेन हेस्टिंग्स के कुछ राजस्व सुधार हैं जिनके ऊपर चलिए चर्चा कर लेते हैं देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो राजस्व संबंधी जो है इसने कुछ व्यवस्था करी थी कुछ व्यवस्था करी थी तो जो जितने भी कुव्यवस्थाएं थी उसको वो दूर करना चाहता था पहली बात तो और उन कुव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए उसका सुझाव देने के लिए कि कैसे जो है जो राजस्व संबंधी चीजें अव्यवस्थित हैं उस अव्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है इसके लिए एक समिति का गठन किया समिति का काम था सुझाव देना सिक्का डेवलपमेंट हाँ, डुवेल गवर्नमेंट एंड भी बोलिए ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड तो हो गया यानी कब हो गया ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड जो है बहुत पहले करा दिए मैंने आपसे न्यूटन भी टक्साल में काम किया था एक वक्त ये जानकारी मुझको नहीं थी जीतेन <laughs> बड़का टक्साल बने गोले गेले बिहार में बोला जाता है हाँ अरे वहां कुछ इस तरीके की चीजें बोली जाती हैं हर जगह पर सर इस बार एंशंट हिस्ट्री और मेडवल हिस्ट्री का मैराथन क्लास दे दीजिए <laughs> चाहत है कि खत्म नहीं होती चाहे जितना दे दिया जाए नहीं पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मैंने आप लोगों को पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का एक ही लेक्चर में आप लोगों को मैराथन क्लास दिया हुआ है जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के देख लो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मैराथन क्लास मेरे द्वारा स्टडी आई क्यू हिंदी पे जा चुका है जिसे बहुत सारा पसंद भी किया था आप लोगों ने और अभी भी जो है, वो राजस्व के सुधार के लिए समिति का गठन करता है और सुझाव उससे वहां से कलेक्ट करता है कि कैसे इसमें सुधार किया जाए तो राजस्व संबंधी जो वसूली है राजस्व की जो वसूली है राजस्व संबंधी जो सुधार है उसके लिए उसने ब्रिटिश लैंड लैंड रेवेन्यू कलेक्टर का एक पद बनाया किसका पद बनाया ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर और यह ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर का जो पद बनाया था यह उसी समिति के रिकमेंडेशन पे बनाया था जिसके जिसका गठन उसने इसलिए किया कि भैया मुझे बताओ कि किस प्रकार के राजस्व संबंधी सुधार होने चाहिए तो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ब्रिटिश हाँ, तो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर कलेक्टर ठीक है ये एक पद बनाया है इसने अब लैंड रेवेन्यू कलेक्टर का मतलब है कि भू राजस्व को इकट्ठा करने वाला अधिकारी भू राजस्व को इकट्ठा करने वाला अधिकारी इसके लिए एक अलग से होगा जो पुरानी व्यवस्था के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा नई व्यवस्था के अकॉर्डिंग काम करेगा पहले क्या होता था कि ठेके पे राजस्व वसूली करने वाले लोग दिए जाते थे और एक एक व्यक्ति को पांच पांच साल का ठेका दिया जाता था सत्रह में इसने जो पंचवर्षीय ठेले की जो प्रणाली है इसको समाप्त कर दिया 1776 में। और इसको समाप्त करके इसकी जगह पर एक वर्षीय जो ठेके की प्रणाली है उसको इसने अपनाया समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है मतलब पहले क्या होता था पंचवर्षीय ठेका प्रणाली थी पंचवर्षीय ठेका प्रणाली थी कैसी पंचवर्षीय ठेका प्रणाली थी इसको रिप्लेस कर दिया एक वर्षीय वर्षीय ठेका ठेका प्रणाली प्रणाली के साथ एक से कैसे रिप्लेस कर दिया मतलब कि वहां पे जो पंचवर्षीय ठेका प्रणाली हुआ करती थी तो उसमें जैसे मैंने बोली लगाई मैं मान लेता हूं कि राजस्व कलेक्ट करने वाला कोई व्यक्ति हूं कंपनी की तरफ से किसानों के पास में जाकर के या फिर जो जमींदार है उनके पास जाकर के रेवेन्यू कलेक्ट करूंगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी रेवेन्यू कलेक्ट करने की कंपनी को इससे कोई लेना नहीं कंपनी हमको उसका कुछ अंश दे देगी खत्म बात तो ये ठेकेदारी व्यवस्था पहले चलती थी एक बार ठेका मिल जाता तो पाँच साल के लिए मुझे ही ठेका मिलता रहता था और ये ठेका मुझे खरीदना पड़ता था नीलामी करके इसकी नीलामी होती थी ठेके की तो नीलामी करके इस चीज़ को खरीदा जाता था तो अब दिक्कत ये थी कि उसमें नीलामी करके मैं बहुत ऊंची नीलामी बहुत ऊंची बोली पर जो है ये ठेकेदारी लेता था और फिर उसको जो है मैं जमींदारी के जमींदारों के ऊपर किसानों के ऊपर जब उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करता था तो, तो बड़े बड़ा नुकसान होता था और एक्स्ट्रा बोझ जो है कहीं कही ना कहीं किसानों के ऊपर पड़ता था और राजस्व में जो है कमी आती थी तो इसने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया नीलामी पे नहीं होगा ठेके पे देंगे लेकिन हम ऐसे ही किसी ना किसी अधिकारी को नियुक्त करके देंगे ठेकेदारी नहीं देंगे सत्रह में उसने फिर से राजस्व में राजस्व व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय किए और इसमें जो कुछ प्रांतीय परिषदें वगैरह थी उस प्रांतीय परिषदों को उसने समाप्त कर दिया प्रांतीय परिषदें क्या कर सकती थी अलग अलग प्रांतों से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी और वो राजकोष में जमा करती थी अब ये चाहते थे कि एक सेंट्रल रेवेन्यू प्रोसेस हो सारा का सारा कलेक्शन जो है वो एक जगह पर आए केंद्रीयकृत करना चाहते थे सत्ता को वॉरेन हेस्टिंग्स तो उन्होंने जो प्रांतीय परिषदों परिषदों की जो राजस्व इकट्ठा करने की जो प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया लेकिन कुछ ही समय बाद इसको अलग अलग जिलों में कलेक्टर स्टैब्लिश करने पड़े और ये कलेक्टर डायरेक्टली जो है वो सेंटर से रिपोर्टेड रिपोर्टेड होते थे तो कलेक्टर जो है वो जिले में क्या कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और वो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे कितना कलेक्ट करेंगे इसका अधिकार प्रांतों को यानी प्रोविंसेस को नहीं दिया जाता था ये अधिकार सेंटर के पास में था यानी कर निर्धारण करने का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं था कलेक्टर केवल कर इकट्ठा कर सकते थे तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो रेवेन्यू सिस्टम में वो बार बार बदलाव ला रहा है पहले ये फिर इसकी जगह पर ये फिर मैंने आपको बताया कि सत्रह में एक और उसने सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया जिसमें प्रांतीय परिषदें समाप्त कर दी सत्रह में क्या कर दिया उसने सत्रह में प्रांतीय जो परिषदें थी उसको क्या कर दिया समाप्त कर दिया ये जो है कलेक्ट करा करती थी ठीक है रेवेन्यू को इसको भी समाप्त कर दिया उसके बाद में इसने आगे चल करके फिर से जो है जिलों में जिला कलेक्टर बनाए जिलों में कलेक्टर्स कलेक्टर collector जो है वो बनाए अब ये कलेक्टर जो है वो क्या करेंगे कर वसूली करेंगे लेकिन इन कलेक्टर्स को कर निर्धारण करने का अधिकार नहीं था कर निर्धारण का कर निर्धारण का अधिकार अधिकार नहीं था तो यह भी बात थी तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी जो इसने करी अब इन सारे चेंजेस जो बार बार इसने फ्रीक्वेंटली किए इससे अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकलता है कि इसकी कोई आ, सुनियोजित या फिर कोई निश्चित राजस्व व्यवस्था नहीं थी निश्चित राजस्व व्यवस्था नहीं कर पाया नहीं कर पाया यानी कि इसको एक निश्चित राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता हो ऐसा नहीं है निश्चित राजस्व व्यवस्था इसके पास में नहीं है तो इसमें यह असफल है एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे यहां तक कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हां या नहीं यहां तक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं किसी कोई डाउट किसी कोई शंका जल्दी से बता दीजिएगा सी बी आई ब्रो पढ़ला क्या हो गया सी बी आई ब्रो को अच्छा नींद आने लगी क्या चलो खैर तो अब भाई सोने जा रहे हो तो चुपचाप सोने चले जाओ अब ऐसे बता के ओवरऑल जाओगे तो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़े होके पढ़ा रहा है कोई व्यक्ति घर में बैठ करके इतमान से पढ़ रहा होगा नींद ऐसी चीज़ें तो सुन सुन के आती है देख देख के आती है अब दुनिया को बता के सोने मत जाओ भाई आपको शुभ रात्रि आप बहुत अच्छे से सोइए सुबह उठ करके आप फिर से देख लेगा फास्ट ऑर्डर करके लेकिन भाई बता के एकदम डंका पीट करके सोने जाने की जरूरत नहीं है लास्ट वाला थोड़ा समझा दीजिए लास्ट वाला क्या समझाना है एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या आप पूछना चाह रहे हैं लास्ट वाला मैं देख लेता हूं बेटा लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा आपसे कि लास्ट में क्या चीज नहीं समझ में आया ये वाला पोर्शन कि ये सारे के सारे पोर्शन दस्तक के बारे में एक बार रिपीट भाई दस्तक के बारे में तो कितनी बार रिपीट कर दिया दस्तक एक पास पास होता होता है है जैसे लाइसेंस ना आपके गाड़ी का अगर आपके पास में गाड़ी का लाइसेंस है 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 तो आपको गाड़ी चलाने को मिलती है। आपका चालान नहीं कटता आपको पेमेंट नहीं देना होता है किसी तरीके का लेकिन अगर लाइसेंस नहीं होता है तो आपका चालान कट जाता है आपको गाड़ी नहीं चलाने दी जाती है इसी तरीके से दस्तक जो है व्यापार का लाइसेंस था जिसके पास दस्तक होता था वो फ्री ट्रेड कर सकता था ठीक है अदरवाइज उसको ट्रेड नहीं करने दिया जाता था ठीक है जिला कलेक्टर वाला भाई इन्होंने क्या किया पहले प्रांतीय परिषदें हुआ करती थी और यहां पे जिला कलेक्टर्स वगैरह हुआ करते थे इनके माध्यम से प्रांतों से रेवेन्यू कलेक्ट कर, करा जाता था इन्होंने क्या किया ये प्रांतीय परिषदों को खत्म कर दिया और जिले में जिला कलेक्टर्स स्टैब्लिश किए और इनसे कहा कि आप जिलावार जो है रेवेन्यू को कलेक्ट कीजिए और ये रेवेन्यू कलेक्ट होकर और ये जो कलेक्टर्स थे ये सीधा केंद्र को रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे तो केंद्रीय सत्ता को एस्टेब्लिश करने के लिए उसने ऐसा काम किया था अब जो कलेक्टर्स थे उनका काम था टैक्स कलेक्ट करना पहले जो है ये जो कलेक्टर्स थे परिषद ये भी निर्धारित कर देती थी, थी कहां पे कितना टैक्स लगना चाहिए इनको यह मना कर दिया गया कि ये टैक्स लगाने की दर आप नहीं तय करेंगे ये केंद्र द्वारा तय की जाएंगे और जितनी दर तय कर दिया जाएगी उतना कलेक्ट आपको करना है ये चीजों करते थे ठीक है कहां ले जा रहे हैं मच्छर उठाकर तुमको मोर्टिन का इस्तेमाल करो चलिए अब हम थोड़ा न्यायिक व्यवस्था को समझते हैं न्यायिक व्यवस्था और मैं फिर बोल दे रहा हूं ये सबसे ऊपर लिख दिया है मैंने इस कोड का इस्तेमाल कर लेना अगर आप एडमिशन लेने जाना तो ठीक है और एडमिशन ले लो भैया इतना बढ़िया बैच आपको दोबारा नहीं मिलने वाला और इसमें अंतिम तिथि जो है वो तेईस फरवरी दो है तेईस फरवरी दो ठीक है तो आप जरा न्यायिक संबंधित सुधार के बारे में बात कर लेते हैं न्यायिक संबंधित सुधार का यहां पर क्या मतलब है भारत में वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो न्यायिक सेवा के जनक के रूप में कई जगहों पर इसको लिखा गया है न्यायिक सुधार में रेवेन्यू में तो देखिए बिल्कुल ये असफल रहा मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू सिस्टम जो है इसका एक जैसा कभी हुआ ही नहीं कभी कुछ करता था कभी कुछ करता था लेकिन न्याय प्रणाली में इसको जो है काफी ज्यादा कह सकते हैं कि न्यायिक सुधार इसने ठीक ठाक तरीके से किए हैं अब न्यायिक सुधार किस तरीके से ठीक ठाक तरीके से किए हैं उसको जरा देख लेते हैं ठीक है भारत में इसे न्यायिक सेवा के भारत में इसे न्यायिक सेवा का जनक के रूप में देखा जा सकता है या फादर के रूप में देखा जा सकता है न्यायिक कार्य इसके सफल रहे न्यायिक कार्य में सफल रहा सफल रहा अब ये न्यायिक कार्यों में काफी ज्यादा सफल रहा है कौन है नंद अब नंद की क्या हरकत हुई है तो मुझे मालूम नहीं ठीक है जरा देखिए ऐसा हुआ कि इसने क्या किया प्रत्येक जिले में सबसे पहले एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की तो दीवानी और फौजदारी न्यायालय प्रत्येक जिले में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की स्थापना करवाई एक तो इस काम के लिए इसको जाना जाएगा ठीक है भाई आपस में शैतानी नहीं करो अब इतनी रात में तुम लोग इस तरीके की शैतानी करोगे तो फिर कैसे पढ़ाई होगी है ना शैतानी नहीं करिए तो देखिए मैंने क्या कहा कि भारत में इसने क्या किया प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम मतलब बंगाल में जो है प्रत्येक जिले में इसने सर्वप्रथम एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की दीवानी और फौजदारी न्यायालय की होती है दिवाली मतलब सिविल जो कोर्ट होते हैं और फौजदारी का मतलब जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं उसका एस्टेब्लिशमेंट किया आपको मालूम है इसी के समय में सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट आया था सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सत्रह में 1774 में कलकत्ता में कलकत्ता में क्या किया इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की सुप्रीम कोर्ट की क्या करी इसने स्थापना करी सत्रह सौ सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट हाँ ठीक है तो भाई सत्रह सौ तिहत्तर में इसने क्या किया सत्रह सौ चौहत्तर में इसने क्या किया कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी अब यह सर्वोच्च न्यायालय इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था कोई बता सकता है इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था चीफ जस्टिस इसके जो पहले चीफ जस्टिस हुए कौन थे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे सर एलिजहा इम्फे क्या नाम था इनका सर एलिजहा इम्फे इसके अलावा तीन और न्यायाधीश थे तो जो अन्य न्यायाधीश थे वो कौन थे तीन और न्यायाधीश थे वो कौन थे एक का नाम था चैंबर्स ठीक है एलिजहा इम्पे एलिजहा इम्पे ठीक है प्यार मोहब्बत के केस का निपटारा नहीं दीवानी मतलब रुपया पैसा संबंधित जो होता है जमीन हड़प लिया दीवाल खा गए ये वाले ठीक है तो आ, तो मैंने आपको बताया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके तहत जो है सत्रह में एक सर्वोच्च न्यायालय स्टैब्लिश हुआ जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजहा इम्फे थे इसके अलावा तीन और न्यायाधीश थे जिसमें से एक था चैम्बर्स दूसरा था लिमिनेस्टर और तीसरे थे हाइट ठीक है ये प्री शेड्यूल लेक्चर था भैया बताओ अभी तक पता ही नहीं चला आपको बघेल जी ये दो दिन से प्रीशेड्यूल था भाई कल से ही था मतलब कल था आज रहा ठीक है तो इसमें जो न्यायाधीश थे उसमें एक एक नाम आप चैम्बर्स लिख लीजिए चैम्बर्स एक न्यायाधीश थे दूसरे जो न्यायाधीश थे उनका नाम था लिमनेस्टर लिमैनस्टर लिमैनस्टर ठीक है ऐसे और तीसरा नाम यहां पे लिख सकते हैं हाइड ये तीन जज और थे और ये एक थे एलिजा यानी कि चार लोगों का थ्री प्लस वन का ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टैब्लिश किया गया था और ये जो सर एलिजा इम्फे थे ना ये वॉरन एस्टिंग्स के अच्छे खासे मित्र थे तो अभी इनकी मित्रता के गुण भी मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कुछ घपलेबाजी भी करी थी तो उस घपलेबाजी के ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे तो बेसिकली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि यहां पर इन्होंने किए हैं कुछ कोर्ट्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता के रहने वाले जितने भी भारतीय थे वो सब आते थे और सारे अंग्रेज भी आते थे यानी इसका न्यायिक क्षेत्र जो था सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत कौन कौन आ रहा है कलकत्ता में कलकत्ता में रहने वाले रहने वाले सभी भारतीय एवं इसके अलावा जो अंग्रेज थे जो भी अंग्रेज वहां रह रहे हैं वो भी जो है इसके अंदर शामिल होते थे यहां तक बात समझ में आ गई हाँ या नहीं क्लियर है सभी को तो इस तरीके की चीजें हमको वहां पर देखने को मिल जाती हैं कि इस इसमें इस मतलब इसके ज़िरोज़िक्शन के अंतर्गत देखा जाए तो ये एरियाज जो है वो कवर होते थे सिंपल सी बात है अब हां ऐसा नहीं था कि इस सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता के बाहर का कोई न्यायिक कोई व्यक्ति जो है न्याय पाना चाहता हो तो उसे नहीं मिलेगा मिलेगा लेकिन उसके लिए एक शर्त थी कि जो दोनों पक्ष हैं उसको इसकी स्वीकृति देनी पड़ेगी अगर दोनों पक्षों की रजामंदी है कि हमारी सुनवाई कलकत्ता न्यायालय में की जाए तो कलकत्ता से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति की सुनवाई कलकत्ता न्यायालय में हो जाती थी कानून की अगर हम बात करें तो कानून जो है इसमें अंग्रेजी लगता था अंग्रेजी कानून साधारण अव्वल तो इसमें जो है अंग्रेजी <coughs> कानून इसमें लगाया जाता था ठीक है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद भी इसके अंतर्गत आते थे किसके अंतर्गत गवर्नर जनरल और किसके अंतर्गत नंद कुमार को फांसी दिलाया था हेस्टिंग्स ने हाँ अभी चर्चा करते हैं उसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं दोनों विषयों पर भी चर्चा कर लेते हैं ठीक है बहरहाल यहाँ पर यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है वो सब नोट कर ली होंगी शायद आपने अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे अंग्रेजी कानून इसमें चलता था इसके अलावा सदर निजामत की बात करें सदर निजामत हुआ करती थी सदर दीवानी अदालतें हुआ करती थी इन जगहों पे जो कानून चलते थे वो स्थानीय कानून चलते थे स्थानीय कानून मतलब अगर हिंदू पक्ष है तो हिंदू कानून के अनुसार और मुस्लिम पक्ष है तो मुस्लिम पक्ष के जो चीजें हैं वो इस पर लागू होती थी एस्टिंग्स जो है वो हिंदू और मुस्लिम जो विधियां थी उनको एक किताबी रूप में भी लेकर के आना चाहता था इसके लिए उसने प्रयास भी किए थे सत्रह में संस्कृत में एक पुस्तक जो है कोड ऑफ जेंटो लॉज जो है छापी गई थी तो इसी के समय में कोड ऑफ जेंटो लॉज इसके बारे में पूछा जा सकता है तो कोड ऑफ जेंटो लॉज जो है वो इसी के समय में छापी गई थी सत्रह सो इक्यानवे में अगर हम बात करेंगे तो विलियम जोन्स का नाम आप ले सकते हैं आ, इसके अलावा जो है कोलब्रुक का नाम ले सकते हैं इन लोगों ने भी कई सारी किताबें जो है वो छापने का प्रयास किया था इसके अलावा फतवाए जो आलमगिरी है उसका भी अंग्रेजी में अनुवाद कराने का इसके समय में प्रयास किया गया था बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल नाम दिया गया तो मैनी ऑफ मद्रास के गवर्नर को क्यों नहीं मम्मई और ए? क्या पूछना चाह रहे हैं भाई ड्रीम आई जी आपका बात नहीं समझ में आया मुझे अच्छा बंबई और मद्रास के गवर्नर को क्यों नाम नहीं दिया गया वो इसलिए नहीं दिया गया कि ऐसा हुआ कि सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में बंबई और मद्रास का जो मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है उसको बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंदर मर्ज कर दिया गया था तो बंगाल की प्रेसिडेंसी बड़ी हो गई थी वैसे तीनों जगहों पर गवर्नर हुआ करते थे बंगाल में भी गवर्नर थे मद्रास में भी गवर्नर थे और बंबई में भी गवर्नर थे लेकिन क्योंकि बंगाल के गवर्नर को मुंबई और ये बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी उसके अंदर में मर्ज कर दी गई तो इन दोनों जगहों पर तो रह गए गवर्नर और इनके ऊपर वाला जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बोल दिया गया क्योंकि एक गवर्नर के अंदर तो दोनों गवर्नर नहीं आ सकते हैं इसलिए उस वाले पद को थोड़ा बड़ा किया गया इसलिए इनको गवर्नर जनरल कह दिया गया ठीक है इसलिए इनको क्या कह दिया गया गवर्नर जनरल कह दिया गया तो यह आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल गवर्नर से थोड़ी बड़ी पोस्ट है उसमें दो दूसरे गवर्नर जो हैं वो इंक्लूडेड हैं कौन कौन से बंबई और मद्रास के गवर्नर सिंपल सी बात ये है चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं ये तो वॉरेन हेस्टिंग्स के हो गए सुधार लेकिन वॉरेन एस्टिंग्स के कुछ अनैतिक कार्य भी थे कुछ झगड़े वगैरह भी हुआ करते थे रात को एक गुप्त बात बता दीजिए अब भाई इसके लिए तो थोड़ी मेहनत होती है इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जो बार बार आपको करनी ही पड़ेगी और कोई दूसरा उपाय नहीं है अगली हेडिंग डालिए हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स और हेस्टिंग्स और जो वॉर हेस्टिंग्स सत्रह सौ में काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल कह रही है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के अलावा उसमें चार सदस्य और थे यानी टोटल मिला के पांच सदस्य थे तो उनके अपने सदस्यों के साथ झगड़े होते रहते थे। तो उसी परिषद के बारे में झगड़े कैसे होते थे जरा उसको देख लेते हैं एक बार इसको ऐसे ओरली सुन लेना इसमें कुछ खास लिखने वाली बात नहीं है इसको ऐसे ओरली सुन लेना जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके अनुसार भारत में भारत का जो शासन है उसका कार्यभार सीधा किसके ऊपर गया वो गवर्नर जनरल के ऊपर गया और वो भी बंगाल का गवर्नर था वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल उसके ऊपर गया ठीक है अच्छा डाटा काम आ गया बारह बजे रिचार्ज हो गया होगा तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अनुसार क्या हुआ शासन जो है वो गवर्नर जनरल को संभालना था और गवर्नर जनरल इस शासन को संभालने के लिए गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए काउंसिल बनाई गई थी काउंसिल में चार सदस्य थे चार सदस्यों वाली काउंसिल थी जो गवर्नर जनरल की सहायता करती थी और काउंसिल का जो अध्यक्ष था वो गवर्नर जनरल ही होता था यानी कि उस काउंसिल का अध्यक्ष जो है वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ बात समझ में आई कि नहीं आई वॉरेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए चार सदस्यों की काउंसिल थी काउंसिल का जो अध्यक्ष था वॉर था जनरल ही काउंसिल का अध्यक्ष बनेगा तो अब जो निर्णय लिए जाते थे वो थे वो गवर्नर जनरल को होते लेकिन गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय काउंसिल के बहुमत से ही ले सकता था यानी बहुमत के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता था उसको बहुमत काटने का अधिकार नहीं था यानी वीटो करने का अधिकार उसके पास एक तरीके से नहीं था अब परिषद के पास अगर हम देखें अगर सभा करनी है असेंबल होना है परिषद को तो इसका मतलब यह हुआ कि परिषद को असेंबल होने के लिए कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए अगर तीन सदस्य बैठे हैं तो परिषद अपनी कार्यवाही कर सकती थी तो जो पांच सदस्य हैं वो कौन हैं उनकी अगर हम बात कर लें पांच सदस्य में एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स है और एक वॉरेन हेस्टिंग्स का दोस्त है जिसका नाम है बोरवेल बोरवेल और वॉरेन हेस्टिंग्स ये दोनों पहले से ही भारत में थे ध्यान से सुनिएगा वॉरन हेस्टिंग्स और बोरवेल ये दोनों लोग भारत में पहले से ही थे इसमें से वॉर हेस्टिंग्स तो गवर्नर जनरल है बोरवेल उन चार सदस्यों में से है जो गवर्नर जनरल काउंसिल में शामिल है अब बचे तीन लोग इन तीन में एक था क्लेवरिंग एक था फ्रांसिस और एक था मॉनसन मॉनसन जॉनसन ऐसे कुछ ना मॉनसन नाम है शायद तो क्लेरिंग फ्रांसिस और मॉन्सन और बोरवेल ये चार सदस्य हैं जिसमें से बॉर्वेल जो है वो हेस्टिंग्स का दोस्त है अब बचे तीन अभी जो तीन थे क्लैवरिंग फ्रांसिस और मॉन्सन जो थे ये 1774 में भारत आए थे इंग्लैंड से ये पहले से भारत में नहीं थे तो इनको भारत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन ये एक ऐसी छवि के साथ में आए थे ऐसा दिमाग में इनके था कि वॉरन हेस्टिंग्स बहुत ही गद्दार है आ, मतलब बहुत ही फ्रॉड है व्यक्ति ये बहुत ही धोखेबाज है इसने बंगाल को जो है नष्ट कर रखा है तो बहुत ही भ्रष्टाचारी है ऐसी धारणा के साथ में लोग आए थे इसमें से सबसे ज्यादा जो उत्तेजक था वो था फ्रांसिस बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था और जब वो कलकत्ता में आया पहली बार तो काउंसिल में इसका स्वागत नहीं किया गया तो इस बात से बहुत अड़ गया पहले दिन से ही मतलब एक तरीके से वॉरन एस्टिंग से ऊपर वो खफा हो गया कि यार तुम्हारी काउंसिल में आए हुए हैं तुम पता नहीं कैसे जो है गवर्नर जनरल तुमने स्वागत ही नहीं किया अपने आके आने वाले लोगों का तो इस तरीके से इनके आपस में बहुत सारे झगड़े होते रहते थे और इसीलिए ये तीनों प्लान करके किसी ना किसी तरीके से अब बहुमत होना होता तो ये तीनों जो है एक साथ एक मत करते थे बाकी के दो दो हैं भाई ये बात मुझे अब इरिटेट कर रही है सिंपल सी बात है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ये क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपसे अनुरोध है या तो नंद को सुना दो या यहां से गिना दो बदतमीजी कर रहा है कौन है ये नंद और क्या बदतमीजी कर रहा है ये कौन हो आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है ये नंद मैं देख लेता हूं तेरा एक मिनट कौन व्यक्ति है ये नंद पर यहां पे नंद नाम का तो कोई दिख ही नहीं रहा नंद झा शिवानी चली गई क्या यहां से बड़ा नंद झा मेरे भाई मेरे भाई जरा समझो बात को यार रात में एक बजने वाले हैं यहाँ सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यार वर्चुअल क्लास को ऐसे मतलब सार्वजनिक बेजती कर दूंगा कहीं के नहीं रहोगे अभी ठीक है सिंपल सी बात है पढ़ने आयो पढ़ लो मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं कि आप यहां से कुछ भी बोल के चले जाओगे अभी ब्लॉक करा दिया जाओगे सिंपल सी बात ये है पहली बात तो डिस्टर्ब नहीं करो आप प्लीज कोई भी एक व्यक्ति आपको मतलब और दूसरी बात है आकाश तुम ध्यान क्यों दे रहे हो क्यों ध्यान दे रहे हो अपनी पढ़ाई करो इधर आप अपनी इधर पढ़ाई करो सिंपल सी बात है इधर उधर कहीं पे ध्यान मत दीजिए आप लोग और भाई साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है ये शिवानी चली गई या फलानी ढिकानी चली गई बेटा अपनी पढ़ाई करो ना आप ठीक है आप अपनी पढ़ाई करो और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ से चले जाओ कोई दिक्कत थोड़ी है और मेरी टीम में यदि अगर कोई जग रहा हो मतलब स्टडी आईक्यू की टीम में अगर कोई हो तो ये नंद झा जो है इनको जरा ब्लॉक कर दिया जाए ये फिर बार बार शैतानी कर रहे हैं अलग अलग लोगों का नाम लेकर के उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं ये भाई लड़कीबाजी अगर करनी है इस तरीके के काम ही करने तो फिर ये इसके लिए स्टडी आई के इस प्लेटफॉर्म पर आके करने की क्या जरूरत है भाई इतनी रात में आपको डेडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं टीचर यहाँ पढ़ा रहा है आपके लिए आप सिविल की तैयारी करने यहां पर आए हैं कि ये क्या कर रहे हैं मजाक थोड़ी चल रहा है यहां पर मैं कमेंट्स इसलिए ऑन किया हुआ हूं कि आपको तत कुछ कुछ बच्चे जो है रिस, रिस्पेक्टिवली कुछ चीजें पूछ रहे हैं तो वो मैं लगातार बता रहा हूं आप उसके बीच में इस तरीके की चीजें करोगे तो मैं कॉमेंट देखना ही बंद कर दूंगा फिर तो मेरे लाइव आने से कोई मतलब ही नहीं है रिकॉर्ड कर दूंगा वीडियो कल से देख लेना और क्या है फिर तो लाइव आने का कोई मतलब ही नहीं है तो हेस्टिंग्स और वॉरन हेस्टिंग्स और उसके परिषद के झगड़े इसी तरीके से होते रहते थे, थे कि वो जो क्लेवरिंग है फ्रांसिस और मॉरिसन हुआ करते थे ये वॉरन हेस्टिंग्स के किसी भी काम को सेट नहीं होने देते थे और क्योंकि बहुमत से निर्णय होता था तो वो निर्णय कर नहीं पाता था अब इसे खींच जाती थी इस बात पर बार बार लेकिन ये हुआ कि कुछ समय बाद आगे चल करके क्ले, क्ले, क्या नाम है क्लेवरिंग और मॉनसन जो है उसकी डेथ हो गई और फ्रांसिस जो है उसका डायरेक्टली जो है हाथापाई हो गई हेस्टिंग से और वो यहाँ से वापस चला गया ठीक है और वो यहाँ से क्या हो गया वापस चला गया ठीक तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वॉरन एस्ट्रिंग्स के आपस में बहुत सारे झगड़े होते रहे लेकिन बाद में वॉरन एस्ट्रिक्स को जो है वो फायदा मिला क्योंकि बाकी के प्रतिद्वंदी जो थे वो अपने आप ही इसके रास्ते से हट गए तो इस तरीके की इसीलिए मैंने कहा कि इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है इसको ऐसे ही सुन लो कि इसके परिषद के साथ कुछ झगड़े होते थे अब जो लिखने लायक है वो एक और चीज है वो आप वो आप लिख सकते हैं कुछ इसके अनैतिक कार्य थे अनैतिक कार्यों में सबसे पहले एक है इसके अनैतिक कार्य लिखिए अनैतिक कार्य इसके अनैतिक कार्य वॉरन हेस्टिंग्स के अनैतिक कार्य अब वॉरन हेस्टिंग्स के अनैतिक कार्यों में एक नाम लिखेंगे आप नंद कुमार को फांसी की सजा देखो नाम ही आ गया नंद कुमार को फांसी <laughs> नंद कुमार को फांसी की सजा दी किसने दी वॉरेन हेस्टिंग्स ने ठीक है ठीक है समझ में आ रही बात हाँ यानी ये जो नंद कुमार है इसको फांसी की सजा दी गई अब ये इसको फांसी की सजा किस लिए दी गई कैसे दी गई इसके बारे में छोटी सी कहानी मैं आपको बता दे रहा हूं नंद कुमार जो थे ये बंगाल के एक समुद्र ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति थे और इन्होंने 11 मार्च सत्रह को वॉरन हेस्टिंग्स पर एक अभियोग लगाया नंद कुमार ने नंद कुमार ने ग्यारह मार्च सत्रह <coughs> सौ को हेस्टिंग्स पर हेस्टिंग्स पर अभियोग लगाया अभियोग ठीक है अब क्या अभियोग था इसके बारे में जरा जान लेते हैं इसके ऊपर इसने अभियोग लगाया अभियोग यह लगाया कि इनके ऊपर आरोप लगाया आरोप अभियोग लगाया कि भाई इन्होंने इन्होंने मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया है मीर जाफर की जो विधवा पत्नी है मुन्नी देवी या मुन्नी बेगम मुन्नी बेगम को आपको मैंने बताया था कि मुबारिज दौला की संरक्षिका बताया बनाया गया था तो इसने आरोप लगाया क्या नाम है नंद कुमार ने कि मुन्नी देवी को ये जो संरक्षिका का पद मिला है ये घूस देकर के मिला है और इसके लिए वॉरन एस्टिंग्स ने मुन्नी मुन्नी बेगम से साढ़े तीन लाख रुपए का घूस लिया है ठीक है तो साढ़े तीन लाख रुपए का जो घूस लिया है उस घूस का आरोप इनके ऊपर लगाया गया और उस समय क्या होता था कि दो तीन सजाएं ब्रिटेन में ऐसी थी जैसे कि घूस लेने की सजा जैसे कि जालसाजी की सजा इन सब में बहुत कड़ी सजाएं मिला करती थी इन सब आरोपों पर अगर सिद्ध हो जाए तो तो एक तरीके से बहुत बड़ा आरोप इनके ऊपर लगा दिया गया था लेकिन यह बिल्कुल बौखला गया और इसने क्या किया जो वॉरेन था, इसने क्या किया? अपने कुछ सहयोगियों की सहायता से इसने नंद कुमार के खिलाफ ही जो है कुछ कार्यवाही कर दी जैसे कि एक कमालुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को तैयार किया कमालुद्दीन जो था वो इन्हीं का नंद कुमार का ही गवाह था और इस गवाह से वॉरन हेस्टिंग्स ने यह कहलवा दिया कि आप कह दो कि इसने जोर जबरदस्ती करके हमको गवाह तैयार करवाया है तो कमालुद्दीन ने कहा कि हेस्टिंग्स के आ, आ, नंद कुमार के कहने पर दबाव में डाल करके जो है उसने वॉरेन हेस्टिंग्स और बोरवेल के खिलाफ में जो प्रमाण पत्र जो है वो दिए हैं प्रार्थना पत्र जो है वो दिए हैं तो उल्टा आरोप जो है वो किसके ऊपर आ गया नंद कुमार के ऊपर आ गया इसी तरीके से एक और आदमी था जिसका नाम था मोहन प्रसाद उसने जो है इसी बीच नंद कुमार के ऊपर अभियोग चला दिया और नंद कुमार के ऊपर जालसाजी का आरोप लगा दिया जालसाजी का आरोप लगते ही मुकदमा चला और क्योंकि मुकदमा अंग्रेजी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अंग्रेजी कानून से चलना था ब्रिटिश कानून से चलना था और ब्रिटिश कानून में उस समय जो जालसाजी है उसकी सजा मृत्युदंड दी जाती थी जालसाजी मतलब जाली हस्ताक्षर करके किसी चीज की खरीद फरोत करना तो ये जालसाजी का आरोप इसने लगाया मोहन सिंह ने और जालसाजी का मुकदमा मोहन सिंह के कहने पर मोहन सिंह ने नंद कुमार पर कुमार पर जालसाजी का आरोप लगाया जालसाजी का आरोप लगाया और आरोप लगा करके तो मुकदमा हो गया इसके ऊपर मुकदमा हुआ और मुकदमे की सुनवाई किसने करी इम्फे ने करी एम्फे कौन है एलिजा एम्फे वही सुप्रीम कोर्ट का जज और एलिजा एम्फे जो है ये वॉरन का और बर्वेल का मित्र है तो जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया उसमें नंद कुमार को फांसी की सजा दी फांसी की सजा सुनाई गई और आनंद फानंद में सुना दी गई और यहां तक कि उसके जो गवाह वगैरह थे सब झूठे साबित कर दिए गए इस तरीके से वास्तविक रूप में जो था वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो नंद कुमार ने कोई गलत आरोप नहीं लगाए थे नंद कुमार के ऊपर मोहन सिंह ने गलत आरोप लगाए थे उसने कोई सालसाजी नहीं करी थी ये सब चीजें जानते थे लेकिन अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों ने उसको फांसी की सजा दे दी जिसकी यहां से लेकर के ब्रिटेन तक काफी निंदा हुई बेवरिज नाम के एक व्यक्ति हैं ब्रिटिश लेखक हैं उन्होंने इस मृत्युदंड को न्याय की हत्या कहा एक तरीके से न्याय की हत्या हुई है तो नंदकिशोर की जो फांसी है वो एक कह सकते हैं कि इसके अनैतिक कार्यों में से एक काम था अनैतिक कार्य तो इसने किया ही तो उस अनैतिक कार्यों में एक काम जो था वो ये था एक और अनैतिक कार्य था जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं लेकिन मुझे पहले बताओ कि यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई अनैतिक कार्य अगला भी है उसको भी मैं आपको बता रहा हूं एक और अनैतिक कार्य हुआ है लेकिन यहां तक के सारे पॉइंट समझ में आ गए आ, अगला है चैत सिंह चैत सिंह चैत सिंह का मामला आप चैत सिंह का मामला क्या था इसको भी समझ लीजिए यह भी एक अनैतिक कार्य है जो कि वॉरेन नेस्टिंग के अनैतिक कार्यों में से गिरा जाता है पार्टी मीटिंग में प्लीज टेल सर। क्या चीज प्पी लाइफ थैंक यू दिस्ट गाय कुछ कहना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज टेल सर तो क्या पूछना है रहे हैं? एक बार पूछ लीजिए यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई सबको हां या नहीं एक बार जल्दी से बता दो एक बार जल्दी से बता लीजिए यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं बनारस के राजा चैत सिंह है हाँ बिल्कुल सही बात है ममता जी ओके कर रही हैं चंद्रशेखर जी हैं यस सर बोल रहे हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है ठीक है ओके आगे बढ़ा जाए अब आगे बढ़ते हैं चैत सिंह जो है चैत सिंह ये बनारस के राजा थे बिल्कुल सही कहा किसी ने यहां पर लिखा था भी थोड़ी देर पहले कि चैत सिंह जो है वो बनारस के राजा थे बिल्कुल सही बात है तो चैत सिंह बनारस के राजा थे अब देखिए ये केस भी बहुत बढ़िया केस है सर अभी मैं बारह पास करे लूंगे बा में क्या क्या सिलेबस है ऐसा लिखी हो सुमित समझ में नहीं आ रहा है जल्दीबाजी में नींद में लिखा है क्या ऐसे टाइप होता चला गया अपने आप अच्छा शुरुआत का तो सही लिखा है सर अभी मैं बारह पास कर यहां तक तो जगते हुए लिखा है उसके बाद उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ सो गए हो सर सही से लिखो फिर से पूछना क्या चाहते हो चलिए तो आ, आगे बढ़ते हुए तो आगे बढ़ते हुए चैत सिंह के मामले में चलते हैं अब देखिए बनारस का राजा जो चैत सिंह है ये क्या था ये आ, ये पहले जो है ये अवध के राजा के ऊपर अवध के नवाब जो हुआ करते थे उनके आश्रित थे आश्रित का मतलब ये है कि अगर इनके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो बनारस के राजा का संरक्षण करने का काम अवध के नवाब करते थे इसके बदले में चैत सिंह जो है वो अवध के नवाब को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देते थे या वार्षिक कर वगैरह युद्ध का जो हरजाना वगैरह वो सब चुकाया करते थे मेरी बात समझ में आ रही है ना मोटे मोटे तौर पर मतलब बनारस का जो राजा थे वो अवध के राजा के ऊपर डिपेंडेंट थे और बनारस के राजा अवध के राजा को इसी बात के लिए साढ़े बाईस लाख रुपए वार्षिक पैसा देते थे समझ में आ गया हा यानी हाँ फोर्सेस कंट्रीब्यूट करने के लिए फोर्स किया गया लेकिन फोर्सेस कंट्रीब्यूट करने के लिए फोर्स नहीं किया गया था मेन मेन बात जो थी वो थी पैसा कैसे थी उसी कहानी को यहां पर सुनिए तो मैंने बताया कि बनारस का राजा जो चैत सिंह था वो पहले अवध के राजा का आश्रित था लेकिन 1775 में लेकिनउदौला की डेथ हो गई शुजाउदौला कौन था अवध का नवाब शुजाउदौला अवध के नवाब थे जिनकी सत्रह में मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद अगला जो नवाब बना उसका नाम था आसफ नाम याद रखेंगे कि नहीं फिर से सुनिए अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला 1775 में जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जगह पर आसफउद्दौला गद्दी पर बैठा और आसफउद्दौला के ऊपर दबाव बनाया गया कि चैत सिंह से जो तुम पैसा लेते हो अपने ऊपर आश्रित बनाने के लिए वो मत लो और चैत सिंह कंपनी को ये पैसा देगा अवध के नवाब को ये बात मानना पड़ा क्योंकि आपको मालूम है कि 1764 का जो बक्सर का युद्ध था उसमें अंग्रेजों की सहायता करने के लिए बंगाल के नवाबों ने रजामंदी की थी तो आसफ गया तो जो चैत सिंह जो अभी तक पैसा अवध के नवाब को दे रहा था अब वही चैत सिंह यही पैसा साढ़े बाईस लाख रुपया कंपनी को देगा और उससे साइन करवाया गया कि अगर चैत सिंह ये साढ़े बाईस लाख रुपए वार्षिक अवध को ना दे करके कंपनी को देता रहेगा तो आगे कभी कोई अतिरिक्त कर या कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा आपका एरिया जो है संरक्षित रहेगा सुरक्षित रहेगा ऐसा संधि में कहा गया 1775 में बात समझ में आया कि नहीं यह स्पष्ट कर दिया गया कि कोई अतिरिक्त जो है पैसा या रकम वगैरह नहीं देनी होगी लेकिन हुआ ये कि अंग्रेज जो थे इस बीच लगातार मराठों से और लगातार मैसूर से युद्ध अभियान में बिजी थे और इसके कारण उनका बहुत सारा जो पैसा था वो खराब हो गया था यानी धन की बहुत हानि हो गई थी धन की कमी पड़ गई थी इसलिए हेस्टिंग्स जो है वो वो क्या करने लगा अनायास ही अन्याय संगत तरीके से कार्य करते हुए उसने 1778 में राजा चैत सिंह से पांच लाख रुपया युद्ध के कर के रूप में मांगा आप समझो वॉरन ने वॉरेन ने चैत सिंह से या कहीं कहीं चेत सिंह लिखा रहता है 1778 में 1778 में युद्ध का कर के रूप में पांच लाख रुपए मांगे पांच लाख रुपए आप सोचिए साढ़े बाईस लाख रुपए तो आश्रित होने की रकम वो दे रहा है पांच लाख रुपए इनसे कहा गया कि अलग से दीजिए क्योंकि युद्ध बहुत हो रहे हैं तो उसका खर्चा पानी हमको निकालना पड़ता है जबकि सत्रह में कहा गया था अलग से कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा तब भी इसने मांगा स्वाभाविक सी बात है कि ने इसको कर दिया इसके बाद वॉर एस्टिंग्स ने 1779 में सत्रह में फिर से पांच लाख की डिमांड करी फिर से पांच लाख मांगा और अब की बार अब की बार पांच लाख के साथ साथ क्योंकि पिछली बार पांच लाख रुपए नहीं दिया था तो इस बार पांच लाख रुपए भी दीजिए और दो लाख रुपए जुर्माना भी दीजिए दो लाख जुर्माना भी दीजिए तो दो लाख रुपए जुर्माना भी इसने मांगा ठीक है ठीक है समझ में आया कि नहीं आया यहां तक बात सबको समझ में आ रही बहुत आसानी से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं बहुत साधारण भाषा में अब इसके बाद क्या हुआ 1780 में 1780 में 1780 सो में यहां दिखाई दे रहा है कि नहीं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं यहां लिख देता हूं इस जगह पर 1780 में यानी कि 1780 में चेत सिंह ने सोचा या चैत सिंह ने यह सोचा कि यार ये तो बड़ा लालची है और हम कर भी क्या सकते हैं मेरे पास अपनी आर्मी तो है नहीं तो भाई एक काम करते हैं कि पांच लाख रुपए मांगे दो लाख रुपए जुर्माना करें तो एक काम करते हैं दो लाख like रुपए घूस के रूप में भर देते हैं और इसे कहते हैं पांच लाख रुपए मत लो तो इसने दो लाख ,000 रुपया जो है वो घूस दी दो लाख घूस दी किसको हेस्टिंग्स को हेस्टिंग्स को और वॉरेन हेस्टिंग्स को जो ये दो लाख रुपया घूस दिया इस दो लाख रुपया को वॉरेन हेस्टिंग्स ने रख लिया लेकिन इसके बावजूद भी वॉरेन एस्टिंग्स ने अब कहा कि क्योंकि तुमने अभी भी यह काम पूरा नहीं किया ऊपर से दो लाख रुपए घूस देकर के तुम हमको निपटाना चाह रहे हो सस्ते में तो इन्होंने कहा कि अब तुमको और पेनाल्टी लगेगी और दो लाख रुपया रखेंगे अलग तो तो इसने दो लाख रुपए रख करके चेत सिंह के ऊपर पांच लाख रुपया जो कंटिन्यू था मूलधन में यहां से चला आ रहा था जो पांच लाख रुपया 2000 सैनिक ये मांगे और अब राजा ने इस रुपए को और 2000 सैनिकों को देने में आनाकानी शुरू कर दी और जब आनाकानी शुरू कर दी तो वॉरन एस्टिंग्स ने अपनी अवज्ञा का इसके ऊपर आरोप लगाया और इस आरोप के लगाते ही इसके उसके ऊपर जो जुर्माना लगा वो 50 लाख का लगा कितने का लगा 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा 50 लाख रुपए जुर्माना लगा करके सेना तैयार करके बनारस की ओर चल पड़ा कि भाई साहब अब तुमसे हम 50 लाख रुपया भी वसूलेंगे और तुमको हम युद्ध में हराएंगे भी तुम्हारे लोगों को मारेंगे सो अलग अब इतनी बड़ी सेना और इतनी बड़ी चीजों को देख करके अपने राज्य की सुरक्षा के लिए यह बनारस से इनकी तरफ मिलने के लिए आया और प्लासी के युद्ध में शायद कि बक्सर प्लासी के मैदान में या बक्सर के मैदान में कहीं मुलाकात हुई ऐसी ही जगह कहीं पे मुलाकात हुई और जब मुलाकात हुई तो चैत सिंह ने अपनी पगड़ी निकाल करके इसके पैरों में रख दी और उस समय ने कहा कि देखो यहां पर ये सब बात नहीं करेंगे वहीं बनारस चलो वहीं बात करेंगे ये रास्ते में आकर के पगड़ी उगड़ी ना रखो हमारे पैर में तो चैत सिंह वहां से वापस चला गया और जब ये बनारस पहुंचा तो बनारस में इसको बंदी बना लिया गया चैत सिंह को हालांकि चैत सिंह किसी तरीके से छूट गया और छूट करके वहां से वो ग्वालियर भाग गया ठीक है तो पचास लाख रुपए का जुर्माना इस तरीके से वसूलने का प्रयास किया उसने अब क्योंकि चैत सिंह भाग गया तो उसकी जगह पर उसके भतीजे महीप, महीप इसका भतीजा था आ, भतीजे का नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा भाई इसका भतीजा था महीप महीप ही नाम याद आ रहा है महीप महीप राय महीप महीप नारायण इसके भतीजे का नाम है महीप नारायण इसका भतीजा था महीप नारायण ये महीप नारायण जो है इसको जो है राजा बना दिया इसने इसको क्या बना दिया इसने राजा बना दिया और इससे कहा कि अब तुम चालीस लाख रुपए दोगे दस लाख रुपए कम कर दिए चालीस लाख रुपए अब तुम जो है चालीस लाख रुपए दोगे इनसे कहा चालीस लाख रुपए वार्षिक दोगे और इसने स्वीकार किया और ये राजा बन गया लेकिन कुछ ही समय बाद ये राजकोष से रुपया पैसा लेकर के भाग गया फरार हो गया <coughs> उसके बाद कुछ सेना वगैरह थी उस सेना वगैरह ने क्या किया कुछ लूटपाट करी वो सारा धन लेकर चले गए सारा धन लेकर वहां से लूटपाट करके चले गए तो कुल मिलाकर के इनको मिला कुछ नहीं अधिकला भर कुछ नहीं मिला इस काम को भी चैत सिंह के ऊपर इस तरीके का जो काम किया यह भी पूरी तरीके से अनैतिपूर्ण था स्मिथ ने कहा है कि यह एक अन्यायपूर्ण कार्य था बुद्धिमत्ता से ही हीन कार्य था यह जो इसने वॉरेन एस्टिंग्स ने किया है वॉरेन एस्टिंग्स को कुछ मिला नहीं राजा भाग गया सैनिकों ने लूटपाट कर ली और कंपनी जो है उसको यहां पर युद्ध करना पड़ा तो कंपनी को युद्ध में पैसा और बर्बाद हुआ तो हाँ महीप नारायण सही बात लिखा बेटा जितेंद्र तुमने तो भाई यहां पे एक तो तो यहां पे एक तो भाई आप देखिए चैत सिंह से नुकसान हुआ ठीक है समझ में आ रही बात जो चैत सिंह से इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पैसा लेने गए थे पैसा जो है और चला गया इन, इनका जो है तो अब जो है अब नई चाल चली इसने अब इसने नई चाल चली अब ये नई चाल क्या थी बनारस से इसकी निगाह जब हटी या बनारस से जब इसको कोई फायदा नहीं हुआ तो इसकी निगाह जो है अब अवध पे गई अब अवध पे जब निगाह गई तो आसफुद्दौला वहां पर है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था लेकिन यहां पर एक हेडिंग डालेंगे आप अवध की बेगमे अवध की बेगमों के प्रति भी इसने अत्याचार किया अब अवध की बेगमों के प्रति कैसा अत्याचार है जरा उसको देखो क्या हुआ लग रहा है विजय माल्या खानदान से सब लेके भागी <laughs> नहीं अनिशा तेईस के बाद एडमिशन नहीं होगा इसीलिए यहां पर लिखा है अंतिम तिथि है तेईस फरवरी ठीक है आप में से कोई भी व्यक्ति जो इस कोर्स को खरीदना चाहता है अच्छा बताइए आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है और डिटेल में डीपली पढ़ने के लिए आप उस बैच को ज्वाइन करिए उस बैच में आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे मेरे मैं भी देखिए हैंड रिटन ही आपके सामने यहां पर लिखता हूं ये वाले हैंड रिटेन नोट्स के अलावा फ्लो चार्ट में बने हुए हैंड रिटेन नोट्स भी अगर आपको मिलेंगे अभी आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और बैच जब होगा तो उसमें आप हमारी आवाज़ सुन पाएंगे हम आपकी आवाज़ सुन पाएंगे सबसे बढ़िया जो फायदा है वो मैं आपको बता दूं इस लाइफ फाउंडेशन बैच का जिसमें आपको आगे चल करके बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और वो फायदा ये है कि मालूम है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती प्री को लेकर के उतनी समस्या नहीं आती है प्री में क्या होता है कि आप मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं आप उसको पढ़ते हैं ध्यान से तो आपका प्री निकल जाता है समस्या आती है जब आप मेंस दे रहे होते हैं और कोई भी यहाँ पर प्रिपरेशन कल प्री की तो कर नहीं रहा होगा सभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं <laughs> नींद अब बेटा यहाँ से अगर हम चाय भेज पाते तो तुमको भेज देते हैं ना लेकिन यहाँ से तो बल्कि तुम गुरु को चाय दी जाती है गुरु से चाय ली जाती है मतलब तुम्हारे यहां टीचर तुमको पढ़ाने आता तो तुम उसको चाय पिलाती थी कि तो से बनवा के पिला लेती पी लेती थी ठीक है तो ये चीज था दस मिनट आराम दे देंगे ना तो इसी दस मिनट में न जाने कितने सो जाएंगे मालूम है आपको इसी दस मिनट में बहुत सारे लोग सो जाएंगे क्योंकि नींद ऐसी चीज होती है ना इसको जरा सा आराम दोगे वो तुम्हारे शरीर पे हावी हो जाएगी तो आ, धन्यवाद गौतम तो उसमें सबसे बढ़िया जो फीचर है वो ये है कि मेंस में आपको आ, आप आंसर राइटिंग जब आप करते हैं जैसे सर जैसे मान लेते हैं कि मैं यही पढ़ा रहा हूं अब मैं आपसे कह दूं कि वॉरेन हेस्टिंग्स की नीतियों का वर्णन कीजिए अब उसमें पॉजिटिव निगेटिव करके कुछ भी मैं आपसे पूछ सकता हूं बड़ा सा क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन कुछ बना सकता हूं अब मैंने कह दिया कि इसका मेन्स में आंसर लिख करके लाइए अब पता चला कि आप आंसर लिखने से डर रहे हैं और किसी तरह लिख भी ले रहे हैं तो आपको मन में शंका हो रही है कि यार कैसे दिखाएं अभी सबके सामने दिखाएंगे तो बड़ी परेशानी होगी सर डांटेंगे बताओ ये लिखा ऐसा करा तो ऐसा है कि उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है इतना शानदार मेंटरशिप प्रोग्राम है कि आपसे एक मेंटर अलग से बात करेगा और सिर्फ आप ही तक सीमित रहेगा वो और बताएगा भाई साहब इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे ऐसे और आपके पीछे पढ़ करके आपको सही से पढ़ाने का प्रयास मतलब सही से लिखने का प्रयास करेगा एक दिन आप देखेंगे धीरे धीरे अंदर आपके आपके अंदर से भय निकल जाएगा और आप मेंस में अच्छी तरीके से लिख पा रहे होंगे आईएएस आईपीएस बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं और प्रेजेंट टाइम में आईएएस आईपीएस वर्किंग जो हैं उन सब से हमारे जो पूरी टीम है उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है समय समय पर उनको हम आपके समक्ष लेकर के आते हैं उनसे बातचीत कराएंगे आप उनसे सीखेंगे पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी करी कैसे डिमोटिवेशन आता है तो कैसे उसमें हम मोटिवेशन का पार्ट निकाल करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं डिमोटिवेट नहीं होते हैं तो ये सब चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी जो यूनिक प्रोग्राम है और मतलब इन सब चीजों को अगर हम ओवरऑल कॉस्टिंग करें तो एक लाख रुपए से ऊपर जाती है परंतु ये आपको अगर ये कोड आप लगाते हो मेरा कोड लगाते हो या फिर किसी भी फैकल्टी कोड लगाते हो विरल लाइव ये कोड है मेरा लगाओगे, तो आपको अट्ठारह मिलेगा अदरवाइज ये तकरीबन तीस के आसपास ऐसे ही कुछ है तो उसको आप कर सकते हो सर मैं बी में हूं क्या सब्जेक्ट लू बी में हो सब्जेक्ट तो जो जि, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो जिसको आप पढ़ सकते हो इसमें सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले देखो आप देखो कि कौन से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन किसमें आपका इंटरेस्ट जाग सकता है बी में आपने कुछ भी सब्जेक्ट लिया उस समय जैसे मान लेते हैं बी में आपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिया अब आपने क्वेश्चन पेपर देखा कि यार हिस्ट्री हम ज्यादा अच्छे सॉल्व कर सकते हैं इकोनॉमिक्स से अच्छा तो आप हिस्ट्री ले लो कोई बाउंडेशन थोड़ी है सर सीतापुर सिटी से बहुत सारा प्यार बहुत 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 धन्यवाद आपका इतने सारे प्यार के लिए सर एप्लीकेशन की क्लास पर ऑडियो और वीडियो दोनों कॉल होती है दस मिनट तक लाइव हाँ ऑडियो वीडियो दोनों क्लास होती है और लेकिन बीच में आपको ऑडियो जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आपको ऑडियो बंद कर दिया जाता है जब टीचर आप आप हैंड रेस कर दो आपको कुछ पूछना है आप हाँ, हैंड रेस कर दो फिर वो ऑडियो वीडियो ऑन कर दिया जाएगा आप उनसे पूछ लीजिए जो पूछने हैं कल ऑफिस जाना है लेकिन फिर भी हमारी वजह से आप क्लास ले रहे हैं इंडियन जी का ये कहना है बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखिए कल मुझे भी ऑफिस आना है और अभी मैं आपके लिए रात में उपस्थित हूं कल मुझे भी ऑफिस आना है कल साढ़े पांच बजे आपके सामने उपस्थित होना है है ना <laughs> रात में आप सब लोगों को आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ जगने में आपको ठीक लग रहा है अच्छा लग रहा है मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है आप सब इतने सारे विद्यार्थी यहाँ पर हैं रात भर हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत चर्चा हम कर ले रहे हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट करके थोड़ा अपने कोर्स के बारे में आपको बता दे रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के बारे में आपको बता दे रहे हैं है ना तो बस ये है इसलिए कि थोड़ा आपको जानकारी मिल जाए बाकी नीचे लगातार कर ही रहा है आप देख ही रहे होंगे है ना इसको स्क्रोल में देख रहे होंगे बार बार आप तो उसको देखते रहिए चलिए अब वापस आ जाए अपनी पढ़ाई में वापस आए चले फिर से शुरू किया जाए आगे उसी के अवध की बेगमों के साथ क्या हुआ किस तरीके की ना इंसाफी करिए इसने उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेते देखिए बीस मिनट बीस मिनट क्वेरी के लिए हैं। बी, बीस मिनट क्या मतलब दो घंटे तो ढाई घंटे तो हम लोग जम के पढ़ाते हैं उसके बाद आधे घंटे आपको जो पूछना है पूछो अगर नहीं पूछते हो तो उस आधे घंटे में भी हम आपको पढ़ा ही देते हैं ठीक है और उस समय अगर आपको पूछना है तो जम के पूछिए वो आधे घंटे आपके हैं कोई दिक्कत थोड़ी है चलिए नहीं पाँच से अधिक थे पहली बात तो तेजल और ये दो बचे हुए हैं लेकिन अभी फिर ये संख्या बढ़ेगी मुझे मालूम है एक्चुअली देखिए ऐसा है कि रात में सबने कोशिश करी मेरे बुलाने पर लोग मतलब मेरे इस क्लास में मेरे बुलाने पर लोग आए लेकिन ये ऐसा है कि नींद के ऊपर बहुत जल्दी काबू नहीं होता है ये मैं मानता हूँ ईमानदारी से लोगों ने करने का प्रयास किया कुछ लोगों को नींद आ गई चले गए सो गए लेकिन वो फिर से क्लास कर लेंगे अभी उठेंगे तो क्लास कर लेंगे लेकिन कुछ लोगों की नींद अभी नहीं है मेरे साथ साथ दे रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है अरे कोई भागा नहीं है राहुल कोई दुख की बात नहीं है इसमें परेशान नहीं हो ठीक है देखिए नींद जो है वो सबकी मजबूरी होती है सब लोग रात में नहीं जग पाते हैं मैं समझता हूं इस चीज को ठीक है बीए भी करनी है ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है सोशियोलॉजी ये कोई भी सब्जेक्ट जो है ना अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा ज्यादा सब्जेक्ट अच्छा है तो ये आपके लिए नाइसाफी है आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है ये आपकी च्वाइस होनी चाहिए किसी के कहने से कभी कोई सब्जेक्ट मैं तो कह दू मैथ्स बहुत अच्छा है मैं तो कह दूं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है मैं तो कह दूं कि हिस्ट्री बहुत अच्छा है तो इससे काम नहीं बनेगा बेटा ये आपको सोचना पड़ेगा आदित्य कि आपको कौन सा अच्छा लेना है चलिए शुरू करते हैं अवध की बेगमों के की कहानी ऐसा हुआ कि बनारस में जब असफल हो गया रॉबर्ट क्लाइव माफ कीजिएगा वॉर एस्टिंग्स जब बनारस में असफल हो गया तो उसने उसने अवध की ओर रुख किया और आसफुद्दौला जो कि नवाब था उसके ऊपर कुछ मतलब कंपनी का कुछ बकाया था सफुद्दौला के ऊपर कंपनी का बकाया क्यों था अदा नहीं कर पाया था वो आ, मैंने आपको बताया था कि इन लोगों को क्या करना होता था कि कंपनी की सुरक्षा के कंपनी को मतलब इन राज्यों को अपनी सुरक्षा के बदले कंपनी को कुछ पैसा देना पड़ता था तो ये वो पैसा दे नहीं पाया था वही पैसा शेष था बचा हुआ था तो अब वॉर ने सोचा चलो यही पैसा वसूला जाए बहुत हो गया बहुत दिन हो गया नहीं दिया इसने पैसा तो उस पैसे की अदायगी के लिए उसने जो है आसफुद्दौला के ऊपर दबाव बनाया जब आसफुद्दौला के ऊपर जब दबाव बनाया तो नवाब ने कहा कि भाई देखिए इतना पैसा है तो है नहीं मेरे पास सिंपल सी बात है तकरीबन पंद्रह लाख ऐसे कुछ हो चुका था बहुत ज़्यादा पैसा हो चुका था तो पैसा तो है नहीं मेरे पास अब अगर आपको पैसा चाहिए तो बहुत सारा जो इसकी संपदा थी इसकी जो रुपया पैसा था जो कोष था उसके उसको हड़प लिया था इनकी माताओं ने इसका ये कहना था तो इसकी जो विमाताएं थीं यानी पिता की जो विधवाएं थीं बहू बेगम और दादी बुर्रा बेगम तो बहू बेगम और बुर्रा बेगम पे इसने आरोप लगाया कि इन्होंने पैसा हड़प लिया मेरे पास है नहीं अब अगर आपको पैसा चाहिए तो इनसे किसी तरह से हमारा पैसा दिलवा दीजिए इनका जो कोच है मुझे अधिकार दीजिए कि मैं इनके कोच से पैसा ले सकूं बहू बेगम और बुर्रा बेगम से तो पहले भी ऐसा हो चुका था एक बार तब पचास लाख रुपए वसूले गए थे तो वॉरेन एस्टिंग्स ने क्या किया नवाब का साथ देना तय किया और अवध में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था मिडिल्टन मिस्टर मिडिल्टन जो थे उनको आदेश दिया गया कि आप अवध की बेगमों को अपनी सेना के प्रयोग से ऐसा विवश करिए कि नवाब जो कहें वो इन स्त्रियों को सुनना पड़े मतलब ऐसा कुछ कर दो वहां पे ऐसा कुछ दबाव बनाओ कि इन बेगमों को पैसा जो है वो नवाब को देना पड़ जाए मिडिल्टन ने ऐसा ही किया और इस तरीके से नवाब ने अपने आप को बचाने के लिए रक्षा करने के लिए या किसी बहाने से 105 लाख रुपए जो है वो कब्जे में कर लिए अपने और उस पैसे को लेकर के कंपनी का उधार जो है वो चुकाया अब ये वाला काम भी इतिहास में अवध की बेगमों के प्रति ये वाला जो काम किया गया था उनके एक तरीके से राजकोष को लूटने का काम किया गया उस राजकोष को लूटने का जो काम था वो वो भी जो है क्या था कि एक तरीके से अनैतिक कार्यों में से एक था ठीक है क्लियर हो गई बात इसके अलावा कुछ दूसरे कार्य भी इसने किए हैं जैसे सत्रह में इसने रूहेलखंड का युद्ध हुआ इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो चाहे रुहेलखंड का युद्ध रुहेलखंड युद्ध ठीक है सत्रह में रोहेलखंड का युद्ध हुआ अवध के जो नवाब थे आ, वो अवध के नवाब ने अंग्रेजों की सहायता से रुहेलखंड के ऊपर कैप्चरिंग कर लिया और रोहेलखंड को अपने हिस्से मिला लिया यानी कि अवध जो था अवध के नवाब ने अंग्रेजों की सहायता से अंग्रेजों की सहायता से सत्रह सौ में रुहेलखंड को रोहेलखंड को अवध में मिला लिया अवध में मिला लिया ठीक है तो यह भी एक कार्य हुआ रोहेलखंड युद्ध वाला बेगमों से पैसा हड़पा तो वो तो हुआ ही सत्रह में वॉरन एस्टिंग जो है वो इंग्लैंड लौट गया और जब वॉरेन हेस्टिंग्स सत्रह में इंग्लैंड लौटा तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसके खिलाफ में महाभियोग चलाया गया ठीक है आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं अठारह में वॉरेन हेस्टिंग्स कहां लौट गया इंग्लैंड लौट गया एक्चुअली बीच में पिट इंडिया एक्ट आया था उससे बहुत नाराज था तो इस्तीफा देके वापस चला गया था तो सत्रह में सत्रह में वॉरन एस्टिंग इंग्लैंड जो है लौट गया और जब इंग्लैंड पहुंचा तो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स ठीक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसके विरुद्ध महाभियोग चला विरुद्ध महाभियोग महाभियोग चला और महाभियोग जिन लोगों ने चलाया उनमें एक नाम तो आप बर्क का लिख लीजिए बहुत ही अच्छा वक्ता था ये बर्क ठीक है एडमंड बर्क इसका नाम है या कहीं कहीं बार्क लिखा रहता है एडमंड एडमंड बार्क एक नाम ये आता है दूसरा नाम है चार्ल्स जेम्स फॉक्स चार्ल्स जेम्स फॉक्स, इसने भी महाभियोग मतलब ये और एक थे शेरेडिन शेरेडिन इन लोगों ने मिलकर के क्या किया इसके ऊपर महाभियोग चलाया अब महाभियोग इन्हीं सब चीजों का अवध की बेगमों का महाभियोग बंगाल में लूट खसोट का अनैतिक जो अत्याचार इसने करे जो बंगाल में नंद किशोर का इन सब चीजों का महाभियोग महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई 1788 में और 1788 से लेकर के सात साल तक इसके ऊपर महाभियोग चलता रहे 1788 से लेकर के आगे सात साल तक चला तो कब तक चला होगा सेवनटीन 17... 1795 तक चला होगा ना 1795 सत्रह तक इसके ऊपर महाभियोग चला सात वर्ष तक सात वर्ष तक सेवन ईयर्स तक महाभियोग चला इसके ऊपर लेकिन सात वर्ष बाद जब महाभियोग समाप्त हुआ तो इसे दोषमुक्त कर दिया गया दोषमुक्त किया गया दोषमुक्त घोषित हुआ मतलब जो भी इसने बंगाल में अत्याचार किया उसका कोई दिक्कत नहीं है वो कहीं ना कहीं कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत की बढ़ावा देने के लिए ही उसने ऐसा किया था ऐसा कंपनी ने माना और जब ये महाभियोग खत्म हुआ तब इसे प्रीवी काउंसिल का सदस्य बना दिया गया प्रीवी काउंसिल का प्रीवी काउंसिल का इसे सदस्य बनाया गया और सरद से बना करके इसे हर साल सालाना चार हजार पौंड की वार्षिक वृत्ति दी गई चार हजार पाउंड पौंड ऐसे बनता है ना ऐसे तो बनता है पाउंड अरे पाउंड लिख दे रहे हैं यहां पे ब्रैकेट में ठीक है चार हजार जो पाउंड है वार्षिक की इसको वृत्ति दी गई वार्षिक पेंशन एक तरीके से दिया गया तो उल्टा मतलब वहां पे जाकर के उसे इस काम के लिए जो इसने यहां पर अत्याचार किए इस काम के लिए उसको वहां पर बहुत ही ज्यादा वो किया गया अप्रिशिएट किया गया बड़ी बात तो ये है तो ये है हेस्टिंग्स के बारे में तमाम सारी चीजें जो मैंने आपको यहां पर बताई ठीक है बात समझ में आई कि नहीं आई तो आई होप कि आपको ये वाला जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा वॉर हेस्टिंग्स के साथ में क्या हुआ अब हेस्टिंग्स के बाद जो आया उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो आए अगले वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो अगला व्यक्ति आया उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हाँ देखिए वॉरेन घबरा गए क्या कि सुबह हो जाएगी तो कैसे चलेगा काम अब देखिए वॉरेन एस्ट्रिंग के बाद में सर जॉन मैकवर्सन जो है वो आया लेकिन मैकवर्सन जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहा वो छियासी तक रहा उसके बाद चला गया लेकिन इंपॉर्टेंटली उसके बाद जो व्यक्ति आया वो व्यक्ति हुआ लॉर्ड कॉर्नवोलिस 1786 से लेकर के 1793 का उसका कार्यकाल है कॉन हाँ विवेक सेवनटीन से सिक्स बिल्कुल बहुत अच्छी बात है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 एटी सिक्स से लेकर के नाइनटी थ्री तक सत्रह सौ छियासी से लेकर के सत्रह सौ तिरानबे तक ठीक है सत्रह सौ से छियासी से ले लेकर सत्रह सौ तिरानबे तक अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यहां पर गद्दी बैठा है लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया ना तो उसने लॉर्ड जो वॉरन एस्ट्रिंग था उसके समय में क्या क्या चीजें घटी घटना जैसे कि आपने देखा कि कॉर्न वॉरन एस्ट्रिंग जो था उससे उसके समय में जो उसकी गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी आ, उसे आ, विरोध करने का अधिकार नहीं था या यूं कह सकते हैं कि बहुमत के आधार पर ही वो अपना निर्णय ले सकता था और उस बहुमत का विरोध करने का अधिकार इनके पास में नहीं था तो कॉर्नवालिस जब भारत आया तो उसने कई सारे आ, कई सारी पहले से ही कुछ डील करी कंपनी के साथ में वारेन, आ, कौ, की बात करें तो एक जमींदार परिवार से था पहली बात तो ये पहले से ही उच्च संभ्रांत परिवार का था ये मतलब एलिट क्लास का ये पहले ही था तो इसने जो बात कही वो मानी गई अब इसने क्या कहा इसने शर्त रखी भारत आने की शर्त रखी इसने भारत आने की भारत आने की शर्त रखी इसने ये चीजें हमें दोगे तभी हम भारत जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे क्या शर्त रखी सबसे पहले तो उसने कहा कि गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत में उसको प्रधान सेनापति भी बनाया जाए मतलब वो गवर्नर जनरल जीजी का मतलब गवर्नर जनरल समझ जाएंगे ना जीजी का मतलब गवर्नर जनरल ठीक है तो गवर्नर जनरल के साथ साथ इसको प्रधान सेनापति का पद भी चाहिए प्रधान सेनापति यानी कि कार्यपालिका के साथ साथ ये सैन्य अधिकारी के रूप में सर्वोच्च पद पर भी बैठना चाहता था यानी कि कमांडरशिप जो है इसके अंदर ही रहे और इसने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर काउंसिल के बहुमत की वो अपेक्षा भी कर सके जरूरत पड़ने पर जरूरत पड़ने पर काउंसिल जरूरत पड़ने पर काउंसिल के बहुमत की उपेक्षा जरूरत पड़ने पर बहुमत के काउंसिल की वो क्या चाहता था कि उपेक्षा भी वो कर सके ये परमिशन भी हमको दी जाए अब ये दोनों कामों को पूरा करने के लिए कानून में परिवर्तन लाने की आवश्यकता थी और कानून में परिवर्तन लाया गया 1786 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया और एक्ट पारित करके गवर्नर जनरल और ये जो प्रधान सेनापति का पद है इसको एक कर दिया क्योंकि इसकी बात मनवानी थी तो इसको दोनों को क्या कर दिया गया दोनों को मिला करके एक कर दिया गया प्रधान सेनापति और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है इसके पद को एक कर दिया गया और इसे परमिशन दे दी गई कि तुम भाई जरूरत पड़ने पर काउंसिल की जो उपेक्षा है वो कर सकते हो उपेक्षा ही लिखना उपेक्षा का मतलब मना करना कि काउंसिल पहले यही था इसीलिए तो वॉर बहुत परेशान रहता था तो ये ये जो है इसने पहले से कर लिया कि हम तो वहां पर जाएंगे तो वैसे तो काउंसिल की हम बात मानेंगे लेकिन हमको लगेगा काउंसिल की बात नहीं माननी तो नहीं मानेंगे हम ये वाला अधिकार हमें होना चाहिए इस तरीके से तो देखा जाए तो जब वो भारत आया तो पहले से ही काफी ज्यादा शक्तिशाली है जो भारत में आया और भारत में आकर ही सुधार कार्यों में जुट गया सबसे पहले उसने व्यापार में सुधार किया सबसे पहले किसमें सुधार किया व्यापार में सुधार अब व्यापार में किस तरीके का सुधार हो रहा है जरा देखो व्यापार में सुधार में पहला पॉइंट लिखिए यह वाली क्लास एप्लीकेशन में नहीं चल रही है रवि ये वाली क्लास फ्री है यूट्यूब पे चल रही है स्पेशल हाँ, एक्ट पारित करना पड़ गया था इसके लिए ठीक है इसके लिए स्पेशल एक्ट जो है वो पारित करना पड़ गया था शाही अधिनियम सत्रह इसी के लिए आया था बिल्कुल सही बात है अनुराग जी आपको बहुत सारा आशीष बहुत सारा आशीर्वाद ठीक है लेकिन बार बार इतनी बार मत लिखो इसने चाहता चलता फिरता मोबाइल कोर्ट का गठन किया हाँ गठन किया विजय मैं भी इसके बारे में चर्चा करता हूं एप्लीकेशन पे नहीं चल रही रवि ये क्लास सिरों <laughs> कभी कभी कुछ बच्चे थोड़े से भावुक हो जाते हैं शायद चलिए या फिर मॉर्निंग में आई आर इकोनॉमिक्स की क्लास भी पढ़नी है हाँ, तो पढ़ लीजिएगा एक्स्ट्रा पैंतीस रुपए का रिचार्ज होता है उसको कर लीजिएगा पांच जीबी डेटा बढ़िया है, है, दिन भर क्लास करना और क्या दिक्कत है चलिए खैर आगे बढ़ते हैं व्यापार में सुधार की बात अगर हम करते हैं तो व्यापार के सुधार में सबसे पहला इसने काम किया जुलाहे जो थे या जो दूसरे छोटे छोटे कारीगर जो वगैरह थे उनसे कहा कि केवल उतना ही माल कंपनी को आ, मतलब देना है जितने के लिए उनको आ, जितने के लिए मतलब उनको जो है पेशगी की गई है मतलब पेशकी से ज्यादा आपको कंपनी को माल देने की जरूरत नहीं है इससे कंपनी पे एक्स्ट्रा रेवेन्यू बनता है वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है ठीक दूसरा बात यहां पर उसने कहा कि कंपनी के जो नौकर हैं, कंपनी के नौकरों को माल के ठेके देने की प्रथा उसने समाप्त कर दी तो दो सुधार आपको यहां पर ध्यान रखने लिखने की कोई जरूरत नहीं आप ऐसे ओरली भी याद कर सकते हो या ऐसे चाहो तो ओरली लिख सकते हो मैं बोल दे रहा हूं जुलाहे जो जुलाहे वगैरह या दूसरे जो कामगार वगैरह थे उनसे केवल उतना ही काम उतना ही माल कंपनी लेगी जितना कि उनको पेशगी की गई है जितनी पेशगी की गई है उससे ज्यादा कंपनी उनसे माल नहीं लेगी और कंपनी के जो नौकर हैं वो माल ठेके पर नहीं देंगे पहले माल को ठेके पर देने की प्रथा हुआ करती थी ठीक है वो माल ठेके पे नहीं देंगे ये बात यहां पर इन्होंने कह दी तो ये दो पॉइंट तो हमको यहां पर समझना है अच्छी तरीके से ठीक है ये तो हो गया इसके व्यापार में सुधार न्यायिक सुधारों की अगर हम बात करें तो न्यायिक सुधारों में कई सारे इसने सुधार किए हैं जिसमें से एक सुधार ये है कि जो निजामत अदालत थी उस निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया न्यायिक सुधार में न्यायिक सुधार में आप लिख सकते हैं निजामत न्यायालय को मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कलकत्ता स्थानांतरित किया कहां स्थानांतरित किया कलकत्ता मुर्शिदाबाद से जो है वो कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया ये दो काम जो है इसने किए हुए हैं लेकिन अगर हम न्याय संबंधी चीजों के बारे में कॉर्नवालिस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फेमस चीज है वो है कॉर्नवालिस संहिता सबसे ज्यादा फेमस जो चीज है वो क्या है वो है कॉर्नवालिस संहिता कॉर्नवालिस संहिता यह आप इसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से कॉर्नवालिस कोड के नाम से ठीक है इसे हम लोग कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जानते हैं अब ये आ, <laughs> अरे भाई सही कह रहे हैं भाई इतना चर्चर्स ना करो नहीं मेरे पैर ही गायब हो जाएंगे इतना पैर छूने की क्या जरूरत है <laughs> चलिए कौन वाले सहीता क्या है कि इसने बहुत सारे न्यायिक सुधार किए बहुत सारे न्यायिक सुधार किए और उन सारे न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप से 1973 में अंतिम रूप दिया उसने तो वो जो अंतिम रूप दिया है न्यायिक सुधार का जो अंतिम रूप दिया है उसे ही मतलब मतलब सारे जो सुधार हैं उनको एक साथ कॉन कोड कहा जाता है या वॉलि संहिता कहा जाता है ठीक है और कॉन संहिता जो थी ये जो भी मतलब शक्तियां थी उनके पृथककरण के सिद्धांत पर आधारित थी ठीक है ये चीज हमको ध्यान रखना है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित शक्तियों के शक्तियों के पृथक्करण पृथककरण के सिद्धांत पर आधारित थी सिद्धांत पर आधारित अब ये शक्तियों के प्रथकरण के सिद्धांत पर आधारित होने का मतलब क्या है मतलब इसमें जो है जो न्यायिक काम है वो अलग किया जाए आई स्टडीड एट मुर्शिदाबाद अच्छा जी तो मुर्शिदाबाद के बारे में सुनकर अच्छा लग रहा होगा फिर तो आपको है ना तो मतलब इसमें यही था कि भाई जो पुलिस व्यवस्था है वो अलग करी जाए न्यायिक व्यवस्था है वो अलग करी जाए प्रशासनिक व्यवस्था है वो अलग करी जाए इस तरीके से अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स उसने बनाने के काम जो है वो किए अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा जैसे कि कलेक्टर की ठीक है कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियां जो हैं उससे वापस ले ली गई पहले क्या था कि जो कलेक्टर हुआ करता था वो रेवेन्यू को भी देखता था और अगर उसमें कोई हेरा फेरी होती थी तो उसके न्याय करने की शक्ति भी कलेक्टर के पास होती थी लेकिन यह पावर जो है उसने कलेक्टर से ले ली ठीक है तो यहां पर लिखेंगे पहला पॉइंट कलेक्टर की कलेक्टर की न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियां वापस ले ली गई ले ली गई ठीक है ये शक्तियां अब उसके पास में नहीं रही कहने का मतलब ये है और अब जो है उनके पास में केवल और केवल कर से संबंधित शक्तियां ही रह गई यानी कलेक्टर का, का काम केवल और केवल कलेक्ट करने का ही रह गया केवल कर यानी कि टैक्स से संबंधित से संबंधित शक्तियां ही रह गई शक्तियां ही रह गई किसके पास कलेक्टर के पास यह चीज हमको यहां पर ध्यान रखना है क्लियर हो गई बात हाँ या नहीं यहां तक सबको समझ में आ गया इसके बाद जो है इसने क्या किया दीवानी मामले जो है या यूं कह सकते हैं कि दीवानी जो अदालतें हैं उनमें एक एक मतलब क्रमिक कड़ी जो है वो स्टैब्लिश किया एक के बाद एक एक, एक। अपीलीय जो कड़ियां हैं उनको जोड़ी दीवानी अदालतों के लिए तो दीवानी अदालतों के लिए दीवानी अदालतों के लिए अदालतों के लिए एक क्रमिक कड़ी जोड़ने का काम किया क्रमिक कड़ी जो है वो जोड़ने का काम किया ठीक है अब ये जुडिशियल पावर खत्म कर दिया गया हां बिल्कुल सही बात है ठीक है तो ये ये काम इसने किया अब ये क्रमिक कड़ियां किस प्रकार से जुड़ी हैं जरा उसको देख लेते हैं एक बार ये क्रमिक कड़ियां जो है वो किस प्रकार से उसने जोड़ने का काम किया है अगर इसके ऊपर नजर डालें तो शुरुआत किस तरीके से कर रहा है कि कर और दीवानी मामले जो है उसका भेद समाप्त कर दिया और समाप्त करके ये सारे के सारे आ, मतलब ये जो भी मतलब समाप्त करके इन अदालतों को उसने क्या किया सारा का सारा मामला दीवानी मामले का जो सुनने का जो अधिकार है वो सब इन 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 कोर्ट्स को दे दिया गया यानी कर का और दीवानी का ये दोनों मामलों का भेद समाप्त कर दिया गया और अब अदालतें जो हैं वो दीवानी मामले भी जो हैं वो सुन सकती थी ऐसा नहीं कि दीवानी मामले नहीं सुन सकती थी पहले नहीं सुनती थी अब सुन सकती हैं तो जो सबसे लोअर कोर्ट बना है इस, इस क्रम में जो सबसे लोअर कोर्ट बना है वो है मुंसिफ अदालत वो कौन सा है मुनसिफ अदालत मुनसिफ अदालत से कहा गया कि अगर कोई मतलब आ, कोई पचास रुपए या पचास रुपए तक का कोई मामला है तो उसकी सुनवाई जो है ये मुंसिफ अदालत में होगी कहां पर होगी पचास रुपए तक के तक के जो मामले थे इनकी सुनवाई जो है ये कहां पर होगी मुनसिफ अदालत में होगी और मुनसिफ अदालत का जो अध्यक्ष होगा इसका जो अध्यक्ष होगा वो कोई भारतीय सदस्य होगा यानी इसके अध्यक्ष जो है वो भारतीय सदस्य होंगे ठीक है भारतीय सदस्य ये हुआ अब अगर आप इनके निर्णय से संतुष्ट हैं तो ठीक है नहीं तो आप इसके ऊपर अपील कर सकते थे जिला अदालत में अभी उसके बारे में हम बताएंगे लेकिन इसके बीच में एक और एक और जो है कह सकते हैं इसके ऊपर मुनसिफ अदालत से ऊपर भी एक अदालत है मुंसिफ अदालत से जो ऊपर अदालत है उसका नाम है रजिस्ट्रार की अदालत इनसे ऊपर इनसे ऊपर अगर देखा जाए इनसे ऊपर जो अदालत है वो है रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार की अदालत ठीक है अब ये रजिस्ट्रार की जो अदालत है रजिस्ट्रार की जो अदालत है ये इनसे भी ऊपर है ये चीज हमको यहां पर ध्यान रखनी है रजिस्ट्रार की जो अदालत है उसमें दो रुपए तक के जो मामले हैं वो देखे जाते थे इनके यहां पर दो रुपए तक के मामले ये देखे जाएंगे और इनमें जो अध्यक्ष बनेगा वो कोई यूरोपीय अध्यक्ष होगा यहां पर जो अध्यक्ष बनेगा वो कौन होगा यूरोपीय अध्यक्ष बनेगा इसमें भारतीय अध्यक्ष नहीं होंगे और इन दोनों मामलों पर जो अपील अगर आप करना चाहते हैं इन दोनों के निर्णय पर अगर आप अपील करना चाहते हैं तो यह अपील जो है वो जिला न्यायाधीश है जिला या नगर न्यायालय में जिला या नगर न्यायालय में आप कर सकते थे ठीक है तो अगली जो बारी आई वो जिला न्यायालय की हुई जिला न्यायालय ठीक है ये ये क्रम है ये एक के ऊपर एक जिसको आपको समझते हुए चलना है जिला न्यायालय का ये था कि जितने भी जितने भी सभी प्रकार के जो दीवानी मामले हैं वो ये सुन सकते थे सभी प्रकार के दीवानी मामले सभी प्रकार के दीवानी मामले सुनने का अधिकार था इनको सुनने का अधिकार किसके पास में है यह आपका जिला न्यायालय के पास में है सभी प्रकार के न्यायालय सभी प्रकार के दीवानी मामले सुनने का अधिकार ये जिला न्यायालय के पास में और इसके इसके निर्णय के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं यानी इनके ऊपर भी न्यायालय हैं। और इनके ऊपर जो न्यायालय हैं वो है प्रांतीय न्यायालय इनके ऊपर जो न्यायालय हैं वो कौन है वो है प्रांतीय न्यायालय प्रांति न्यायालय कोई बता सकता है कितने प्रांति न्यायालय थे चार प्रांति न्यायालय थे जिला न्यायालय के ऊपर आप अपील करना चाहें तो प्रांति न्यायालयों में कर सकते तो चार प्रांतों में चार जिला न्यायालय स्टैब्लिश किए गए थे कलकत्ता में मुर्शिदाबाद में ढाका में और पटना में पे कलकत्ता मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद ढाका और पटना इन चार जगहों पे ये चार प्रांतीय न्यायालय स्टैब्लिश किए गए थे और यहां पर भी यूरोपीय लोग होंगे यहां पर भी कौन होंगे यूरोपीय लोग अध्यक्ष बनेंगे सिंपल सी बात है और ये जो है एक हजार रुपए तक के मामले की सुनवाई कर सकते थे अगर हम इनकी दीवानी मामलों की सुनवाई की बात करें तो एक हजार रुपए तक रुपए तक के मामले जो है यहां पर सुने जा सकते थे या फिर आप यहां से अपील लेकर के भी आ सकते थे तो एक हजार रुपए तक के मामले की कोई अपील है तो आप उसको लेकर के यहां पे आ सकते थे अब इनके ऊपर की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर सदर दीवानी अदालतें हुआ करती थी जो कि कलकत्ता में स्टैब्लिश थी कलकत्ता की कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत इनके ऊपर आप अपील करना चाहें तो आप यहां कर सकते थे ये इनसे भी ऊपर थी कलकत्ता की सदर दीवानी अदालतें इनके जो सदस्य थे ये सदर दीवानी के जो इनके जो सदस्य हुआ करते थे ये सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सदस्य गवर्नर जनरल इसमें इसमें मतलब सदस्य जो है वो गवर्नर जनरल भी होता था और इसके पार्षद भी होते थे और उसके पार्षद तो गवर्नर जनरल और उसके पार्षद जो है वो सदर दीवानी अदालतों के मेंबर्स होते थे और एक हजार रुपए से अधिक एक हजार से अधिक एक हजार रुपए से अधिक के जो भी मामले थे वो ये वहां पर उनकी अपील जो है आप यहां पर लेकर के आ सकते थे इसके अलावा एक अदालत और थी जो पांच हजार रुपए से अधिक के मामले की अपील यहां पर कर सकते थे आप एक और अदालत थी जहां पर पांच हजार रुपए या उससे अधिक पांच हजार रुपए से अधिक के जो मामले थे उनकी अपील आप लेकर के आ सकते थे उनको बोला जाता था सपरिषद सम्राट के न्यायालय या सपरिषद सम्राट ही बोलते थे उनको तो इनकी अपील कहां होती थी पांच हजार रुपए से ऊपर पांच हजार रुपए से ऊपर की अपील आ, आ, पांच हजार रुपए से ऊपर की जो अपील हुआ करती थी वो सपरिषद सपरिषद सम्राट के पास इसकी सुनवाई सीधा ये किया करते थे और ये जितनी भी अदालतें हैं इनमें आवश्यकता अनुसार जो है हिंदू और मुस्लिम कोर्ट्स का इस्तेमाल होता था और इसके अलावा कुछ मोबाइल जो न्यायालय हैं उसको भी इन्होंने स्टैब्लिश किया था जो ऑन द स्पॉट जो है वो अपना वो दिया करती थी निर्णय दिया करती थी तो ये वाला पॉइंट भी आपको यहां से समझ में आ गया होगा ये न्यायिक व्यवस्था जो है इसकी बहुत ही मतलब ये न्यायिक व्यवस्था है इन्हीं करके कॉर्नवालिस संहिता के रूप में जाना जाता था तो जो मैंने आपको यहां पर कॉर्नवालिस संहिता बताई है उस कॉर्नवालिस संहिता के अंदर ये सारी चीजें आती हैं जो कि सत्रह तक उसने जो है लागू कर दी थी ठीक है क्लियर हो गई बात हाँ या नहीं बताइए तक सबको सारा पॉइंट समझ में आ गया किसी कोई दिक्कत तो नहीं देखिए एक एक करके सारे पॉइंट समझते चले जाइए क्योंकि यह दोबारा आपको जल्दी नहीं मिलने वाला इस तरीके का कलेक्शन एक साथ तो कतई नहीं मिलने वाला इतना सारा कलेक्शन ठीक है चलिए अब आगे बढ़ा जाए भाई किसी कोई डाउट हो यहां तक सारा समझ में आ गया हाँ ये सही कहा तुमने थोड़ा सा पानी पीना चाहिए मुझे ओके okay, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ अब तक आप लोग कुछ क्वेश्चन हो तो लिख दीजिए चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने पानी पी लिया होगा अरे पढ़ते रहिए देखा जाएगा <laughs> कॉफी और दूध दोनों खत्म हो गए कोई बात नहीं कोई बात नहीं डीपली हो गया कुछ ज्यादा डीपली हो गया यह तो मुझे नहीं मालूम कि कब तक मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा हाँ यूट्यूब पर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा हम कंप्लीट कराएंगे ये बात की गारंटी है समय लगेगा सपरिषद सम्राट हां बिल्कुल चलो अब आगे बढ़ते हैं अब इनके शासन संबंधी सुधारों के बारे में पढ़ते हैं कॉर्नवॉलिस के शासन संबंधी सुधार शासन संबंधी सुधार के शासन संबंधी सुधारों के बारे में चलिए पढ़ा जाए देखिए शासन संबंधी सुधारों की अगर हम बात करें तो अ, आपको मालूम होगा कि कॉर्नवॉलिस को कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेना का जनक कहा जाता है इसको क्या जाता है भारत में सिविल सेवा का भारत में सिविल सेवा का जनक आप लोग भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो ना ये सिविल सेवा यही लेकर के आया सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है कॉर्नवोलिस को कॉर्नवोलिस लॉर्ड कॉर्नवोलिस है ना क्लास तो बेटा चलती रहेगी पता नहीं कब तक चलेगी जब तक मैं थक ना जाऊं तब तक चलेगी क्लास अब जब जब मैं थक जाऊंगा तो मैं खुद ही थोड़ी देर पहले बोल दूंगा कि भाई अब नहीं पढ़ा पा रहा हूं इसके आगे अगली क्लास में पढ़ाऊंगा लेकिन अभी मैं थका नहीं हूं अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं ठीक है तो आप भी करते रहिए कंटिन्यू तो भारत में सिविल सेवा सेवा का जनक जो है वो कौन वाले इसको कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने योग्यता के आधार पर जो प्रशासनिक पद थे उस पर व्यक्तियों की नियुक्ति के नियम बनाए ठीक है क्योंकि इसने योग्यता के आधार पर योग्यता के आधार पर आधार पर व्यक्तियों की प्रशासनिक पदों पर प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के नियम बनाए नियुक्ति के नियम यानी अगर आप योग्य हैं प्रशासन के तो आपको योग्यता के अनुसार सिविल सेवा में मौका दिया जाएगा ठीक है तो ये इसी वजह से इसको जो है इसी वजह से इसको जो है भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है एक पॉइंट तो आपको यह ध्यान रखना है तो प्रशासन संबंधी सुधारों में इसका एक काम यह है दूसरा प्रशासनिक कार्य ये है कि जमींदारों के हाथ से इसने पुलिस पहले जमींदारों के हाथों तो में पुलिस व्यवस्था हुआ करती थी प्रशासन या स्थानीय जो जो शांति व्यवस्था है उसका कार्य जमींदारों के हाथों में हुआ करता था वो अपने मनमर्जी से निर्णय लेते थे रुपया पैसा देकर के मामले को रफा दफा भी करते थे कई बार तो इसने क्या किया जमींदारों से पुलिस कार्य छीन लिया जमींदारों से जमींदारों से पुलिस कार्य पुलिस कार्य छीन कर छीन कर प्रत्येक ३२ किलोमीटर पर एक पुलिस चौकी का निर्माण करवाया पुलिस चौकी का निर्माण कराने का यह नियम लेकर के आया प्रत्येक ३२ किलोमीटर पे क्या होगा एक पुलिस चौकी बनेगी एक थाना जो है मतलब पुलिस चौकी क्या थाना बल्कि लिख सकते हैं थाना लिख सकते हैं पुलिस थाना जो है उसका निर्माण कराने का इसने जो है बंदोबस्त किया बात समझ में आ गया सबको हाँ या नहीं ठीक है ये बात समझ में आ गई सबको हाँ या नहीं तो ये ये दो चीजें जो है इसने बहुत तेजी से करी और इसी वजह से इसको भारत में पुलिस सेवा का जनक भी कहते हैं इसी वजह से इसको क्या कहते हैं भारत में भारत में पुलिस सेवा पुलिस सेवा का जनक भी इसको कहा जाता है ये दो पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने चाहिए लॉर्ड कॉर्न के समय में कभी कभी ऑप्शन में आ जाते हैं आपके आ, आ, आगे जो है हम क्या करेंगे इनसे संबंधित एमसीक्यूज लेकर के आएंगे आपके समक्ष अभी ध्यान से पढ़ लीजिए अगली बार जब हम आएंगे तो एमसीक्यू लेकर के आएंगे फिर मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा बस सीधा एमसीक्यू रखूंगा उसके आंसर्स बताऊंगा डिटेल करते हुए कि ये ऐसे ऐसे मैंने पढ़ाया था तो इसलिए ध्यान रखिएगा ठीक है अब देखो आगे आगे क्या हुआ आ, इसने जो है एक निगेटिव काम भी किया अब यहां तो उसने क्या किया योग्यता के आधार पर व्यक्तियों के प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के नियम बनाए लेकिन उसमें यह ध्यान रखा है इसने कि भारतीयों को उच्च पद ना मिले तो यह भी एक पॉइंट लिखना है भारतीयों को भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति से नियुक्ति से रोक लगा दी इसने रोक लगाई तो इस कार्य के लिए भी इस घृणित कार्य के लिए भी इसको जाना जाता है भाई बड़े भयभीत रहते होंगे शायद भारतीयों में अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि है कि भारतीय जो हैं वो नेचुरल मैनेजर मतलब मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर मैनेजमेंट की नेचुरल भावना होती है और आ, मतलब कई सारी कंपनीज हैं जो भारतीयों को अपना सीओ बनाती हैं जबकि वो अमेरिकन कंपनीज हैं अमेरिकन बेस्ड कंपनीज है, है। जबकि भारतीयों को अपने सीई बनाती हैं तो उसके पीछे आंकड़े ये निकाले गए कि भारतीयों के अंदर स्ट्रगल की भावना बहुत ज्यादा होती है वे बचपन से ही एक्चुअली हर चीज मैनेज ही कर रहे होते हैं तो उनके अंदर मैनेजमेंट की भावना बहुत ज्यादा होती है बहुत अच्छे तरीके से ठीक है तो ये चीज हमको यहाँ पर समझ में आती है भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति से यहाँ पर क्या कर दी गई रोक लगा दी गई अब सत्रह तिरानबे में इसने स्थाई रूप से जमींदारों को जो जमीन दी उसके लिए एक इस्तमरारी या स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के लिए इसको जाना जाता है स्थाई बंदोबस्त बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट इसका या इसी को स्तमरारी प्रथा भी बोलते हैं स्तम रारी प्रथा स्तमरारी प्रथा बोलते हैं भाई इसको क्या बोलते हैं स्तमरारी प्रथा तो स्तमरारी प्रथा भी इसको बोला जाता है इसकी अब व्यवस्था भी इसने किया स्तंभ व्यवस्था की प्रथा जो है इसने चलाई अब स्तंभ व्यवस्था की प्रथा चलाने के लिए इसके सामने तीन क्वेश्चन थे तीन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये था इसमें बेसिकली स्तंभ प्रथा में क्या किया जाता था कि एक स्थाई भूमिकर की मतलब एक स्थाई जो है लैंड रेवेन्यू तय कर दिया जाए फिक्स कर दिया जाए परमानेंट सेटलमेंट कर दिया जाए लैंड रेवेन्यू का तो वो कैसे करे उसके सामने तीन क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन यह था कि जमींदार या किसान में से किसको ये व्यवस्था दी जाए ठीक है पहला प्रश्न इस इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उसके सामने था कि किसे किसे मतलब जमींदारों को या किसानों को या किसान किसे जमींदारों या किसान को व्यवस्था दी जाए व्यवस्था दी जाए मतलब एक रेवेन्यू हमें सेट कर देना है अब वो रेवेन्यू जमींदार ला के देंगे या किसानों किसान लाके देंगे किसके लिए सेट किया जाए ये चीज इसके सामने एक क्वेश्चन था कमीशन में इसके ऊपर चर्चा हुई कमेटी में अलग अलग रिमेंडेशन आए दूसरा ये बात कहा गया कि शासन जो है शासन का जो भूमि की जो उपज है जो आय हो रही है उसमें उसमें कितना भाग होना चाहिए क्या भाग लिया जाए दूसरा क्वेश्चन इसके मन में ये आया कि ये जो फिक्स किया जाए तो पैसा किस तरीके से फिक्स किया जाए कितना फिक्स किया जाए कहने का मतलब ये है शासन का या शासन को भूमि की उपज का भूमि की उपज का कितना हिस्सा या कौन सा भाग जो है वो मिले भूमि की उपज में कितना हिस्सा मिले कितना हिस्सा मिले यह दूसरा प्रश्न था इसके मन में और जो तीसरा प्रश्न था वो यह था कि यह व्यवस्था कितने समय के लिए लागू की जाए कुछ वर्षों के लिए या स्थाई तौर पर यह व्यवस्था व्यवस्था एक मिनट यह व्यवस्था का जो समय है वो क्या होना चाहिए इसके मन में विचार आया यह व्यवस्था कितने समय के लिए इतने समय के लिए कुछ वर्ष कुछ वर्ष या स्थाई कुछ वर्ष के लिए व्यवस्था हो या फिर स्थाई व्यवस्था हो क्या हो अब इन तीनों पर उसने अपना जो है आपस में समिति वगैरह से चर्चा करी और चर्चा करके जो रिजल्ट निकला वही इसका था, इस बंदोबस्त कहलाता है अब इसका जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर इसने दिया या उसका आंसर इसने निकाला <laughs> अभी छोड़ो इस बारे में बाद में बात करेंगे मै रिण की नहीं देखिए इसका पहला जो प्रश्न था उस पहले प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि जमींदारों को इस व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये खुद भी जमींदार था तो जमींदारों को इसका जो आंसर है वो जमींदारों के पक्ष में गया कि किसे दी जाए व्यवस्था यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करके कौन ला हमें देगा तो जमींदार देंगे मतलब जमींदारों से हम पैसा वसूलेंगे सिंपल सी बात है अब जमींदार किससे वसूल लें वो जाने कैसे वसूल है वो जाने ठीक है दूसरा प्रश्न क्या था दूसरा प्रश्न था कि शासन को भूमि की उपज का कितना हिस्सा दिया जाए यानी शासन जो है इसके लिए कितना पैसा लेगा कितना कर इकट्ठा करना है उसे तो इसके लिए उसने अंदाजा लगाया कि 1790 से 91 के बीच में जो भूमि से कर इकट्ठा किया गया था वो कर दो करोड़ अड़सठ लाख रुपए था कितना था दो करोड़ अड़सठ लाख रुपए तो इसने भी यही आधार तय किया कि शासन को शासन को भूमि की उपज का इतना हिस्सा मिलना चाहिए कि एटलीस्ट पिछला वाला जो बेस है वो तो हमारे पास आ ही जाए यानी दो करोड़ अड़सठ लाख रुपए दो करोड़ अड़सठ लाख इतना कलेक्शन तो हमको वार्षिक चाहिए ही चाहिए तो यही आधार उसने बेस उसने स्वीकार किया और अब बारी आई कि व्यवस्था कितने समय के लिए रखी जाए कुछ वर्षों के लिए स्थाई इस तो इसने यह व्यवस्था स्थायी तौर पर रखी स्थाई तौर पर इसके कुछ साथियों ने सजेशन दिया कि इसको पहले दस वर्षों के लिए स्थापित कर दीजिए लेकिन उसने कहा दस वर्षों के लिए स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है इसको स्थाई कर दो अविनाश यू आर अ न्यू स्टूडेंट एंड वी आर वेलकमिंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई होप कि आपको सारी चीजें धीरे धीरे करके समझ में आएंगी जो पिछला छूट गया आपका वो आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे ठीक है तो ये चीज ये इस व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई तो आपको यहां पर यह समझ में आ गया कि स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो थी उसको इस तरीके के तीन प्रश्नों में उसने डिवाइड करके तीन तरीके की व्यवस्था रखी अब वास्तविक रूप में जो व्यवस्था हुई वो क्या हुई वास्तविक रूप में जो व्यवस्था हुई वो क्या थी स्थाई बंदोबस्त स्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वो क्या हुई व्यवस्था ये तो मतलब उसने प्लानिंग करी ना कि कैसे स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लेकर के आएंगे उसे इतना कलेक्शन कैसे आएगा क्या लागू करें नियम कि वो इतना व्यवस्था जो है इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर सके तो उसके लिए जो प्लानिंग हुई उसमें कहा गया कि जमींदार जो है भूमि का स्वामी माना जाएगा जमींदार जो है जमींदार भूमि का, का स्वामी माना जाएगा स्वामी माना जाएगा और इसका मतलब यह है कि यही जो है पैसा ला करके देगा आप जो जमींदार हैं या फिर जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो, शास्वत रूप वो जमीदार, जमीदार उनके, उनके शाश्वत रूप से उनके ऊपर एक दर तय कर दी जाएगी भूमि करके वो उनको दे होगी यानी कि जमींदार जमींदार और उनके उनके उत्तराधिकारी के लिए उत्तराधिकारी शाश्वत रूप से शाश्वत रूप से तय दर देंगे मतलब उतने दर पे रकम जो है इकट्ठी करके भूमि कर देंगे तय दर पर भूमि कर देंगे श्वाशत रूप से तय दर पर भूमि कर देंगे भूमि कर, कर देंगे ही देंगे अब चाहे जैसे लाकर को दो वो तुम्हारी जिम्मेदारी हमको नहीं मालूम हमने फिक्स कर दिया इससे कम ज्यादा में हम परेशान नहीं करेंगे आपको आपना उससे ज्यादा कमाते हैं तो कोई दिक्कत कम कमाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं फिक्स कर दिया उसने अब फिक्स कितना किया भूमि का लगान कितना हुआ भूमि का लगान भूमि का लगान जो है वो आठ बटे नौ भाग आठ बटे नौ भाग जो है वो कंपनी के पास आएगा एट बाई नाइन हिस्सा जो है वो कंपनी को देना होगा कंपनी को देना होगा जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा और एक बटे नौ भाग एक बटे जो नौ भाग जो शेष बचा वो अपनी सेवाओं के लिए रख सकते थे अपनी सेवाओं के लिए के लिए जमींदार रख सकते थे अपनी सेवाओं के लिए रख सकते थे कौन जमींदार ये थी भू राजस्व व्यवस्था ठीक है ये क्या थी भू राजस्व व्यवस्था क्लियर है ये क्या थी भू राजस्व व्यवस्था तो ये भू राजस्व व्यवस्था सबको समझ में आ गई किसी कोई दिक्कत तो नहीं ये जो स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है इसकी ये यही थी ये इनकी जो स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी लॉर्ड कॉर्न की ये यही थी ये आपको मेरी ख्याल से समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से हालांकि इस रेवेन्यू सिस्टम के अलावा भी जो कॉर्नवॉलिस था उसके कुछ और पॉलिसीज भी थी यानी कि कुछ और सुधार के कार्य भी थे जैसे कि दास प्रथा में सुधार ठीक है जैसे कि दास प्रथा आ, ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ना इसमें मालूम है क्या था इसमें मतलब बेसिक बात यही थी कि इतना मतलब आप देखिए जमी मान लेते हैं मैं जमींदार हूं मुझे क्या करना है मैंने नौ हिस्सा जमा किया किसान से नौ हिस्सा जमा किया आप इसको ऐसे समझो नौ में से आठ भाग यानी नब्बे रुपए मैंने अगर जमा किए हैं तो अस्सी मुझे कंपनी को देने हैं और दस रुपए जो है दस रुपए जो है वो मैं अपने खर्चे के लिए रखूंगा तो दस रुपए तो बहुत कम है ना अब इस दस रुपए का मुझे गुणज जो है वो बढ़ाना है अगर दस रुपए का गुणज मुझे पांच बार भी बढ़ाना है पचास रुपए भी चाहिए तो इसमें पचास की वृद्धि पांच की वृद्धि करनी पड़ेगी इसमें भी यानी कि अगर मुझे पचास रुपए चाहिए तो यहां पर इसका मतलब हुआ आठ पचास चालीस चार सौ रुपए चाहिए अब टोटल कितना हो गया चार सौ पचास हो गया तो किसान से अगर हम सौ अगर हम नब्बे रुपए कमाते हैं तो उसमें हमें केवल दस रुपए मिल रहे हैं नहीं दस रुपए रखने के लिए हमें किसान से नब्बे रुपए चूसने पड़ रहे हैं और यहां पे क्या है कि मेरा पेट तो पचास रुपए में भरेगा तो अगर मैं अपने पेट में पचास रुपए रखना चाहता हूं तो इसका मतलब किसानों से हमें साढ़े चार सौ रुपए लेना पड़ेगा तो इस तरह से जमींदारों के, के, के जो अत्याचार है ना वो किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गए परंतु इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं था क्योंकि कंपनी को तो चाहिए था अपना हिस्सा फिक्स उतना हिस्सा उसे चाहिए तो चाहिए खत्म बात तो यह थी स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था समझ में आया कि नहीं आया ये थी स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस ने दास व्यापार और दासों के निर्यात पर 1789 में प्रतिबंध लगा दिया था तो यह इसका एक सुधार कार्य दास प्रथा के बारे में अगर हम बात करें तो सेवनटी एटी नाइन पे इस पर क्या कर दिया है? इसने प्रतिबंध लगाया दासों की खरीद फरोख करती थी व्यापार जो हुआ करता था निर्यात आयात करता था इस पर रोक लगा दी गई थी इसके समय का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है इसी के समय में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था थर्ड इसी के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो लॉर्ड कॉर्नवलिस के समय में ही हुआ था 92 टू में 1790 से बानबे के बीच में और इसमें टीपू की जो है वो हार हुई थी टीपू हारा था इस युद्ध में और आपको मालूम है कि यहां पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और काफी बड़ा हिस्सा जो है इसको अंग्रेजों को देना पड़ गया था लेकिन बाद में इसने आ, जो जो इस, सहायक संधि है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था टीपू ने फिर इसी वजह से चतुर्थांग में युद्ध भी हुआ जिसमें टीपू अंततः मारे गए थे ठीक है ये चीज हमको यहां पर ध्यान रखना चाहिए इनके बाद अगला जो गवर्नर बना उसका नाम हुआ सर जॉन शोर अगला जो गवर्नर बना उसका नाम क्या हुआ सर जॉन शोर सर जॉन शोर ठीक है भाई यहां तक समझ में आ गया हाँ या नहीं हां अरे भाई एक बटे ग्यारह या दस बटे ग्यारह कह लो या फिर आठ बटे नौ या एक बटे नौ कह लो एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो सर जॉन शोर की अगर हम बात करें तो सत्रह से लेकर अट्ठानवे तक सत्रह तिरानवे से सत्रह तक इनका शासनकाल रहा है संजौर, सर जॉन शोर का बहुत कुछ बड़ी घटनाएं इनके समय में नहीं हुई लेकिन ये जो थे आ, आ, ये अहस्तक्षेप की नीति का पालन करते थे अहस्तक्षेप अहस्तक्षेप की नीति का पालन इसने किया था आप लोगों ने से बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि सर लॉर्ड अलहौजी की नीति बहुत फेमस है सर लॉर्ड कॉलवानिस की कॉलवॉलिस जो है उनकी नीति बहुत फेमस है लॉर्ड विलेजली की नीति बहुत फ़ेमस है इन इन तरीके की नीति जो है पहले के लोग नहीं लागू करते थे क्या तो कुछ मतलब कुछ और जो अंग्रेज आए उन्होंने लागू नहीं किए तो इनके जो तो कुछ और दूसरे अंग्रेज आते थे वो अंग्रेज मतलब उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे जैसे लॉर्ड सर जॉन शोर की बात कर लें तो हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन करता था ये मतलब तुमको जो करना है करो हमारे बीच में ना हम तुम्हारे मामले में इंटरफेयर करेंगे ना तो हमारे मामले में इंटरफेयर करो सिंपल सी यहां पर बात यह हस्तक्षेप की नीति यही थी और इस नीति का उसने प्रदर्शन तब किया जब अफगान और मराठों के विरुद्ध हैदराबाद को इसने सहायता नहीं दी तो अफगान और मराठों के विरुद्ध हैदराबाद के केस में अगर देखें तो इसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया राजपूत राज्यों के मामले में भी उसने ऐसा ही किया लेकिन इसने जो है अवध के मामले में अगर देखें तो हस्तक्षेप किया है सत्रह में इसी के समय में खुर्दा का युद्ध हुआ निजाम और मराठों के बीच इसी के समय में निजाम और निजाम तो मतलब हैदराबाद का निजाम हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच में मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध खुर्दा या कहीं कहीं ऐसे भी खुर्दा लिखा रहता है के साथ खुर्दा का युद्ध हुआ सत्रह सौ में यह कुछ युद्ध है जो इसके समय का थोड़ा सा फेमस है बाकी कुछ खास नहीं है ठीक है तो यह चीज आपको ये सर जॉन शोर के बारे में जानी बाकी जर सर सर जॉन शोर का कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है तो इसको हम यहीं पर स्किप करते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉर्ड वेलेजली अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉर्ड वेलेजली आप कहीं कहीं वेल्जली लिखा रहता है आधा ला या वेल्सली लिखा रहता है तो वो प्रोनसिएशन के ऊपर है इसका इतना कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इतना ही किस लिए चल रहा है ठीक है तो यहां तक बात समझ में आ गया सबको हाँ या नहीं ठीक है तो अब देखिए वेलेजली की अगर हम बात करें तो ये अट्ठानबे से लेकर के अठारह सौ पांच पांच तक रहा उन्नीस सत्रह से लेकर के इसका जो टाइम पीरियड है इसका जो टाइम पीरियड है वो सत्रह से लेकर के कहां तक रहा अठारह तक सत्रह से अठारह पांच तक इसका टाइम पीरियड है काफी लंबा टाइम पीरियड है इसका भी अगर देखा जाए तो पांच सात साल रहे लेकिन इन सात सालों में इसने बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम कर दिया है और एक तरीके से देखें तो भारत के तमाम सारे राज्यों को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम जिसकी नीति ने किया है वो लॉर्ड वेलेजली की ही नीति है सत्रह में यह मार्किवस ऑफ वेलसली के रूप में भारत आया मार्किव ऑफ वेलसली में मार्किव जो है ये इसकी उपाधि है जैसे आपने अर्ल ऑफ अर्ल का टाइटल सुना होगा तो अर्ल जो है यह भी एक टाइटल होता है अर्ल टाइटल से ऊपर होता है मार्किवस का टाइटल बड़ा टाइटल होता है उपाधियां होती हैं थोड़ी सी ये ब्रिटिशर्स की उपाधियां तो ये भारत आया सत्रह में, में। और इसका उद्देश्य क्या था कि कंपनी का जो विस्तार है उसको यहां पर किया जाए पहला उद्देश्य तो उसका यह था कि भारत में कंपनी का विस्तार किया जाए दूसरा उस, उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि जो फ्रांसीसी प्रभाव है भारत में उस फ्रांसीसी प्रभाव को कम किया जाए क्योंकि भारत में ब्रिटिशर्स के जो दुश्मन थे वो फ्रांसीसियों की सहायता लेकर के अंग्रेजों को हराने का प्रयास कर सकते थे और यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में प्रतिद्वंदता बढ़ती चली जा रही थी इसी के समय में अगर आप देखोगे तो नेपोलियन के आक्रमण का खतरा भी इसके ऊपर बढ़ गया था बहुत ज्यादा मैसूर के जो राज्य थे वो फ्रांसीसी सहायता लेना चाहते थे आपको मालूम है तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके दो काम हैं कि एक तो कंपनी का प्रसार प्रचार कर सके भारत में विस्तार कर सके और दूसरा फ्रांसीसियों के प्रभाव को खत्म कर सके फ्रांसीसियों के प्रभाव को ठीक है हाँ बिल्कुल सही कहा सहायक संधि के से पूरा साम्राज्य जो है वो अंग्रेजों के लिए बना दिया था इसने बिल्कुल पंगु बना दिया भारतीय साम्राज्य को और ये दोनों ही कार्य जो जिसमें कंपनी के अपने कंपनी के के विस्तार की भावना और फ्रांसीसियों दमन की भावना जो इसमें इसके अंदर जो शामिल थी दोनों ही मामले में ये सफल भी रहा अपने राज्य की सीमा का इसने काफी विस्तार किया है और अपने राज्य की सीमा के विस्तार के लिए जिस कार्य के लिए इसको जाना जाता है वो कोई और कार्य नहीं है वो है विलेजली की सहायक संधि सहायक संधि सहायक संधि का मतलब हो गया सब्सिडरी अलायंस जिसको आप बोलते हैं क्या बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस तो इस सब्सिडरी अलायंस के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है तो आप हेडिंग डाल दीजिए लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि तो अब हम लोग लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो हेडिंग डाल लीजिए लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि मैंने आपको बंदोबस्त व्यवस्था दिखाई थी उसी तरीके से सहायक संधि व्यवस्था इसी तरीके से राज झड़प नीति होगी ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सहायक संधि सहायक संधि की अगर हम बात करें तो इसे लाने वाला पहले तो डुपले था डुपले पहले लाया लेकिन चूंकि डुप्ले जो है आ, आ, कह सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों के सामने टिक नहीं पाया ज्यादा दिन तक इसलिए वो इस नीति को आगे तक नहीं बढ़ा पाया लेकिन लेकर के आया था अब सहायक संधि में क्या होता था सहायक संधि का बेसिक पर्पस क्या था या क्या काम होता था इसमें इसमें देसी जो नरेश थे देसी जो राजा हुआ करते थे कंपनी की सेना और ब्रिटिश रेजिडेंट ये अपने यहां रखते थे दो चीजें रखते थे कंपनी की सेना कंपनी की सेना रखेंगे और ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे ब्रिटिश रेजिडेंट और इसका खर्चा भी उठाएंगे खर्चा अब खर्चा उठाने के लिए क्या करेंगे कि पैसे जो है वो कंपनी को देंगे कंपनी को रकम देंगे इसकी रकम देंगे ठीक है तो इस तरीके से काम यहां पर हुआ करता था एक निश्चित रकम बांध गई थी और निश्चित रकम दिया जाता था सहायक संधि की कुछ प्रमुख मांगे थी अगर उन कुछ प्रमुख मांगों को एक एक करके यहां पर हम लिखें तो इसमें एक मांग तो देखिए अंग्रेजों की अंग्रेजों की संधि हो सहायक संधि हो कोई दूसरी भी संधि हो उसमें कुछ चीजें तो कॉमन आपको देखने को मिलेंगी सबसे पहले तो बात यह देखने को मिलेगी कि भाई आपको विदेशियों को नहीं रखना है किसी दूसरे को ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की बात तो ये आम बात थी रखते ही रखते थे तो यहां पर सबसे पहला संधि की शर्त यह थी कि भारतीय राजाओं के जो विदेशी संबंध हैं वो अब अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे भारतीय राजाओं के भारतीय राजाओं के जो विदेशी संबंध है विदेशी संबंध ये विदेशी संबंध जो है ये कंपनी के अधीन होंगे कंपनी के अधीन होंगे मतलब यह हुआ कि विदेशी राजा जो हैं, आ, मतलब ये राजा जो हैं, अगर कोई भी विदेशी संबंध करना चाहते हैं तो कंपनी से पूछ के ही करेंगे या कंपनी उनके मार्फत करेगी अपने मर्जी से नहीं कर सकते थे यह दूसरा दूसरा अगर देखा जाए दूसरा नियम क्या है बड़े राज्य और छोटे राज्य कोई भी राज्य हो ये अपनी अपने, अपने यहां पर ब्रिटिश सेना रखेंगे बड़े राज्य या फिर छोटे राज्य ब्रिटिश सेना रखेंगे लेकिन जब बड़े राज्य ब्रिटिश सेना रखेंगे तो इसका खर्चा उठाने के लिए वो एक राज्य का स्वतंत्र भाग देंगे राज्य का कुछ भाग कुछ भाग स्वतंत्र रूप से रूप से कंपनी को देंगे मतलब उस भाग से कंपनी जितना चाहे रकम वसूल सकती है जिससे ब्रिटिश सेना का यहां पर लालन पालन हो पाएगा और जो छोटे राज्य थे छोटे राज्य जो होंगे वो ब्रिटिश सेना रखने के बदले निर्धारित रकम निर्धारित रकम अदा करेंगे ठीक है और नहीं कर पाएंगे तो इनका राज्य हड़प लेंगे बाद में यही तो होगा तो अगर भाई अगर अपनी सेना की जगह ब्रिटिश सेना आप रखोगे तो आपके यहां तो कभी विद्रोह हो ही नहीं सकता अंग्रेजों के खिलाफ तो कतई नहीं हो सकता है क्योंकि सेना तो आपकी है ही नहीं बात समझ में आया कि नहीं आया स्वतंत्र प्राण हो गए बिना अनुमति के यूरोपीय लोगों को आप सेवा में नहीं रखेंगे बिना अनुमति के बिना अनुमति के किसी अन्य यूरोपीय को किसी अन्य यूरोपीय को सेवा में में नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे किसी भी दूसरे यूरोपीय को आपको सेवा में नहीं रखना है ठीक है ये चीज हमको इनको जो है बोली गई अन्य यूरोपीय का मतलब फ्रांसीसी हैं डच हैं पुर्तगीज़ हैं ये भी सब यूरोपीय हैं इनको आपकी सेवा में नहीं रख सकते इनके साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते किसी भी का करना है तो पहले पूछ लो हम परमिशन दे देंगे तो ठीक है नहीं देंगे तो आपको नहीं करना है यह बात है सिंपल दूसरा तीसरा क्या था या अगला क्या था जो भी अगला जो पॉइंट है उसमें कहा गया कि कंपनी जो है वो राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी इसमें कहा गया कि कंपनी जो है यहां लिख दे रहा हूं चौथा मामला कंपनी राजाओं के आंतरिक मामलों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी हस्तक्षेप नहीं करेगी लेकिन ऐसा सिर्फ कंपनी ने कहा किया नहीं करते ये थे हस्तक्षेप आंतरिक मामले का मतलब हो गया कि जैसे मैं राजा हूं Uh, मैं अपने वजीर को हटा के कि किसी दूसरे वजीर को वजीर बनाना चाहता हूँ किसी दूसरे व्यक्ति को वजीर बनाना चाहता हूं तो मेरा इंटरनल मैटर हो गया ना मैं किसे वजीर बनाऊँ किसे सेनापति बनाऊं किसे हटाऊँ किसे रखूँ ये मेरा इंटरनल मैटर है लेकिन इसमें भी इंटरफेयर वो करने लगे थे तो ये हो गया और अगला शर्त ये था कि राजाओं को के जो भी शत्रु होंगे मतलब राजाओं को राजाओं को उनके शत्रुओं से शत्रुओं से सुरक्षा उनके शत्रुओं से सुरक्षा कंपनी प्रदान करेगी कंपनी प्रदान करेगी तो कंपनी जो है वो क्या करेगी अब यही तो है इसी वजह से तो यहां सेना रख रहे हैं और इसी का खर्चा सेना का खुद निकाल भी रहे हैं यह चीज जो है इन्होंने सहायक संधि के रूप में शर्तों में रखा और सहायक संधि की इस शर्त से बहुत सारे राज्य इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जैसे कि सत्रह और 1800 में सत्रह से लेकर के 1800 के बीच में इन्होंने निजाम के राज्यों को मिला लिया निजाम का मतलब हो गया हैदराबाद और कर्नाटक के निजाम ये चले गए इनका राज्य चला गया 1799 सौ निन्यानवे में मैसूर 1799 में मैसूर के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया सहायक संधि जो है वो आरोपित कर दी 1799 में ही तंजौर जो था इसके ऊपर भी सहायक संधि इन्होंने आरोपित कर दी 1801 एक में अवध अठारह एक में अवध के ऊपर सहायक संधि आरोपित की गई 1802 में पेशवा जो हुआ करते थे नागपुर के उनके ऊपर जो है ये पेशवाओं के ऊपर भी संधि आरोपित कर दी गई 1803 में भोंसले जो हुआ करते थे 1803 में भोंसले जो थे उनके ऊपर भी ये सहायक संधि आरोपित कर दी गई अब देखिए मराठों की चार पांच शाखाएं थी जिनमें से तीन शाखाएं जो थी पेशवा, भोसले और सिंधिया इनको जो है सहायक संधि स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था इसने 1804 में 1804 में सिंधिया सिंधिया ठीक है और बाकियों के ऊपर भी सहायक संधि आरोपित करने पर तुला रहा लेकिन इसमें उसका काफी खर्चा हुआ तो कंपनी ने इसको ऐसा करने से बाद में रोक दिया और फिर वापस भी बुला लिया थोड़े दिन बाद बहरहाल सत्रह में वेलेजली ने पुर्तगालियों की अनुमति से और उनके सहयोग से गोवा में अंग्रेजी सेना नियुक्त कर दी यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है सत्रह में 1799 में सत्रह में पुर्तगालियों के सहयोग से पुर्तगालियों के सहयोग से गोवा में गोवा में जो ब्रिटिश मतलब कह सकते हैं कि जो सेना थी उसको नियुक्त कर दिया अंग्रेजी सेना अंग्रेजी सेना नियुक्त किया ठीक है तो ये गोवा में भी इन्होंने अपना काम यहां पर कर दिया 1805 में होलकर्स के साथ में राजघाट की संधि हुई तो राजघाट की संधि में फिर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना भाई हाँ होलकर भी उसी समय फिर यहां पर बाद में इसको वापस कर लिया गया हो नहीं पाया वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया ठीक है तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से क्लियर हो गया इस तरीके की चीजों को उसने कैप्चर कर लिया इसी के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था आपको मालूम होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सत्रह सौ इसी में टीपू जो है हार गया और मारा गया टीपू मारा गया टीपू सुल्तान की इसी में डेथ हो गई थी और इसका जो साम्राज्य है उसको फिर अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया इसका काफी अच्छे तरीके से बंटवारा हुआ ठीक है तो ये सारे बंटवारे वगैरह जो हुए उसकी वजह से क्या हुआ कि इसका ये पूरा का पूरा राज्य का हिस्सा जो है वो चला गया तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी इसी के समय में ही हुआ 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है इसने कलकत्ता में की और किसके लिए की सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए सन 1800 में कलकत्ता में कलकत्ता में फोर्ट विलियम विलियम कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुआ की स्थापना किसके लिए करी आप लोग भी सिविल सेवा के अधिकारी बनोगे तो कहीं प्रशिक्षण लेने जाओगे कहां लेने जाओगे अब कहां पे प्रशिक्षण होता है सिविल सेवा के अधिकारियों का अधिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र था ये उसके समय में प्रशिक्षण केंद्र आप लोग सिविल सिविल सेवा के अधिकारी बनोगे तो कहां जाओगे भाई प्रशिक्षण लेने जल्दी से बताओ जल्दी से बताइए कहां पे जाएंगे ट्रेनिंग के लिए कहां पे जाएंगे ठीक है और आ, मतलब इसने जो है मतलब तमाम सारे विदेशी संबंध भी स्टैब्लिश किए थे क्योंकि टीपू सुल्तान जो था वो इनके खिलाफ में टीपू सुल्तान जो था इनके खिलाफ में अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी सहायता इकट्ठा करना चाहता था तो इसने भी दूसरे राज्य भी फ्रांसीसी सहायता इकट्ठा करना चाहते थे तो सत्रह में अगर देखें तो इन्होंने महदी अली को जो है भेजा था आ, 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 महदी अली को भेजा था फारस ईरान भेजा था ईरान के शाह के पास और ये वचन लिया था ईरान के शाह से कि वो अपने देश में फ्रांसीसियों को जो है वो आने नहीं देंगे काफी सारे भेट भेजे थे बाद में 1800 में भी एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा था उसको भी राजदूत बना करके भेजा था लवासना अरे वाह लवासना जाएंगे लवासना बिल्कुल सही बात है मसूरी जाएंगे ठीक लाल बहादुर शास्त्री में तो ये ये सब जो है कुछ मतलब विदेशी संबंध भी उसने स्टैब्लिश किए थे इससे शाह से परमिशन ले ली थी कि भाई उनके यहाँ फ्रांसीसियों की सहायता ना की जाए इस तरीके से फ्रांसीसियों के आक्रमण से कहीं ना कहीं बचा लिया था उसने भारत को यानी कि अपने साम्राज्य को अदरवाइज तो इसके समय में फ्रांसीसियों का आक्रमण होना जो है वो लगभग लगभग तय था और अगर हो जाता तो हार भी निश्चित थी तो काफी समझदारी से जो है इसने काम किया लेकिन दिक्कत वही है अब क्योंकि सहायक संधि के तो बिल्कुल ये पीछे पड़ गया और जहां पर सीधे तौर से सहायक संधि आरोपित हो पाती हो पाती नहीं तो वो युद्ध आरोपित करता था इन सब चीजों में इन सब मामलों में उसका बहुत ज्यादा खर्चा हो गया ये सब युद्ध लड़ने में ये सब युद्ध लड़ने में ये सब चीजों भेंट वोट देने में ठीक है इसका बहुत सारा खर्चा हो गया तो फाइनली कंपनी ने देखा कि भाई कंपनी में ऐसा तो था नहीं निजी कंपनी थी शेयर्स हुआ करते थे तो शेयर धारकों ने देखा कि भाई ये पैसा बर्बाद बहुत कर रहा है कोई फायदा हो नहीं रहा इससे तो उन्नीस सौ में इसको जो है वापस बुला लिया गया और इसके बाद जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पहले था उस लॉर्ड कॉर्नवालिस को फिर से गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजा गया अब लेकिन अब की बार जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो वो थोड़ा सा बीमार था बूढ़ा था सड़सठ साल की आयु का हो चुका था 1805 में वो गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया लेकिन अक्टूबर 1805 में उसकी डेथ हो गई गाजीपुर में तो उसके आने ना आने से कोई फायदा नहीं हुआ तो अगला जो अगला जो वायसराय बना गवर्नर जनरल बना अगला गवर्नर जनरल हुआ सर ज, सर जॉर्ज बार्लो अगला गवर्नर जनरल कौन हुआ सर जॉर्ज सर जॉर्ज बार्लो। ये अगला गवर्नर जनरल बने 1805 से लेकर के 1807 तक छोटा सा कार्यकाल रहा इनका और कुछ खास कार्यकाल भी नहीं रहा मतलब कुछ खास कार्य भी नहीं किया लेकिन नाम आता है बीच में तो लिख लेते हैं हम लोग ठीक है जॉर्ज बॉर्लो की बात करें तो इसने जो देशी राज्य थे उसके साथ इसने भी हस्तक्षेप की नीति का पालन किया लेकिन इसके समय में एक विद्रोह फेमस है और वो विद्रोह है विल्लोर विल्लोर का विद्रोह या वेल्लोर का विद्रोह वेल्लोर का विद्रोह इसके समय में हुआ बाकी हस्तक्षेप की नीति कैसने पालन किया है विद्रोह जो ये हुआ ये थोड़ा सा आ, आ, कह सकते हैं कंफ्यूजन में हुआ एक तरीके से इसमें जो सेनापति थे ब्रिटिश सेनापति जो थे उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि अब आपको नई तरीके की पगड़ी बांधनी है और माथे पे तिलक लगाना बंद करना है इसकी आज्ञा दी उसने और सेना ने यह समझा कि भाई ये तो एकदम हमें विधर्मी करे दे रहे हैं अपनी मर्जी से काम करा रहे हैं तो में में इसके समय विद्रोह हो गया ये विद्रोह हुआ में यह विद्रोह हुआ 1806 में, विद्रो हुआ, का विद्रो, 1806 में, हुआ. में जब विद्रोह हुआ तो आ, एक बड़ी फौज को लेकर के इस विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया और विद्रोह शांत हो गया उसके बाद क्योंकि यह ज्यादा योग्य सिद्ध नहीं हुए तो 1805 में अठारह 180, में 1808 में जो है इनको मतलब सात में रिमूव कर दिया गया और अठारह आठ में इनको मद्रास का मद्रास का गवर्नर बना दिया गया गवर्नर तो एक तरीके से इनका डिमोशन हो गया गवर्नर जनरल से गवर्नर बन गए मद्रास के गवर्नर जनरल बन गए और इनकी जगह पर अगला जो गवर्नर आया उसका नाम हुआ लॉर्ड मिंटो अगला गवर्नर जनरल बन के कौन आया अगला गवर्नर जनरल के आया लॉर्ड मिंटो ये लॉर्ड मिंटो प्रथम थे लॉर्ड मिंटो ये लॉर्ड मिंटो हैं इनको आप लॉर्ड मिंटो प्रथम कहेंगे क्या हुआ हम तो हिंदू हैं तिलक बिना कोई काम नहीं करते ये ऐसा है कि रात में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक लंबा सेशन है तो रात में अपने यहां कोई सेशन होता नहीं है बेटे है ना दिन में अगर ये सेशन करते तो बहुत सारे जो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं उनको हमें बाधित करना पड़ता और बाधित करके तब हम ये प्रोग्राम आपको देते तो इस तरीके के कुछ प्रोग्राम्स यहां पर लाए गए हैं जिसकी वजह से आपको ये रात में प्रोग्राम दिया जा रहा है ठीक क्लियर हो गई बात या नहीं सब शांत हो गए मतलब हाँ थोड़ा सा हो सकता है कि नींदूदारी हो किसी को 1807 से लेकर के 1813 तक 1807 से लेकर के 1813 तक जो है लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल रहा अब लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो राजा रणजीत सिंह के साथ में एक संधि हुई थी रणजीत सिंह के साथ में राजा रणजीत सिंह के साथ में पंजाब के राजा रणजीत सिंह थे उनके साथ में इसकी अमृतसर की संधि हुई थी आप लोगों को मालूम है राजा रणजीत सिंह इनके साथ में इन्होंने अमृतसर की अमृतसर की संधि की अठारह में हुई थी एक 1809 में 25 अप्रैल 1809 को 25 अप्रैल 1800 नौ को यह संधि हुई अब इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी इन शर्तों को अगर देखिए इनकी इनकी शर्तें ये थी इनकी शर्तों में सबसे पहली शर्त ये थी कि अब देखिए रणजीत सिंह जो थे मतलब बहुत ही शानदार योद्धाओं में से एक थे तेजी से अपने पंजाब राज्य का प्रसार कर रहे थे पूर्व से लेकर के पश्चिम तक अंग्रेजों को इस बात से चिंता हुई कहीं ऐसा कि मराठों की तरह कहीं ये भी अद्वितीय शक्ति के रूप में सामने आ जाए तो कैसे इनको कंट्रोल किया जाए तो अंग्रेजों ने इनके साथ संधि करी संधि में पहली शर्त यह हुई कि सतलज नदी जो है वो पंजाब राज्य की सीमा तय कर दी गई और यह कहा गया कि रणजीत सिंह जो है वो राज्य की दक्षिण सीमा मानेंगे किसको सतलज नदी को सतलज नदी को सतलज नदी को पंजाब की दक्षिण सीमा माना गया ठीक है रणजीत सिंह के लिए दक्षिण सीमा यही होगी अठारह सो तेरह तेर, तेर का चार्टर आएगा भाई अभी रुक जाओ ठीक है आएगा अभी रुक जाओ तो फिलहाल यहां पर यह बात आपको समझ में आ गया होगा अमृतसर की संधि 1809, ठीक है चीज समझ में आ गई हाँ यह अठारह ही लिखा है पच्चीस अप्रैल को अठारह में यह संधि हुई थी इसके अलावा यह कहा गया कि सतलज के दक्षिण पूर्व की ओर सिख और अंग्रेज दोनों का संगठन का राज्य मौजूद रहेगा दक्षिण पश्चिम की ओर सतलज नदी के दक्षिण पश्चिम में पंजाब और अंग्रेजों का संगठित राज्य रहेगा संगठन मतलब दोनों लोगों का यहां पर रहेगा आपस में बातचीत करके चीजों को हम लोग समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे ऐसा चीज तीसरी बात यह है कि लुधियाना में लुधियाना में लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी अंग्रेजी सेना रखी जाए इसको रणजीत सिंह ने मंजूर किया चौथी बात यह थी कि सतलज के उत्तर में अंग्रेज कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे मतलब दक्षिण अगर सीमा बन गई है तो उत्तर में हस्तक्षेप नहीं सतलज के उत्तर में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे हस्तक्षेप नहीं करेंगे ठीक है और अगली शर्त यह रखी गई कि सतलज के पूर्व में अंग्रेजों का राज्य होगा अंग्रेजों का राज्य रहेगा यानी कि यह पूर्व में अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ाएंगे पूर्व में जो है वह ब्रिटिशर्स का राज्य रहेगा इसके दक्षिण में उत्तर में जो है इनका राज्य रहेगा दक्षिण में इनकी सीमा तय कर दी गई दक्षिण पश्चिम में हम दोनों लोगों का राज्य रहेगा लुधियाना में हम अंग्रेज सैनिक रखेंगे तो ये सब चीजें जो है अमृतसर की संधि में कही गई तो आई होप कि आपको अमृतसर की संधि जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी क्लियर किसी को अमृतसर की संधि में कोई दिक्कत हाँ या नहीं अमृतसर की संधि में किसी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अभी बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं इनको अच्छा इस सब चीज़ों के बारे में यदि अगर आप विस्तार में पढ़ना चाहते हैं कि ये किस कंडीशन में रणजीत सिंह ने मिनटों से ये संधि करी थी तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है जो शाम को साढ़े पाँच बजे से जो बैच चल रहा है स्पेक्ट्रम वाला उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें पूरे कारण मैंने बताए हैं किस किस तरीके से क्यों क्यों हुआ है तो आप इसकी फुल डिटेल वहाँ पर भी जा के पढ़ सकते हो ठीक है पूरी डिटेल आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है ओके okay. अब क्या हुआ कि भाई पूर्व में नहीं बढ़ेंगे तो ये पश्चिम में बढ़ने लगे रणजीत सिंह को रोकने वाला कौन अब ये पश्चिम में बढ़ते बढ़ते जो फारस तक था परसिया सिंध और यहां से लेकर के ईरान तक जो है वो अपना राज्य फैलाने लगे तो अंग्रेजों को फिर भयभीत हुआ होना पड़ा तो अंग्रेजों ने क्या किया मिंटो ने जो है जॉन मेलकम को भेजा पर्शिया के राजा के पास और पर्शिया के राजा से उन्होंने संधि कर ली और इनको जो है वहां पर भी प्रसार करने से रोक दिया गया इन्हीं के स्वयं में 1813 का चार्टर एक्ट भी पारित हुआ और ये जो 1813 का चार्टर एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा यहां पर इन्हीं के स्वयं में 1813 का 1813 का चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट पारित हुआ और 1813 का जो चार्टर एक्ट जो पारित हुआ उसमें एक खास बात यह है कि इसी चार्टर एक्ट में शिक्षा संबंधी सुधार के लिए एक लाख रुपए शिक्षा संबंधी सुधार के लिए एक लाख रुपए एक लाख रुपए ये सेंक्शन हुए भारत में शिक्षा हेतु भारत में शिक्षा पर खर्चा करने के लिए शिक्षा पर खर्चे हेतु एक लाख रुपए जो है वो सेंक्शन किए गए इस एक्ट के द्वारा लेकिन इस पैसे को लेकर के विवाद हो गया ये जो राशि थी इस स्वीकृत राशि को लेकर के विवाद हो गया कि इसका व्यय किया जाए तो कहां किया जाए ठीक है ठीक है तो यहां पर यही हुआ कि एक लाख रुपए जो है ये ए, ये पैसा आया लेकिन अब ये हुआ कि एक लाख रुपए जो है ये कौन अपने पास रखे मतलब इसको किसको खर्चा किस पे करें अंग्रेजी शिक्षा पे खर्चा करें या फिर प्राच्य शिक्षा पर या मतलब एक आंग्ल प्राच्य विवाद जो है यहां पर खड़ा हो गया इस पैसे के खर्चे को लेकर के आंग्ल प्राच्य विवाद मतलब भारत में शिक्षा पे खर्चा करना है तो भारत की जो शिक्षा है उस पर खर्चा करें या अंग्रेज ये पैसा दे रहे हैं तो ब्रिटिश पैसा दे रहे हैं तो ब्रिटिश या अंग्रेजी शिक्षा पे खर्चा करें किस पे पैसा खर्चा की जाए इसको लेकर के आपस में हां डाउनवर्ड फेडरेशन थ्योरी जो है यहां पर देखने को मिली तो कहने का मतलब यही है कि इसको लेकर के आपस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई ठीक है चीज हमको यहां पर समझ में आनी चाहिए कि इसको लेकर के आपस में बहुत आंग्ल इसी को बोले थे आंग्ल प्राच्य विवाद ये इसी अठारह के एक्ट में ही आया फिर इसका हल कैसे निकला आपको मालूम अठारह सो तक इस राशि पर मतलब राशि उपलब्धि नहीं हो पाई खर्चा ही नहीं हुई इसी विवाद के चलते अठारह तक अठारह में जाकर के फिर इसके ऊपर फिर से ये हुआ कि एक समिति बैठाई जाए फिर उस पर चर्चा की जाए कि किस पे पैसा खर्चा करना चाहिए जब इस पर कंक्लूजन आया ये कि भाई ठीक है कि आ, पैसा जो है वो आ, आ, जो आंग्ल प्राचीन विवाद है तो उसमें भारत की शिक्षा के ऊपर भारत के लिए खर्चा किया जाए मतलब 2023 में इसको खर्चा करने के लिए अलग से एक समिति जो है वो बनानी पड़ गई थी 2023 में अब उस समय तक तो समय जो है इसका चला जा चुका है उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स तक आ चुके हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉरन हेस्टिंग्स नहीं ध्यान रखना अगला जो अगला जो व्यक्ति है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स है वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है लॉर्ड हेस्टिंग्स ये आएगा 1813 से 1823 तक शासन करेगा लॉर्ड हेस्टिंग्स इसने भी हस्तक्षेप की नीति का पालन किया इसने जो है हस्तक्षेप की नीति का पालन बिल्कुल नहीं किया मतलब त्याग दिया उल्टा इसके पहले लोगों ने किया आप यहां लिखेंगे अहस्तक्षेप की नीति का त्याग किया इसने त्याग किया स्वीकार नहीं किया मतलब एक सूत्री कार्यक्रम चाहे जैसे भी करा जाए भारतीय साम्राज्य का विस्तार ही करना है हमको चाहे जैसे किया जाए भारतीय साम्राज्य का क्या करना है विस्तार ही करना है तो भारतीय साम्राज्य भारतीय मतलब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य जो है उसका विस्तार करना है तो ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के विस्तार के लिए लगातार ये काम करता रहा लगातार विदेशी जो साम्राज्यवादी नीति है उसका इसने पालन किया, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने आंग्ल नेपाल युद्ध आप लोगों को पढ़ाया था आंग्ल नेपाल युद्ध पढ़ाया था आंग्ल नेपाल युद्ध तो आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय पर हुआ था नेपाल का जो गोरखा युद्ध जिसको बोलते हैं आप नेपाल का गोरखा युद्ध नेपाल युद्ध पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था मैंने सुगौली की संधि याद आई सुगौली की संधि याद आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से बताइए और देखो तेईस तारीख लास्ट डेट है फिर मत कहना कि सर बताया नहीं था आपने तेईस फरवरी 2023 ये अंतिम तिथि है किस चीज की अंतिम तिथि है यह अंतिम तिथि है एडमिशन की एडमिशन जो फाउंडेशन बैच चल रहा है फाउंडेशन बैच और शानदार ये बैच शुरू हुआ है मतलब जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ है क्या ही कह सकते हैं हम इसके लिए और इसके लिए आपको एडमिशन लेना है तो आप कोड का इस्तेमाल करेंगे वी आई आर ए डी एल आई वी ई ये ऊपर भी लिखा हुआ है इसको क्या हो गया विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना ये लिखा है यहां पर ये ओके इसको मैं बड़ा कर लेता हूं तो वीरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है भाई आपको और विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप अरे आईनेरा एल आई वी ई ये यह यहां लिखा है और आप इसमें एडमिशन ले सकते हो तो नेपाल गोरखा युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया कि नेपाल गोरखा युद्ध जो है ये आपका पहला आप देख सकते हैं 1814 से लेकर के 1816 तक ये युद्ध हुआ था कब से कब तक हुआ था 1814 से हां वो पॉइंटर में कुछ दिक्कत हो गई थी उसको मैंने रिस्टार्ट किया तो शुरू हो गया ठीक है तो अठारह से लेकर के अठारह तक ये युद्ध हुआ जिसमें 1816 में आपको मालूम है वहां नेपाल के राजा थे अमर सिंह अमर सिंह अमर सिंह जो है वो पराजित हुए और इनके साथ में पराजित होकर के आपने देखा कि 1816 में एक संधि हुई थी जिसे सुगौली की संधि कहा जाता है क्या कहा जाता है सुगौली की संधि सुगौली की संधि आप सब लोग जाकर के देखेगा सुगौली की संधि के बारे में बड़े विस्तार से मैंने बताया हुआ है बहुत विस्तार से एक घंटे का लेक्चर मैंने इसी के ऊपर लिया हुआ है, अलग से ही. का ठीक है तो सुगौली की संधि कब हुई 1816 में सब लोगों को याद है ना सुगौली की संधि में क्या हुआ जरा बता सकता है कोई आप जल्दी से बताइए सुगौली की संधि में क्या हुआ था कोई बता सकता है सुगौली की संधि में क्या हुआ था कोई बता सकता है जल्दी बताओ क्या हुआ था सुगौली की संधि में अठारह सो सोलह में हुई लेकिन कुछ एक पॉइंट तो बताइए सुगौली की संधि का क्या क्या हुआ था काली नदी को भारत की सीमा माना गया ठीक है अच्छी बात है हैं आपको बताऊ नहीं गढ़वाल शिमला कुमायूं रानीखेत नैनीताल ये सब अंग्रेजों के पास चले गए थे सिक्किम का क्या हुआ जल्दी से बताओ सिक्किम का क्या हुआ सिक्किम का ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे हाँ सिक्किम का क्या हुआ ये बताइए सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य जो है वो घोषित कर दिया गया सिक्किम को क्या कर दिया गया स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया और आपको मालूम है भारत और नेपाल के बीच में ये सुगौली की संधि अभी भी सीमा साझा कर इसके द्वारा जो बनाई गई थी सीमा वही सीमा आज भी चलती है अच्छा अब इनके समय में और भी एक काम हुआ तृतीय मराठा युद्ध हुआ अठारह से अठारह जिसमें मराठा फाइनली जो है वो कंट्रोल में कर लिए गए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ मराठों की इसमें करारी हार हुई थी आपको मालूम है पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था जितने भी मराठाओं के प्रांत थे वो सारे प्रांत ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिए गए पूना का समझौता हुआ पूना की संधि हुआ पेशवा बाजीराव द्वितीय आपको मालूम है पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बाजीराव सेकंड इनको जो है क्या कर लिया गया इनको आ, इनको पेंशन मतलब पर नियुक्त कर दिया गया पेंशन पर और इनको पेंशन पर नियुक्त करके आठ लाख रुपए इनकी पेंशन नियुक्त कर दी गई आठ लाख और कानपुर भेज दिया गया कानपुर कानपुर चले गए थे बिठूर साइड है ना क्लियर है 1818 में इन्हीं के समय में कानून बना करके प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिख लेना चाहिए 1818 में 1818 में प्रेस एक्ट आया और जो जो प्रेस है यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है प्रेस की स्वतंत्रता आपको यहाँ पर देखने को मिलती है प्रेस को भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई नेपाल और इंडिया के बीच में कोडरेशन स्टैब्लिश कर दिया गया एंड सिक्किम को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया बिल्कुल अपनों से जुड़े सपने आपका नाम मुझे नहीं मालूम लेकिन आपका ये यूजर आईडी में यही लिखा हुआ है ममता जी कह रही हैं सर का हौसला वैसे ही मजबूत है जो लगातार खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और कुछ को तो फालतू बातें करने से फुर्सत नहीं ऐसे लोग यूपीसी की तैयार समर्थन भी मिला है अमिता जी की बातों को कुछ लोगों को ओके तो बिठूर भेज दिया क्या हाँ बिठूर वही कानपुर तो ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया हाँ या नहीं ओके okay, ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सो so बेसिकली यहां पर हमको इनके समय में होने वाले जो भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने आपको बताया लेकिन एक और इसके समय में महत्वपूर्ण पॉइंट है लॉर्ड हेस्टिंग uh, के समय में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम आपको और लिखाना चाहते हैं और वो क्या है वो है भैया आ जाओ आया क्यों नहीं हम पिंडारी पिंडारियों का नाम सुना है पिंडारियों का नाम किसी फिल्म में भी आता है कौन सी फिल्म थी वो जिसमें पिंडारियों का युद्ध देखने को मिलता है सर आप कितने टाइम तक चैनल पर एक्टिव हो अभी पता नहीं भाई अभी पता नहीं कितनी देर तक हम रहेंगे मुझे मालूम नहीं चलिए बताइए अठारह सौ सत्रह से लेकर के अठारह के बीच में इसने पिंडारियों का भी दमन किया और बड़ी क्रूरतापूर्वक चलिए तो अठारह सो अठारह सत्रह अठारह में पिंडारियों का दमन पूछा जाता है कभी कभी पिंडारियों का पिंडारियों का दमन ठीक है ये कभी कभी जो है आपसे पूछा जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो समय है ये आप देख रहे हैं 1813 से 1823 तक है और इसी के समय में आप यहां पर क्या लिख रहे हैं पिंडारियों के दमन की बात लिख रहे हैं तो पिंडारियों की अगर हम बात करें तो ये वस्तुता अगर देखा जाए तो ये थोड़े से लुटेरे प्रजाति के हुआ करते थे और एक सुक सुसंगठित इनका एक दल हुआ करता था और ये मतलब इनके अंदर ना कोई जाति थी ना कोई धर्म था ये किसी भी जाति और किसी भी धर्म के थे बस सुगठित रहते थे लूटपाट मतलब करना इनका एक मजबूरी कह सकते हैं उद्देश्य कह सकते हैं जो भी कह सकते हैं इनका बेसिकली अगर हम देखें तो उदय जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में होता पिंडारी जो है औरंगजेब के शासनकाल में आए थे हाँ वीर फिल्म थी वीर 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 हम किसकी थी वो क्या नाम है सलमान खान की ना अभी जितने लोग आए हो लाइक नहीं किए हो तो भाई लाइक कर देना सिंपल सी बात ये एक क्योंकि अगर लाइक नहीं कर सकते हैं तो फिर गलत बात है सर आजकल मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लास नहीं आ रही है किसने किसने कह दिया नहीं आ रही है भाई कौन बोल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नहीं आ रही है भैया बिल्कुल लगातार आ रही है लगातार आ रही है भाई साहब अभी आंग्ल बर्मा युद्ध करा के खत्म किया है मैंने अभी सिंध विजय करानी है आंग्ल सिंध युद्ध वगैरह होने हैं अभी सलमान खान थे उसमें भैया जी चलो तो मैं आपको ये बता रहा था कि अंग्रेजों के समय बेसिकली औरंगजेब के समय बेसिकली इनका उदय हुआ था और इनकी जो मतलब एक्टिव जोन था मतलब जहां पर ये ज़्यादा प्रभावशाली दिखते थे वो जो मध्य भारत का जो केंद्र है वहां पर मतलब आप बुंदेलखंड का इलाका ले लीजिए गुजरात है निजाम के कुछ इलाके हैं और जो नि, निजाम के ऊपर जो उत्तरी सरकार वाला हिस्सा था जिसको अब आप जिसको अब आप उसमें गिनते हैं उड़ीसा में गिनते हैं उड़ीसा वाला हिस्सा तो वहां पर ये अक्सर जो है लूट वगैरह का काम करते थे इनमें अगर हम देखें प्रमुख पिंडारियों में तो कुछ एक पिंडारियों के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे करीम खान वासिल मोहम्मद करीम खान वासिल मोहम्मद और इसी तरीके से चीतू चीतू भी एक नाम है चीतू ये सब बहुत ही प्रसिद्ध कह सकते हैं फेमस पिंडारी सरदार हुआ करते थे और इनके दमन के लिए अगर देखें अगर इनके दमन के लिए देखें तो इनके दमन के लिए इसने जो है बहुत कह सकते हैं कि शक्तिशाली सेना जो है तैयार करी, तकरीबन 300 तोपों, की एक टुकड़ी करी। और तोपों की इन, इन पिंडारियों का दमन करने का प्रयास इसने किया है। तो उत्तर की तरफ से ये से, सेना लेकर खुद ही आया और दक्षिण की तरफ से यह थॉमस हिस्लोप को लेकर आया था इसका सैन्य विभाग का प्रमुख भी था तो तो ये थॉमस स्लोप को लेकर के आए और दोनों लोगों ने एकदम से आक्रमण किया तो ये बेचारे जो है मतलब पिंडारी जो है वो बीच में फंस गए और इनका बुरी तरीके से मतलब क्रूरतापूर्वक जो है दमन कर दिया करीम खान ही केवल इसमें बचा और ये जो है वसील मोहम्मद और चीतू जो है इनकी निर्मम हत्या कर दी गई हालांकि करीम खान करीम खान जो थे इनको बाद में गोरखपुर में अः इनको जो है एक जागीर प्रदान कर दी गई इनको अंत में गोरखपुर में गोरखपुर में जागीर प्रदान की गई जागीर प्रदान की गई ठीक है तो ये धन्यवाद विवेक धन्यवाद ठीक है तो ये चीज हमको यहां से ध्यान रखनी है क्लियर यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई अब आ, अगर हम देखें तो जैसे ये वसील मोहम्मद हैं, चीतू हैं इनको जो है इनका बहुत दुखद अंत हुआ सत्रह में इनका एक और काम आपको याद रखना है इनके समय में सत्रह में मद्रास में बारा महल जिले में रैयतवाड़ी प्रथा रैयतवाड़ी व्यवस्था ये बहुत फेमस है इसकी रैयतवाड़ी व्यवस्था ठीक है आ, अरे आगे था। था है रेस्टिंग रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये सत्रह सो बानवे में लेकर के आया कब आया सत्रह सो बानवे सेवनटीन नाइनटी टू में और सत्रह सो बानवे में ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये मद्रास में एक छोटा सा जिला था या एक छोटी सी जगह है जिसका नाम था बारा महल मद्रास में मद्रास में बारा महल ये मद्रास में बारह महल में जो है इसने ये जो है वो किया था मतलब लागू किया था ठीक है मद्रास के बारह महल में इसने सबसे पहले रयतवाड़ी व्यवस्था लागू करी उसके बाद मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर के आया था पहली बार उसके इसमें कर्नल रीड की सहायता ली गई थी और कर्नल रीड की सहायता से जब ये रेयतवाड़ी व्यवस्था लागू गई तो थोड़ी सफल भी हुई मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सफल हुई और 1820 से 27 के बीच में अगर देखा जाए तो मुनरो जो है वो मद्रास का गवर्नर बनकर के आया कौन 1820 से 1827 के बीच में मुनरो जो है मुनरो मद्रास का गवर्नर बनकर आया गवर्नर और अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं है ना ये बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की ये बंगाल का गवर्नर जनरल है ध्यान रखना तो इसने शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया बाद में मुनरो जो है जब मद्रास का गवर्नर बनकर के आया तो उसने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको जो है लागू करा दिया पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी पर लागू किया क्या चीज ये रैयतवाड़ी जो प्रथा है अब जो रैयतवाड़ी प्रथा है ये है क्या ये रैयतवाड़ी प्रथा में होता क्या था इसमें रैयत जो हुआ करते थे वो और रैयत मतलब किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर देख सकते हैं जिनको आप ग्राम प्रधान भी हो सकते थे रैयत किसानों को भी रैयत कहा जा सकता था बेसिकली <coughs> तो इसमें क्या था इसमें सरकार जो है वो किसानों से प्रत्यक्ष रूप से एकदम डायरेक्टली एक निश्चित राशि उपज की तय कर देती थी जैसे मैं किसान हूं तो मेरे साथ में रैयत का मतलब आप किसान समझ सकते हो रैयत का मतलब किसान सिंपली तो इस प्रथा में यही हुआ इसमें किसानों से किसानों से मतलब किसानों के साथ सीधा संपर्क हुआ और किसानों से प्रत्यक्ष सीधा संपर्क मतलब प्रत्यक्ष कर वसूली हुई प्रत्यक्ष कर कर निर्धारण कह सकते हैं प्रत्यक्ष कर की एक राशि जो है वो निश्चित कर दी गई राशि निश्चित की गई और मालूम है कितनी की गई उपज का प्रसाद पचास प्रतिशत उपज का फिफ्टी परसेंट भाई साहब उपज का पचास प्रतिशत कर्नल रीड ने पहली बार उस समय लागू किया था यह मैं बोल रहा हूं कर्नल रीड ने सत्रह में मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा लागू करी थी कंफ्यूज नहीं हो सत्रह में कर्नल रीड ने मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा बारह महल में लागू की थी बारह महल प्रांत में लेकिन इसके समय में पूरे मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई पूरे मद्रास में और किसने लागू की मुनरो ने लागू की आप समझ में आया प्रज्ञा अभी समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताइए अभी क्लियर हो गया प्रज्ञा क्लियर हो गया भाई जल्दी बताओ थैंक यू सचिन ओके टोटल फिफ्टी परसेंट हाँ बिल्कुल तो इसी को बोला गया रैयत वाड़ी प्रताप अब इससे जो किसान थे मतलब किसान डायरेक्टली कह सकते हैं कि आ, वो राशि देने लगे तो उनको लगा कि वो जमीन के मालिक बन गए पर ऐसा था नहीं पचास प्रतिशत तो आप डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो कैसे कैसे आप जमीन के मालिक हो गए वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो राज्य ही भूमि का स्वामी बना रहा और राज्य ऐसा नहीं कि 50 परसेंट पे फिक्स कर दिया था तो राज्य जो है वो 50 परसेंट से ज्यादा भी टैक्स ले सकता था इसका इस इस इसके इस, इसका निर्धारण जो है वो राज्य खुद कर सकता था मतलब ऐसा नहीं कि राज्य जो है 50 परसेंट तय कर दिया तो 50 परसेंट ही लेगा राज्य इससे ज्यादा भी ले सकता था किसानों का महसूस हुआ कि वो अपने खेत के मालिक हैं पर वो मालिक थे नहीं क्योंकि पचास प्रतिशत या उससे ज्यादा का वो टैक्स दिया करते थे पचास प्रतिशत या उससे ज्यादा का वो क्या दिया करते थे टैक्स दिया करते थे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इसके मालिक कैसे हो सकते थे है ना वो इसके मालिक नहीं हो सकते थे तो <coughs> <todak> 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 ये चीज जो है आपको रैयतवाड़ी प्रथा में थोड़ी सी देखने को मिलती है ये चीज हाँ राज्य बढ़ा सकता था करवाई अब देखो 1822 में इसके समय में एक काम और हुआ 1822 में इसके समय में टेनेंसी एक्ट टेनेंसीट जो है वो भी पारित हुआ टेनेंसी एक्ट आप इसको बोल सकते हैं काश्तकारी अधिनियम ठीक है इसको क्या बोल सकते हैं काश्तकारी अधिनियम बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं काश्तकारी अधिनियम तो काश्तकारी अधिनियम या टेनेंसी एक्ट जो है लागू किया आ, आ, इससे जो है किसानों को भूमि से बेदखली की जो समाप्ति थी वो मतलब एक तरीके से होते हुए देखने को मिलती है एक्चुअली बंगाल जो है बंगाल काश्तकारी अधिनियम था एक तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि जो रैयत हैं वो अपना एक निश्चित किराया मतलब देंगे और अगर वो निश्चित किराया देते रहेंगे तो कभी भी उसे उनके उनको मतलब विस्थापित नहीं किया जाएगा यानी उनकी जगह कोई और नहीं लेगा रैयतों की जमीन रैयतों के पास ही रहेगी और कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके कभी भी उनसे किराया मतलब बढ़ाया नहीं जाएगा तो ये टेनेंसी एक्ट में ये वाला पॉइंट आया था मतलब इसको ओरली ही आप ऐसे समझ लीजिए लिखने आप चाहे तो लिख सकते हैं मतलब मेरे को लिखने की मुझे लगता नहीं जरूरत है बस इतना सा पॉइंट है कि बंगाल में जो काश्तकारी अधिनियम आया उसमें ऐसी व्यवस्था की गई कि जो रैयत हैं वो अपना निश्चित किराया यदि अगर टाइम पे देते रहते हैं जो उनके ऊपर लगाया लगाया गया लगाएगा तो फिफ्टी परसेंट अगर वो देते रहते हैं तो उनको रैयत से कभी विस्थापित नहीं किया जाएगा और जब उनको रैयत से विस्थापित नहीं किया जाएगा तो मतलब वो बने रहेंगे अपनी जमीन पर और दूसरी बात यह कि उनकी रैयत की जो अदायकी है वो भी बढ़ाई नहीं जाएगी जब तक कि कोई एक सर्टेन बहुत मजबूरी ना आ जाए विशेष परिस्थितियां जब तक ना आ जाए तब तक किराया भी नहीं बढ़ाया जाएगा बशर्ते कि उन्हें जो है टाइम पे वो पैसा देना पड़ेगा तो ये बंगाल में बंगाल बिहार में हाँ काश्तकार कहते हैं बिल्कुल सही बात है ये भी डायरेक्ट टैक्स था बिल्कुल ठीक है तो ये भी इसी के समय में आया था इसके बाद में एक, एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था लॉर्ड एडम्स इनके बाद अगले जो अधिकारी हुए लॉर्ड एडम्स थे लेकिन लॉर्ड एडम्स जो है वो ज्यादा दिन तक रहे नहीं लॉर्ड एडम्स ये तकरीबन छह सात महीने के लिए आए थे अठारह में तकरीबन छह सात महीने के लिए आए थे उसके बाद जो प्रमुख व्यक्ति आया उनका नाम हुआ लॉर्ड एमहर्स्ट लॉर्ड एमहर्स्ट इनके बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो है जो हमको यहां पर देखने मतलब लिखना चाहिए 1823 से लेकर के 1828 तक इनका कार्यकाल रहा एज अ गवर्नर 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल रहता है और आ, 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 आपने लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में भी कुछ जो मेरी दोपहर वाली क्लास चल रही होगी उसमें इनका नाम सुना होगा जब मैंने बर्मा युद्ध के बर्मियन वॉर्स के बारे में बताया तो प्रथम जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, 1824 से 26 के बीच में जिसमें यांडाबू की संधि हुई थी तो इसी के समय में भी हुई थी ना है ना 1824 से 1826 के बीच में आंग्ल बर्मा युद्ध और 1826 में यंडाबू की संधि यंडाबू या डाबू की संधि अब जब यंडाबू की संधि हुई तो उसमें बताया गया था उसमें मैंने आपको बताया कि आ, आ, मतलब असम है जयंतिया है या कछार हैं ये सारे जो प्रवेश है प्रदेश हैं ये अंग्रेजों को मिल जाएंगे इस पर आधिपत्य जो है वो किसका हो जाएगा वो अंग्रेजों का हो जाएगा और मणिपुर मणिपुर एक प्रांत था जो मणिपुर पर कैप्चर कर लिया था बर्मा ने आगे बढ़ते हुए तो मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था ये सब चीजें जो है मैंने आपको यादूप की संधि के, के बारे में बताई अब यानदूप की संधि कैसे हुई प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कैसे हुआ द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कैसे हुआ इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस मैंने दिए हुए हैं अभी दो दिन तीन दिन पहले ही हुए हैं आप जाकर के प्ले में देखोगे प्लेलिस्ट जो है वो आ, किस नाम से है ये स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम मॉडर्न इस नाम से प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके देखोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी पूरी डिटेल आपको उसमें मिलेगी लेकिन अभी हम यहां पर ये बता रहे हैं कि एमहस के समय में ये हुआ था कैसे हुआ था किन कारणों से हुआ था वो तो एक अलग घटना हो गई वो तो हमें आंग्ल वर्मा युद्ध के समय में पढ़नी पड़ेगी तो वो तो हम यहां पढ़ा नहीं रहे इसी के समय में अगर हम देखें तो 1824 में इसने भरतपुर पर भी अधिकार कर लिया था 1824 में 1824 में भरतपुर पर भरतपुर पर अधिकार ठीक है भरतपुर पे अधिकार कर लिया था 1824 में वहां पे वहां पे आ, दुर्जन साल राजा थे उनको हटा करके अपनी मर्जी का राजा वहां पर बैठाया था कोई बलदेव सिंह का बेटा था उसको बैठा दिया था 1824 में ही गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की इसने स्थापना की 1824 में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज और 1824 में बैरकपुर में एक विद्रोह भी हुआ 1824 में अब 1824 में बैरकपुर में जो विद्रोह इसके समय में हुआ वो क्या था बैरकपुर विद्रोह वो विद्रोह कुछ इस तरीके का था कि इसने कमांड दिया या आदेश दिया सेना को भारतीय सैनिक जो थे भारतीय सैन्य जो टुकड़ी थी उसे रंगून जाने का आदेश दिया गया उसे रंगून जाने का आदेश देने पर तो यह विद्रोह इसीलिए हुआ था क्योंकि उसे आदेश दिया गया कि तुम लोग रंगून जाओ अब भारतीयों में उस समय एक प्रथा प्रचलित थी समुद्र पार वो नहीं जाते थे समुद्र पार जाना धर्म भ्रष्ट कहलाता था समुद्र यात्रा करना धर्म भ्रष्ट कहलाता था धर्म भ्रष्ट हो जाता था समुद्र यात्रा करने से तो सिपाहियों ने मतलब उस समय की ये सब चीजें थी तो सिपाहियों ने इस बात पे कि तुम हमारा इस तरीके से आदेश दे करके हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हो तो वहां के सैनिकों ने क्या कर दिया था विद्रोह कर दिया था तो ये बैरकपुर विद्रोह जो है इनके अरे भरतपुर राजस्थान में है भाई भरतपुर राजस्थान में है आगरा के बिल्कुल पास में ठीक है तो वहां पर सैनिकों ने क्या कर दिया विद्रोह कर दिया तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा ये लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ ठीक है ये किसके समय में हुआ ये लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ठीक है यहां तक सबको समझ में आ गया भरतपुर सैन्य विद्रोहनी ये ये आपका तीन बज रहे हैं सर जी तीन बज गए अच्छा भाई तीन बज गए तो ये लॉर्ड एमहस्ट एम में अगला जो गवर्नर जनरल बना उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 में 1828 में 1828 में ये क्या बने भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल बने और 1828 में जब ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो आपको मालूम है कि यही वो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं जिनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का दर्जा भी प्राप्त हुआ तो ये अंतिम कह सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल बंगाल के अंतिम एवं भारत के पहले गवर्नर जनरल ध्यान रखना अभी तक जितने भी गवर्नर जनरल आप पढ़ रहे थे ये सब बंगाल के गवर्नर जनरल थे एक बार रिवीजन में आपके सामने यहां पे कर देता हूं जरा देखिए भूल मत जाइएगा नहीं तो पता चला भूल गए देखिए यहां रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन एस्टिंग्स कहाँ गया वॉरेन एस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव और ये हैं वॉरेन एस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन एस्टिंग्स ये दोनों लोग बंगाल के गवर्नर थे जिस प्रकार से वॉरन एस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के साथ साथ बंगाल का गवर्नर जनरल बना बंगाल के गवर्नर के साथ साथ ये बंगाल का जिस तरीके से क्या बना गवर्नर जनरल बना उसी तरीके से उसी तरीके से ये वॉरन एस्टिंग्स के बाद में आपने देखा वॉरन एस्टिंग्स बना वॉरन एस्टिंग्स के बाद में आ, यहां पर आप देखेंगे ये वॉरन एस्टिंग्स के बाद में कुछ लोग थे बीच में और वॉरन एस्टिंग्स के लौटने के बाद में आपने देखा कि यहाँ पे कॉर्नवॉलिस भारत का गवर्नर जनरल बना कॉर्नवॉलिस के बाद आपने देखा <clears throat> सर जॉन शोर को सर जॉन शोर के बाद आपने देखा लॉर्ड वेलेजली को लॉर्ड वेलेजली के बाद आपने सर जॉर्ज बोर्ले को देखा सर जॉर्ज बोर्ले के बाद लॉर्ड मिंटो को देखा लॉर्ड मिंटो के बाद अब आप यहां पर लॉर्ड हेस्टिंग्स को देख रहे थे अभी तक लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद में भी आपने लॉर्ड एडम्स को देखा कुछ समय के लिए लेकिन फाइनली जो है लॉर्ड एमहर्स्ट को देखा और लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद में ये लॉर्ड तो ये सब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल हैं ठीक है ये सब जो है क्या है बंगाल के गवर्नर जनरल हैं अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो हुआ वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ या बेंटिक हुआ 1828 से लेकर के 1825 तक 1828 से 1835 तक ठीक है 35 तक ये भारत के गवर्नर जनरल बने रहे और आपको मालूम है 1833 का चार्टर एक्ट इन्हीं के समय में आया था चार्टर अठारह सौ और इसी के द्वारा जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था तो तब तक ये गवर्नर जनरल बने रहे 1833 के बाद में ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए तो अब हम आगे हेडिंग डालेंगे अब हम आगे हेडिंग डालेंगे भारत के गवर्नर जनरल भारत के भारत के गवर्नर जनरल ये हम हेडिंग डालेंगे अब बंगाल के गवर्नर जनरल हमारे खत्म हो गए सारे अब बताओ बंगाल के गवर्नर जनरल को लेकर के किसी से कोई समस्या बंगाल के गवर्नर जनरल को लेकर के किसी को कोई समस्या जल्दी बताइए हम्म जल्दी बताइए बंगाल के गवर्नर जनरल को लेकर के कि किसी को कोई समस्या है जल्दी से बताएं नहीं ना तो आप इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो और मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं इस लाइव कोड का इस्तेमाल करके तेरह तेईस तारीख लास्ट डेट है तेईस फरवरी आज जो है आपकी देखिए उन्नीस तारीख से आपने पढ़ना शुरू किया और बीस तारीख तक आप पढ़ रहे हैं तो उन्नीस तारीख से लेकर के बीस तारीख हो गई है पढ़ते, पढ़ते पढ़ते आपकी तो अब जो है उन्नीस तारीख से जो बीस तारीख आपकी हो गई है पढ़ते पढ़ते तो अभी क्या है कि ठीक है हाँ तो जो आपकी बीस तारीख हो गई है अभी तीन दिन के बचे बचे आपके पास में ये देखिए तेईस फरवरी लास्ट डेट है तेईस फरवरी जो है क्या है इसकी लास्ट डेट है ट्वेंटी थर्ड फरवरी दो हजार तेईस ये लास्ट डेट है शाम छह बजे से बैच चल रहा है इसमें मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं इतिहास और इतिहास में आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर ये सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ और ये आपको कोर्स में मिलेगा अट्ठारह में आपको अट्ठारह में ये लाइव कोर्ड लगाने पे मिल जाएगा ठीक है लॉन्ग जर्नी है ऐसे तो ऐसे नहीं हो सकता क्या चीज़ ऐसे नहीं हो सकता क्या चीज़ ऐसे नहीं हो सकता भाई ठीक है तो इसमें कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं आप जब तक पढ़ाते रहेंगे तब तक हम पढ़ने के लिए तैयार हैं अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बिल्कुल पढ़ते रहिए पढ़ाते रहेंगे हम तो क्या दिक्कत है आंग्ल युद्ध का अर्थ क्या होता है आंग्ल मतलब अंग्रेज और मतलब युद्ध मतलब वॉर अंग्रेजों के साथ जो भी युद्ध होते हैं उसको आंग्ल युद्ध कहते हैं अंग्रेजों के साथ मराठे तो आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों के साथ बर्मा के युद्ध तो आंग्ल बर्मा युद्ध मैसूर के साथ हुए तो आंग्ल मैसूर युद्ध आंग्ल युद्ध का मतलब बता दो दिया भाई ऐसा कुछ नहीं होगा प्रज्ञा अपने अपने नोट्स अपने अपने पास रखिए कोई किसी की सहायता नहीं करेगा इस तरीके से अपने नोट्स बनाइए आपको अगर अपने नोट हमसे चेक कराने हैं तो आप इसके लिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मेरा ई मेल आई वहां पर भेज दीजिएगा मैं चेक कर लूंगा समय तो, dot, -E studyiq .com, studyiq .com. अगर समय होगा तो विरद वी आई आर ए डी डॉट दुबे डी यू बी वाई एट द रेट स्टडी आई क्यू डॉट कॉम स्टडी आई क्यू डॉट कॉम अगर समय होगा तो मैं चेक कर लूंगा बाकी ये सब काम करने की जरूरत नहीं है तो भाई चलिए मेरा मनी प्रॉब्लम है ओके आ, मतलब आ, ऐसा है कि मैं भी इसमें कुछ विशेष सहायता नहीं कर सकता हूं सिवाय इसके कि आपसे कहूं कि आप हमारा कोड लगा लीजिए तो थोड़ा कम हो जाएगा इसके अलावा कोई सहायता नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये एक कंपनी प्रोसीजर है बहरहाल जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो यूट्यूब से पढ़ेंगे जैसे पढ़ाई चल रही है कुछ अतिरिक्त करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो मतलब हमें भी व्यय करना पड़ता है हर जगह आपको भी व्यय करना पड़ेगा या पढ़ रहा होगा ठीक है बाकी सारी सुविधाएं देने के लिए हमारा स्टडी आई क्यों आपके साथ है ही चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं पर क्लोज करते हैं क्योंकि बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल तक बंगाल के गवर्नर जनरल तक हमने समाप्त किया और रात काफी ज्यादा हो चुकी है और काफी सारे लोग यहाँ पर अब निद्रासन में भी चले गए हैं अगली बार आ, अगली बार प्रयास कीजिएगा कि और सारे लोग भी बने रहिएगा निद्रासन में मत जाइएगा है ना क्लियर तो बताइए सर हम आपका फाउंडेशन कोर्स लिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद तो क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा शुरू कर देंगे तो भारत के गवर्नर जनरल को शुरू करने का मतलब है आगे फिर तीन घंटे की क्लास चाहिए हमें और यहाँ से तीन घंटे की क्लास का मतलब हो गया सुबह के छह बज जाएंगे और सुबह के छः बजे तक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आप लोग इतने लोग रहोगे क्योंकि नींद आने लगी है बहुत सारे लोगों को तो मेरी कैपेसिटी का कोई दिक्कत नहीं है अभी भी आप देख सकते हो मैं आसानी से पढ़ा सकता हूँ आसानी से आपके सामने खड़ा हूं कोई दिक्कत है नहीं लेकिन फिर भी आप लोगों को आप लोगों का इतने समय तक जुड़ने के लिए सबसे पहले तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया इतने रात तक आपने हमारा साथ दिया आ, आ, मतलब मैं बहुत ग्लैड हूँ इस चीज़ से कि मोर देन 1.3 के लाइक्स जो है हमको यहाँ पर दिख रहे हैं एंड आई होप कि हम जब ख़त्म करेंगे तो दीज विल बी इंक्रीज विद वन के और मोर देन दैट या उससे ज़्यादा में एक होगा लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि ये रात में अगर इतने लोग भी यहां पर जुड़े हैं तो ये बहुत शिद्दत के साथ जुड़े हैं बहुत मेहनत के साथ जुड़े हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपका मैंने समय व्यर्थ नहीं किया होगा आपको बहुत सारी चीजें यहां पर पढ़ने को मिली होंगी आगे फिर से हम इस क्लास को शेड्यूल करेंगे इसी के पार्ट टू के साथ ठीक है कैसा रहेगा इसी के पार्ट टू के साथ अभी हम फिर से इसको शेड्यूल करेंगे हां आप मैं इससे पहले 11 घंटे की एक क्लास लिया था तो आप लोगों को मैंने देखा कि 11-11 घंटे 11 तक पूरे पूरे दिन तक आप लोगों ने पढ़ाई करी थी मतलब डेडिकेशन में कोई कमी नहीं है आप लोगों के ये और ये इसी कारण से हमारे डेडिकेशन में भी कमी नहीं आती है बहरहाल आज का जो सत्र है वो हम आप लोगों के साथ हां बेटा पूछो श्रीरोम श्री ओम क्या नाम है आपका गुप्ता ठीक है तो बहुत लंबे समय तक आप लोगों ने वहां पर भी पढ़ाई करी थी बहुत अच्छी बात है तो पढ़िएगा करिएगा पढ़ाई तो निश्चित रूप से बहुत जरूरी है पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है क्या पूछना है शिरोम बताओ आई हैव अ क्वेश्चन अरे आई हैव अ क्वेश्चन लिखोगे कुछ पूछोगे ये भी भाई नेक्स्ट टाइम भी कभी रात में सेशन लूंगा ठीक <laughs> है आकाश आई होप कि एंजॉय किया होगा सबने यहां पर अच्छा जाने की इतनी जल्दी है कि सब पहले ही चले गए हाँ अगली बार हम एम के साथ आएंगे और भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वॉयसराइज को एक साथ कंप्लीट कम, करने का प्रयास करेंगे होप यू आर अ सीरियस मेंटोर एंड टीचर श्री ओम ये पूछ रहे हो कि बता रहे हो एंड आई होप कि अभी इतना दिन हो गया होगा आपको हमारे साथ पढ़ते हुए या फिर आप हो सकता है कि हमारे साथ नए जुड़े हों अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक सीरियस मैंटोर हूँ तो ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने वाली बात है आप हमारे सेशन्स को देख लीजिए समझ लीजिए और अगर हम आपको यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अगर हम यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कह भी रहे हैं तो मतलब ये आपके ऊपर ही है पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि हम YouTube में अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर वहीं पे ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे वहां फैसिलिटीज ज्यादा हैं जो हम YouTube पे नहीं दे सकते हैं और कई सारी ऐसी चीजें सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है परीक्षा निकालने के लिए ठीक है तो आपको जब विश्वास हो कि हाँ सर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं सर जो कहेंगे करेंगे वैसा ही जैसा कहा है उन्होंने रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी थोड़ा सा ध्यान दें तीन आवर्स इज मोर देन इनफ फॉर अ मैराथन हाँ श्री ओम बट ठीक है अब अगर आप देखिए इसको अगर हम बीच में ब्रेक करते तो कहाँ से ब्रेक करते पूरा एक अब इसीलिए मेरे पास अभी भी मैटर है कि मैं आपको गवर्नर जनरल के बारे में बता सकूँ वायसराय के बारे में बता सकूं बट मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे ब्रेक करना चाहिए सो दैट आई एम गोइंग टू बी ब्रेक हियर हाँ बात कीजिए ना क्या बात करनी है मैं आपसे बात तो कर रहा हूं क्या पूछना है बताओ अगली बार कब हम आपके सामने हाजिर हों बताइए अमन शर्मा डुअल शासन के समाप्ति भी इन्होंने ही किया था ना डुवेल शासन की समाप्ति किन्होंने किया था वो जो द्वैत शासन आया था वो तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था क्या प्रश्न है लंबी मैराथन को लेकर के श्री ओम बात बीच में ब्रेक करने की नहीं है देखिए मेरी नॉर्मल क्लासेस भी दो दो घंटे की चली जाती हैं आपको मालूम है आप पिछले बार आंग्ल आंग्ल वर्मा युद्ध को देखिएगा आप दो घंटे की क्लास लिया आंग्ल वर्मा युद्ध आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए तो ये इस बात पे मैटर नहीं है ये इस बात पे मैटर है कि जब हमें क्लास खत्म करनी होती है तो हम ऐसी जगह पे खत्म कर सकें कि एटलीस्ट एक जगह वो कंप्लीट हो

ऑप्शनल uh, uh, इसमें नहीं है ये केवल फाउंडेशन कोर्स है एंड ओनली दिस इज जी एस फाउंडेशन कोर्स इसमें ऑप्शन नहीं ऑप्शन बाद में आएगा ठीक है जी कोशिश करेंगे चलिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, मतलब रात्रि कहां रह गई अब तो भोर हो गया है आधे घंटे में तमाम सारे लोग उठने लगेंगे सुबह होने लगेगी तो मुलाकात करेंगे हम आप लोगों से दोबारा इसी सत्र के साथ में आपके मन में किसी प्रकार की शंका संदेह कुछ भी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए आप इन जगहों पर ये हमारा आप इसे स्कैन कर सकते हो और स्कैन करके आप इसे स्कैन कर सकते हो ये ए, इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम है तो यहाँ पर टेलीग्राम यहाँ पर इंस्टाग्राम में आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं और ये हमारा फेसबुक है और इंस्टाग्राम हो चाहे टेलीग्राम हो चाहे फेसबुक हो सब में एक ही नाम से मिलते हैं विरद दुबे जीरो वन राइट चलिए तो आज का सत्र करते हैं हम यहीं पर समाप्त इस उम्मीद के साथ कि आपके साथ आगे मुलाकात होगी इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा यहां पर ये वीरद दुबे जीरो वन जो टेलीग्राम है सभी लोगों को शुभरात्रि एक बार फिर से जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद नमस्कार